हेलो जी एम आई विजिबल एंड ऑडिबल बेटा क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूं A very good morning, all of you. Make my sub check, kar bache so that we can start off with the lecture. Perfect. हेलो बच्चे बेटा हम लोग आज अपनी लेबर लॉस की जो रिविजन है उसको स्टार्ट करने लगे हैं पहली बात सर ये लेक्चर किस किस कोर्स के किस किस लेवल के बच्चे के लिए है अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव के न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं फिर चाहे आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो चाहे आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो ये आपके लिए है फोर्टी मार्क्स का और आपको ये सेशन अटेंड करना है तो सबसे पहली चीज ये किसके लिए है जो सीएस एग्जीक्यूटिव में न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फोर्टी मार्क्स का होने वाला है तीन दिन का सेशन आज कल और परसों इसके अलावा जो भी बच्चे सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड कोर्स के हैं उनके लिए ये 15 मार्क्स का होने वाला है तो नए कोर्स के बच्चों के लिए तीन दिन में 40 मार्क्स का कवर होगा ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए तीन दिन में 15 नंबर का कवर होगा इसके अलावा, अगर आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं फिर चाहे आप न्यू कोर्स के हैं या ओल्ड कोर्स के हैं अगर आपने इलेक्टिव पेपर लिया हुआ लेबर लॉ का तो दोनों ही केसेस में आपका 80 मार्क्स का हंड्रेड में से 80 मार्क्स का जो सिलेबस है बेटा वो कवर होगा तो यहां तक हम लोगों को बात क्लियर हो गई यस सर एब्सोल्यूटली इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर ये और किसके लिए सेशन रहेगा अगर आप में से कोई भी बच्चा लेबर लॉ के ईपीएफओ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई भी ईपीएफओ एफ, के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई भी सेबी ए ग्रेड ऑफर ऑफिसर की तैयारी करता है सेबी ए ग्रेड का एग्जाम होता है कोई भी आरबीआई के ऑफिसर की तैयारी कर रहा है या कोई भी अगर बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है सब लोगों को इस पोर्शन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है ये बात सबको समझ आ गई जी डन सब लोगों को इस पोर्शन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो चाहे आप सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू कोर्स में हो चाहे आप सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड कोर्स में हो चाहे आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो चाहे आप न्यू कोर्स है प्रोफेशनल का ओल्ड कोर्स है चाहे EPFO का एग्जाम दे रहे हो ए ग्रेड ऑफिसर आरबीआई गवर्नमेंट एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा जो फोकस है हम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं सी एस एक्स न्यू एंड ओल्ड एंड सी एस प्रोफेशनल न्यू एंड ओल्ड के हिसाब से ये नोट्स और चार्ट बने हुए हैं राइट अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अमृतसर आज कल और परसों डेली हम सुबह मिलने वाले हैं दस बजे राइट दस बजे से लेके कब तक जैसा मैंने कहा जब तक है जान अब हम शाम को छह बजे तक पढ़ पाते हैं आठ बजे तक पढ़ पाते हैं दस बजे तक पढ़ पाते हैं जितने आर्ट हम पढ़ पाते हैं क्योंकि हमें तीन दिन का रूटीन फॉलो करना है अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो अमृतसर एक बात बताइए कि क्या इसके अंदर जो आप पढ़ाएंगे लेबर लॉ के अंदर एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा हंड्रेड परसेंट नहीं आएगा उससे बाहर एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं होगा और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट है वो रिक्वेस्टेड है बैठने के लिए प्लीज बाकी लोग अनेसेसरली स्पैमिंग ना करें क्योंकि जो ये तीन दिन के लेक्चर है इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस है कि आपने मुझसे ज्ञान लेना है मुझे ज्ञान देना नहीं है ठीक है ना है ना तो प्लीज जितना मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर लेबर लॉस कवर करने वाले एक चीज कंफर्म है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो ना रिवाइज तो छोड़ो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको सब कुछ समझ आएगा आपको क्लास में याद होगा बस आपको हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन यहां पर देना है राइट बच्चे क्लियर है जी तो यस सर यहां तक हम सब लोगों को सारी बात समझ आ गई अब देखिए क्या कहते हैं अब बच्चे ये हमारे लेबर लॉ के चैप्टर्स हैं दीज आर चैप्टर्स ऑफ आर लेबर लॉस इसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने इक्वल एक्ट से. इक्वल एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है बहुत छोटू सा और हमारे पेपर में इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट मुश्किल से इसको करने में हमें 45 मिनट्स में भी नहीं लगेंगे अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग सी एस न्यू कोर्स का भी ध्यान रखेंगे ओल्ड कोर्स का भी ध्यान रखेंगे और प्रोफेशनल का भी ध्यान रखेंगे आपको पता है इन तीनों में ये टॉपिक है तो ज़रूर लेकिन इन तीनों में ही जो पैटर्न है एग्जाम का वो बिल्कुल अलग है मतलब मतलब सी एस एक्जी ओल्ड कोर्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्लस केस स्टडीज आती हैं सर प्रोफेशनल के अंदर अगर हम बात करें तो केस स्टडीज आती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है सर न्यू कोर्स की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं केस स्टडीज भी आती हैं और इसके साथ साथ एम भी आते हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि हर तरीके की हर तरीके की प्रिपरेशन हम यहां करने वाले हैं तो ये सर ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आ गई और जैसा मैंने आपको कहा ये नोट्स हम ऑलरेडी आपको पिछले वीक में मेरी टीम सर्कुलेट कर रही थी और ये नोट्स की हार्ड कॉपी अगर आपके पास होगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें चार्ट्स और थियोरी सारी चीजें दी गई हैं राइट सर यस सर एपसल्यूटली तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम आते हैं सीधा अपने चैप्टर में जिसका नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 राइट बच्चे अगर आप लोग मुझे एक बार ग्रीन सिग्नल दे देते हो कमेंट में तो मैं चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूं बेटा मेरा कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है ड्यू टू सन टैनिंग मैं थोड़ा क्लाइंट्स के काम से बाहर गया हुआ था तो उस वजह से तो इतना काला रंग है नहीं मेरा वैसे हाँ जी यस स्टार्ट करते हैं बड़े ध्यान से देखते हैं बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इक्वल इक्वल एक्ट एक्ट 1976 अब ये जो है मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके पास नोट्स की फिजिकल कॉपी होगी तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू देखिए बेटा क्या कह रहा है कहता हैं सर जब हम इक्वल रेमोनरेशन एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कानून आया क्यों है कहता सर ये कानून आया है सबसे पहले तो इक्वल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने के लिए टू मेल एंड फीमेल इंप्लॉईज अगर आपके ऑफिस में एक मेल इंप्लॉई है और आपके ऑफिस में एक फीमेल है और जो काम करने के लिए स्किल चाहिए ध्यान से सुनेगा जो काम करने के लिए स्किल चाहिए जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो इक्वल है अगर वो सेम है तो दोनों की जो रेम्यूनरेशन है वो भी सेम होनी चाहिए तो हमें क्या समझ आता है कि सर हमारे ऑफिस में एक काम है और जो हमारे ऑफिस में काम है उसके लिए मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय दोनों कर सकते हैं दोनों की स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल काम है तो आदमी कर सकता है ऐसा नहीं है और जो काम है वो दोनों में से कोई भी कर सकता है और दोनों की स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोनों के एफर्ट भी बराबर ही लगने हैं मैं यहाँ तीन वर्ड्स यूज कर रहा हूँ क्या ये तीनों वर्ड्स को पकड़ के रखेंगे स्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफर्ट्स तो फिर कहता है कि आपको रेमोनरेशन जो है वो सेम देनी पड़ेगी आप जस्ट डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये मेल है और ये फीमेल है आपको पता है जब एक मकान बन रहा होता है एक घर बन रहा होता है कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो मेल फीमेल वगैरह जो लेबर होती है वो लेबर क्या करती है कि लेबर हायर करते हैं लोग आपने देखा होगा मजदूर होता है उसकी बीवी उसकी वाइफ होती है साथ में उसके बच्चे जो है वहां टेंट वेंट लगा होता है राइट आपको पता है ये सब अब होता क्या है फाइनली कि वो जो मजदूर है उसको मिलती है एक दिन के पाँच सौ रुपये और उसकी वाइफ को मिलते हैं साढ़े तीन सौ रुपये थ्री फिफ्टी रुपीज़ क्यों क्योंकि वह मजदूर बीस ईंटें उठा के लेके जाता है ऊपर उसकी वाइफ जो है वो बारह ईटें उठा के लेके जाती है एक बार में और मज़दूर जो है जो मेल है वो वो फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग है मेल बाहर से स्ट्रांग होते हैं फीमेल अंदर से स्ट्रांग होती है और जो फीमेल है वो उतनी स्ट्रांगल नहीं है तो वो उतने चक्कर नहीं काट सकती तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन ये गलत है क्यों क्योंकि भाई काम तो वो भी नौ घंटे कर रहा काम तो वो भी नौ घंटे कर रही है इसका मतलब क्या हुआ अगर दोनों की स्किल बराबर है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है दोनों के एफर्ट्स बराबर है लॉ मेकर ने आउटपुट नहीं बोला याद रखेगा स्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफर्ट्स आउटपुट नहीं बोला इसका मतलब क्या है आउटपुट अगर डिफर भी कर रहा है इवन देन सेम काम के लिए आपको उनको सेम रेमरेशन देनी पड़ेगी यस yes, सर ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आ गई ठीक है जी डन अब इसके बाद क्या कह रहा है ध्यान से देखिए इसके बाद कह रहा है टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एम्प्लॉइज जो वुमेन एम्प्लॉइज हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके एज़ सिंपल एज़ दैट अब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके का होता है सर आपको पता है इनके साथ ना प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रमोशन में इनको जनरली प्रमोशन नहीं दिया जाता या मैं बोलूं तो क्यो? सोसाइटी में लड़की का हस्बैंड दिल्ली में रहता है उसके बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं उसके ससुराल वाले पूरी फैमिली दिल्ली में है अब आप बोलो आपको हम प्रमोशन दे रहे हैं और साथ में ट्रांसफर दे रहे हैं आपको जैसलमेर जाना नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ तो खुद नहीं जाती दैट इज ओके लेकिन कुछ को जान मूझ के प्रमोशन के साथ ट्रांसफर नहीं दिया जाता वो गलत है तो पहली चीज इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है इक्वल दी जाए मेल और फीमेल को कब जब उनकी स्किल रेस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट सेम लग रहे हैं आउटपुट को कंसिडर नहीं किया जाएगा दूसरी चीज विमेन एम्प्लॉय के साथ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए यस सर ये बात हमें समझ आ गई अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कहते हैं सर ये ना सारी की सारी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे एक्ट एप्लीकेबल होता है एंड दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके बोलने वाली बात अब रह नहीं गई है बट स्टिल जस्ट फॉर दी रेफरेंस पर्पस हम लिख देते हैं नो इट इज एम्प्लॉइड के जेएनके में भी अप्लाई होगा राइट right? जे एन के में कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे वो मैं आपको बता देता हूं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दो हजार उन्नीस आया था, था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसके अंदर एक शेड्यूल फाइव दिया गया था शेड्यूल फाइव में 106 एक्स की लिस्ट दी गई थी और ये जो 106 एक्स है ये सब के सब जो है ये एप्लीकेबल होते हैं अब जम्मू एंड कश्मीर पे जो कि पहले एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे क्लियर है बेटा सबको बोलो जी डन यहां तक बात हमें समझ आती है हां सर तो अगर हमसे कोई पूछे इक्वल रेमंड्रेशन एक्ट के बारे में तो सर मेल फीमेल दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए आया है उनको इक्वल रेमंड्रेशन मिले इसलिए आया है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है हर प्रकार के एम्प्लॉयमेंट पे राइट right. अब अगर हम यहां देखते हैं तो कहता है सर ये बताओ कि इस चैप्टर में बार बार मैन एंड वेमेन आएगा इसका क्या मतलब है सर मैन का मतलब है मेल एंड का मतलब है फीमेल किसी भी एज की किसी भी एज की मतलब वर्किंग एज वर्किंग एज भाई मेल फीमेल किसी भी एज के है लेकिन वो काम करने लायक और वर्किंग एज का मतलब क्या होता है फोर्टीन और मोर चौदह साल या उससे बड़ा बच्चा जो है वो काम कर सकता है वो चाइल्ड लेबर में नहीं आता यस yes, सर ये वाली बात हमको अच्छे से समझ आ गई इसके बाद कहता है कि सर ये बताओ कि जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं लेबर लॉ में ना एक चीज बड़ी अच्छी है लेबर लॉ में हर जगह पर वर्ड आता है अप्रोप्रियट गवर्नमेंट सर अप्रोप्रियट गवर्नमेंट क्यों वर्ड आता है क्योंकि लेबर लॉ जो है ना ये सेंट्रल लेवल पे बनाए जाते हैं और स्टेट लेवल पे भी बनाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ लेबर लॉज एक स्टेट मैटर है और कुछ कुछ चीजों में कॉन्करेंट मैटर भी है कॉन्करेंट मैटर आपको बता जाए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाती है तो लॉ मेकर ने कई जगह पर लिखा हुआ गवर्नमेंट तो अप्रोप्रियट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा या सेंट्रल या स्टेट लेकिन हमें कैसे पता चलेगा तो यहां इस एक्ट में देखो क्या बोला हुआ है अगर रेलवेज है माइंस है ऑयल फील्ड है पोर्ट है बैंक है या कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में बनी है इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा अदरवाइज बाकी सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा अब मेरी कंपनी है लॉ मैग्नेट एटेक प्राइवेट लिमिटेड राइट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राइट अन पे पढ़ाता हूँ मैं सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये अन वाली कंपनी का नाम है अब आप देखो ना मैंने अपनी कंपनी का नाम लिया मैंने रिलायंस का नाम लिया मैंने गौरव मंजाल की अकेडमी का नाम लिया अब ये तीनों की तीनों देखो यहाँ सी वाली कैटेगरी में तो फॉल ही नहीं कर रही भाई ये यहाँ तो फॉल ही नहीं कर रही ना तो हम रेलवे है ना माइन है ना ऑयल फील्ड है ना पोर्ट है ना बैंक है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में द्वारा बनाई गई कोई कंपनी है तो इसका मतलब हम कहाँ आएंगे हम तीनों के तीनों कहाँ आएंगे सर हम तीनों के तीनों स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे आई होप बेटा इतनी बात सबको समझ आ गई जी बोलिए बेटा इतनी बात सब लोग को क्लियर है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे क्लियर है जी डन सर एब्सोल्युटली तो हमें समझ आ गया इस ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बाद हमको समझ आ गया कि सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं रेलवे माइन ऑयल फील्ड पोर्ट बैंक एंड कॉर्पोरेशन कॉर्पोरिश बाय सेंट्रल एक्ट और बाकी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट तो लॉ मैग्नेट रिलायंस सॉर्टिंग है टेक्नोलॉजीडमी सब कहा स्टेट गवर्नमेंट में मैन एंड वुमेन का मतलब मेल एंड फीमेल ऑफ एनी एज यस सर आप अब यहाँ कह रहे हैं सर रेमुनरेशन का मतलब क्या है क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है देखो इस चैप्टर का नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो ये कह रहे सर एक बात तो बताओ रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है कहता है रेम्यूनरेशन का मतलब है जो भी आपको वेजेस या सैलरी मिल रही है विद एडिशनल इमोल्यूमेंट्स फिर चाहे वो एडिशनल इमोल्यूमेंट्स कैश में मिलते हो या काइंड में मिलते हो यस सर ये वाली बात समझ आई दोबारा से देखिएगा बेटा क्या कह रहा है प्लीज ऑल ऑफ यू क्या कह, कह रहा है ये कह रहा है वेजेस या सैलरी प्लस एडिशनल इमोल्यूमेंट्स कैश या काइंड में अब देखिएगा ध्यान से एक ज़माने में जब मैंने ट्वेल्थ पास की तो मैं मैकडोनल्ड्स में मैंने जॉब सॉरी टेंथ पास की तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में, में जॉब की वहां पर हमको क्या मिलता था थर्टी रुपीज पर आर हमको वहां मिलती थी बेसिक वेज दो रुपये पर आर हमको वहां मिलता था डी एल महंगाई बत्ता छः घंटे की शिफ्ट होती थी तो एक सौ वो मिलते थे एंड बारह रुपये हमें महंगाई बत्ता मिलता था ये बेसिक था और ये डीए था तो हमें मिलता था वन नाइन्टी टू रुपीज़ और साथ में ना सेवेंटी रुपीज का हम कुछ भी खाना खा सकते थे वहां बर्गर वगैरह तो टोटल टू सिक्स पर डे हमको मिला करते थे अब लेकिन क्या फिर भी ये हमारी रेमेशन में काउंट होता था बिल्कुल होता था और हमारी पर डे रेमरेशन वन नाइनटी टू नहीं टू सिक्सटी टू बोली जाती थी यस सर एब्सोल्यूटली ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई तो रेमोनरेशन में वो भी चीजें आएंगी जो हम वेजेस की फॉर्म में ले रहे हैं या सैलरी की फॉर्म में ऑब्वियसली बात है ये वेजेस और सैलरी जो है ये तो करेंसी है सर ये तो करेंसी है और ये इसी फॉर्म में जो वेजेस एंड सैलरीज है ये करेंसी नोट्स की फॉर्म में मिलती है या ये हमारे हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है या तो करेंसी नोट्स की फॉर्म में या अकाउंट में क्रेडिट होगी ये वाली बात कहां लिखी है सर ये वाली बात लिखी है क्रेडिट इनटू अकाउंट ये वाली बात मैं आपको कहा से बता रहा हूँ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 ये भी आपके कोर्स में है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 ये भी हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे तो सर रेमुनरेशन की डेफिनेशन सेक्शन टू क्लॉज जी में दी गई है रेमुनरेशन का मतलब है वेजेज और सैलरी और वेजेज और सैलरी विद इन कैश और काइंड और काइंड के अंदर जैसे मैंने अभी आपको सेवेंटी रुपीज का मैकडोनल्ड्स वाली मील वाला एग्जाम्पल दिया तो यहाँ पर हमने टोटल बढ़ लिया चार चीजें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बाद हमने पढ़ा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है देन मेल एंड फीमेल या मेन एंड वेमेन का क्या मतलब है मेल एंड फीमेल ऑफ एनी एज एंड देन रेमेशन चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो यस yes, सर ये वाली बात हमको समझ आ गई अब इसके बाद यहाँ पर कहता है सर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर का क्या मतलब है ये जो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं मतलब अभी तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम जिसमें एफर्ट स्किल या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो जिसमें स्किल एफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो याद कीजिए देखिए ऊपर क्या मैंने बताया था मैंने खुद लिखा था यहाँ पे देखिए जिसमें एफर्ट स्किल या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो तो जिसमें भी एफर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा सेम होगी वेदर उसको आदमी करे या औरत करे या तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं या डिफरेंस है तो वो ना के बराबर होगा का मतलब क्या है ना के बराबर नेक्स्ट ना के बराबर नेग्लिजेबल सा डिफरेंस तो फिर कहता है सर उस केस में आप रेमेशन में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर सेक्शन टू क्लॉज एच बेटा ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है पहले भी जब लेबर लॉ था 2018 से पहले डिटेल में खैर अभी भी है ओल्ड कोर्स में लेकिन वो 15 नंबर का है लेकिन उससे पहले 75 मार्क्स का होता था तब भी ये डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती थी जिसके अंदर बोलता था कि सर अगर कोई भी काम है जिसमें स्किल एफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है एंड चाहे उसे आदमी करे या औरत करे एंड अगर कोई डिफरेंस है भी तो ना के बराबर है यस सर एब्सोल्युटली ये बात हमको समझ आ गई अब देखिए बेटा आगे क्या कह रहा है ये ध्यान से देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये ना एक मेन चार्ट है ध्यान से देखिएगा सेक्शन ये एक मेन चार्ट है इसको आपने पढ़ लिया ना तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म क्या बात कर रहे हो सर यस yes. इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाएगा देखो पेनल्टी और चैप्टर खत्म देखो तो ये एक चार्ट है जिसको आपको बहुत बहुत, बहुत 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 अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से आपको इसको पेपर के लिए याद करना है तो ध्यान से देखिएगा बेटा ये क्या कह रहा है प्लीज सबसे पहले कह रहा है सर इक्वल रेमंड सेक्शन थ्री क्या, -क्या है, 3 क्या बोलता है? इसका मतलब समझिए इधर देखिएगा ध्यान से देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इधर देखिएगा जो एम्प्लॉयर होता है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर अपने इंप्लॉयज के लिए कुछ रूल्स एंड बनाता है ठीक है हर एम्प्लॉयर अपने employees के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उन रूल्स एंड को हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एंड रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको लॉ बोलता है फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि हर एक एस्टेब्लिशमेंट को हफ्ते में एक छुट्टी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज को आप सातों दिन काम नहीं करा सकते सेवन डेज में आपको एक ऑफ देना पड़ेगा अब आपने देखा होगा कई लोग संडे ऑफ देते हैं कई मार्केट्स मंडे ऑफ होती है कई फैक्ट्रियाँ वेन्सडे को ऑफ होती है इसका मतलब क्या है हफ्ते में एक छुट्टी देनी है वो लॉ बोल रहा है किस दिन देंगे वो हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे हमारे नेचर ऑफ वर्क हमारी मार्केट हमारी लोकेशन के हिसाब से तो ये कहा लिखा होगा स्टैंडिंग ऑर्डर में तो इसका मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर भी एक तरीके के कानून होते हैं जो इंप्लॉइज के लिए बनाए जाते हैं बनाता है जैसे कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना जो मेंबर्स पे एप्लीकेबल होते हैं उसी तरीके से जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं के के वो के लिए बनाए जाते हैं और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी हम आज पढ़ेंगे अब मान लो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हम मेल को जो रेमोनरेशन देंगे मेल को हम 20 परसेंट एक्स्ट्रा रेमोन देंगे ओवर फीमेल हम मेल को 20 परसेंट एक्स्ट्रा रेमोन देंगे ओवर फीमेल ये बात हमने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन ये कुछ और कह रहे हैं और इक्वल रेमन एक्ट कुछ और कह रहा हैं तो इक्वल रेमोडरेशन एक्ट माना जाएगा आपके स्टैंडिंग ऑर्डर आपके रूल्स गए भाड़ में समझ आ रही है बात सबको आपके स्टैंडिंग ऑर्डर आपके रूल्स गए भाड़ में जो यहाँ लिखा हुआ है वही वैलिड माना जाएगा इसका मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है बेटा वो सुप्रीम है अगर कोई और लॉ इससे कॉन्ट्राडिक करेगा तो मानी किसकी जाएगी स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट की ही मानी जाएगी यस सर एब्सोल्युटली ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई राइट right, जी तो चले बेटा आगे यस सर एब्सोल्युटली बाद कहता है सेक्शन फोर सेक्शन थ्री क्या बोलता है ओवर इफेक्ट ठीक है सर ये वाली बात हमको समझ आ गई सेक्शन फोर क्या बोलता है, work work जो है या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है उसके लिए कहता है कि सर आपको जो रेमोनरेशन है वो बराबर देनी पड़ेगी क्लियर है जी ये बात हम सब लोगों को समझ आ गई कि जो रेमोनरेशन है वो आपको बराबर देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है या सेम वर्क है तो आपको इक्वल देनी पड़ेगी हाँ जी सेक्शन क्या कह रहा है हम पावरफुल हैं सेक्शन फोर क्या कह रहा है है एम्प्लॉयर की ड्यूटी कि वो इक्वल रहे दे अच्छा सेक्शन फाइव बोलता है कि आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे जब आप रिक्रूटमेंट करोगे यानी कि जब आप भर्ती करोगे लोगों की जब आप लोगों को हायर करोगे रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है जब आप लोगों की हायरिंग करोगे तो आप किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे हालांकि हम ऐसा जॉब्स में देखते हैं लिखा होता है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई है ना तो वो गलत है लेकिन हाँ कहता है आप किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं कर सकते लेकिन कुछ भेदभाव हैं जो हमारे संविधान ने भी अलाउ कर रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलाउ कर रखे हैं कौन कौन से भेदभाव हैं कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन है कहता है स्केड्यूल ट्राइब स्केड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन मतलब पास्ट एम्प्लॉय पास्ट एम्प्लॉई हम उसको दोबारा रखना चाह रहे हैं Employee, जिनको सरप्लस होने की वजह से हमने बाय कर दिया था कि सरप्लस लेबर है रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन भी आप कहाँ पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में पढ़ते हैं ये चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और इसके अलावा कहता है कोई भी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट इन एज एन इसका मतलब क्या है इंटरनल प्रमोशन इंटरनल प्रमोशन तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कहता है डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है कहाँ कहाँ पर स्केड्यूल कास्ट में स्केड्यूल ट्राइब में कोई पास्ट एम्प्लॉय है उन्हीं को दोबारा रिअपॉइंट करना है कोई रेटरेंस एम्प्लॉई है जिनको सरप्लस लेबर की वजह से निकाल दिया गया था दोबारा करना है या कोई इंटरनली अगर हमें प्रमोशन सेटअप करना है मतलब अगर कोई डेजिग्नेशन है और इसमें हम किसी आउटसाइडर को नहीं बुलाते हम हमेशा इंटरनली ही किसी ना किसी को प्रमोट करते हैं तो सर ये वाली डेजिग्नेशन तो प्रमोशन से ही फिल की जाती है उस बंदे को दी जाती है जो कम से कम पाँच साल से हमारी कंपनी में या हमारे एस्टैब्लिशमेंट में जॉब कर रहा है तो सेक्शन थ्री क्या बोल रहा है ओवर इफेक्ट सेक्शन फोर क्या बोल रहा है मैन वुमेन को इक्वल रिमेंड्रेशन देनी पड़ेगी फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर सेक्शन टू क्लॉज एच में जिसमें एफर्ट सिबिलिटी या, skill equal लग रही थी या अगर भी था तो नेग्लिजेबल था सेक्शन फाइव क्या कह रहा है किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो एक रिक्रूटमेंट करते हुए पुराने हाँ, बात अलग है पुराने या कोई ऐसी जॉब है जो इंटरनली कोई ऐसी डिजिग्नेशन है जो प्रमोशन से ही भरती है बाहर से हायर नहीं करते तो वो बात अलग है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा आप ये नहीं कह सकते जी आप तो अपने ही बंदों को प्रमोट कर रहे हो आप बाहर से हमें क्यों नहीं ले रहे क्योंकि हम ये वाली जॉब में अंदर से ही प्रमोट करते हैं बाहर से किसी को बुलाते ही नहीं है यस सर एब्सल्यूटली ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई राइट अब देखिए अब इसके बाद सेक्शन सिक्स जो है वो एडवाइजरी कमेटी की बात करता है हालांकि एडवाइजरी कमेटी आपके कोर्स में है नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसके अंदर मेन एंड वुमेन के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मतलब जितने मेन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उतने ही वुमेन के उतने ही वुमेन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एडवाइजरी कमेटी में कहता है सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर को अपॉइंट करेगी कभी भी छानबीन करने के लिए कम्प्लेन्स को देखने के लिए और वो ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ लेबर ऑफिसर लेबर ऑफिसर से छोटे लेवल का बंदा नहीं होना चाहिए मतलब सरकार जो है वो कभी भी किसी को हायर कर किसी कभी भी किसी को अपॉइंट कर सकते है कि कंप्लेन आ रही हैं तो आप सुनिए और वो बंदा कम से कम लेबर लॉ लेबर ऑफिसर के लेवल का बंदा होएगा सेक्शन एट बोलता है हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो रजिस्टर को मेंटेन करे कि जी मेरे यहाँ कितने मेल है कितने फीमेल है कौन कितने घंटे काम करता है किसको कितनी रिमेंड्रेशन मिलती है किसको कितनी छुट्टिया मिलती है किसने एक्स्ट्रा छुट्टी मारी कौन कितने टाइम में गाँव जाता है आपको वो सारा का सारा डाटा मेंटेन करना पड़ेगा और इस डाटा को ना मस्टर रोल भी बोला जाता है एक तो होता है अटेंडेंस रजिस्टर एक होता है मस्टर रोल मस्टर रोल आपको मेंटेन करना पड़ता है जिसमें एम्प्लॉय की सारी मेन इंफॉर्मेशन होती है और इसके बाद कहता है सर एक इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट राइट बिल्कुल अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट ये टी इधर आना था इस फेस आनी थी अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कभी भी इंस्पेक्टर भेजा जा सकता है आपके देखो जितने भी लेबर लॉज है ना हर लेबर लॉ में इंस्पेक्टर होता है अब ऐसा नहीं है कि बोनस में अलग आएगा ग्रेचुटी में अलग आएगा स्टैंडिंग ऑर्डर में अलग आएगा इसमें अलग आएगा नहीं एक ही लेबर लॉ इंस्पेक्टर आता है आपके एरिए का और जो आपके एस्टेब्लिशमेंट में आके सारे लेबर लॉज आपने कंप्लाई किए हैं कि नहीं वो चेक करता है यस सर आप ये वाली बात हमें समझ आ गई तो सेक्शन तीन क्या कह रहा है कि हम पावरफुल हैं यानी कि ओवर इफेक्ट है हमारा चार क्या कह रहा था कि हम इक्वल रिकेशन देंगे पाँच कह रहा था हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कुछ एक्सेप्शन थी जहाँ एस सी एस टी एक्स एम्प्लॉयज रिट्रेंड एम्प्लॉयज या आ, प्रमोशन से करनी है तो बात अलग है इसके अलावा सेक्शन सिक्स बात कर रहा था एडवाइजरी कमिटी की सेवन बात कर रहा था कि सरकार लेबर ऑफिसर से लोअर लेवल का बंदा नहीं रखेगी एट बात कर रहा था कि रजिस्टर मेंटेन करेंगे नाइन बात कर रहा था सरकार कभी भी कोई भी ऑफिसर को भेज सकती है और यहाँ पर टेन बात कर रहा है पेनल्टी की कि अगर आपने इस लॉ को तोड़ा अगर आपने अनईक्वल रेमंडरेशन दी इधर देखिएगा अगर आपने अनईक्वल रेमंडरेशन दी डिस्क्रिमिनेशन की अनईक्वल रेमंड्रेशन दी मतलब आपने सेक्शन फोर को वायलेट किया है ना फोर को वायलेट किया डिस्क्रिमिनेशन की मतलब आपने सेक्शन फाइव को वायलेट किया तो अगर आपने सेक्शन को वायलेट किया सेक्शन को को वायलेट किया किया या आपने एक्ट यानी कि आपने अदर सेक्शन को वायलेट किया या आपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डायरेक्शन को नहीं मांगा तो आपको जेल भी हो सकती है आपको फाइन भी लग सकता है या दोनों हो सकता है यस सर एप तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कब कब सेक्शन चार को आपने वायलेट किया सेक्शन पांच को आपने वायलेट किया आपने एक्ट के बाकी सेक्शंस को वायलेट किया या आपने सरकार की बात नहीं मानी तो इन सारी केसेस में आपको जुर्माना हो सकता है जेल हो सकता है या दोनों हो सकता है अमाउंट यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया अब अगर हम देखें ध्यान से देखें तो हमें मुश्किल से हाफ एन आवर भी नहीं हुआ और हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा देखो कंप्लीट हो गया अगर आप यहां से इंडेक्स देखेंगे देखिए इंडेक्स हमने सब पढ़ लिया ऑब्जेक्ट एंड स्कोप भी पढ़ लिया जो कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जिसके अंदर हमने ये वाली बातें डिस्कस करी राइट इसके बाद हमने सेक्शन टू में डेफिनेशन में ए डी जी एच चार तो है ए है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डी है मैन एंड वुमेन की जी है रेमेशन की और एच है आपकी सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर तीन ओवर इफेक्ट की बात कर रहा है चार इक्वल रेमट्रेशन दो उसकी बात कर रहा है पाँच नो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है छह एडवाइजरी कमेटी की सातवां कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो लेबर ऑफिसर का बंदा अपॉइंट करेगी लेबर ऑफिसर लेवल का कंप्लेंट्स को सुनने के लिए आठ कह रहा था रजिस्टर मेंटेन करो नाइन इंस्पेक्टर एंड टेन पेनल्टी तो मेरे को तो लगता है कि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा अंजलि कह रही है ये सर मॉड्यूल से पूरा चैप्टर कवर हो गया अंजलि जो बच्ची है वो मॉड्यूल खोल के बैठी है और उनका कहना है सर मॉड्यूल में भी इतना ही दिया हुआ है पूरा चैप्टर कवर हो गया बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ बाय द एंड ऑफ द डे आपको पांच चैप्टर्स अच्छे से दिमाग में बिठा दूंगा ये मेरी गारंटी रही अब अगर हम यहाँ देखें एक बार हम रिवाइज ही करना चाहें अच्छा एक ये वाली चीज़ जरूर देख लीजिएगा के इक्वल रेमोनरेशन एक्ट आने से पहले जो आर्टिकल थर्टी नाइन है हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के कहता है सर वो भी इक्वल रेमोनरेशन की ही बात करते हैं यस सर एब्सोल्यूटली तो एक बार फटाफट से बिना देखे अगर मैं बोलूं कि आप मेरे को सेक्शन नंबर बताएं तो सर सेक्शन नंबर वन बात करा था ऑब्जेक्ट एंड स्कोप की सर इसके बाद सेक्शन नंबर टू क्लॉज ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करा था सर इसके बाद टू क्लॉज डी है टू क्लॉज जी है और टू क्लॉज एच है अगर आप देखेंगे तो सर क्या ए डी जी और एच है देख लो जी ये देखो ए ए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डी मेन एंड वेमेन जी रेमरेशन और एच सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर राइट हाँ सर एब्सोल्यूटली इसके बाद सर सेक्शन नंबर थ्री था ओवर राइडिंग इफेक्ट वाला सेक्शन नंबर फोर था हम इक्वल रिमेंड्रेशन देंगे सेक्शन नंबर फाइव था कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे सेक्शन नंबर सिक्स था कि सर एडवाइजरी कमेटी सेक्शन नंबर सेवन था कि सर लेबर ऑफिसर अपॉइंट करेंगे लेबर ऑफिसर लेवल का बंदा कंप्लेट्स को सुनने के लिए सेक्शन एट था सर हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे सेक्शन नाइन था सर इंस्पेक्टर आएगा और सेक्शन नंबर टेन था कॉन्ट्रामशन मत करो नहीं तो पेनल्टी लगेगी संकल्प भाटिया कह रहे हैं सर चार्ट्स आर ऑसम मैंने आपको बोला ही था सर सेक्शंस इंपॉर्टेंट है याद करने भी एम आ सकते हैं और एम में सेक्शंस आते हैं ये जग जाहिर है कि एम में सेक्शंस पूछे जाते हैं तो यहाँ आई होप कि आप सब लोगों को सारी कहानी क्लियर हो गई और अब अगर आप बोलेंगे तो हम इजाजत देंगे कमेंट में बताएंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे बोलो जी क्या हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करें जी बोलो जी यस yes, सर हरी झंडी दिखा दी सबने जी, अब हम चलते हैं वापस अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ये हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कर लिया डन जी राइट अब हम आते हैं यहां अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है स्टैंडिंग ऑर्डर स्टैंडिंग ऑर्डर की तरफ आते हैं ये है जी हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर चलो जी आ जाओ देखो जी कह रहे सर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है इन स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसने बनाए हैं एम्प्लॉयर ने बनाए हैं अपने एम्प्लॉय के लिए पहले ना आपको इनकी रेलेवेंस समझनी पड़ेगी प्लीज ठीक है पहले इसकी रेलेवेंस को एक बार समझते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है देखिए मोस्ट ऑफ दस्टेब्लिशमेंट्स में ना

फैक्ट्रीजैक बोलता है वीकली एक ऑफ मिलेगा आपको वीकली ऑफ मिलेगा ठीक है जी बोलता है, आप मैक्सिमम नाइन आवर्स पर डे काम करा सकते हो नाइन आवर्स पर डे आप काम करा सकते हो फैक्ट्रीजैक बोलता है कि आपको आधे घंटे की लंच ब्रेक मिलेगी फैक्ट्री जैक बोलता है विदाउट रेस्ट आप मैक्सिमम फाइव आवर्स काम करा सकते हो. विदाउट रेस्ट आप मैक्सिमम फाइव आवर्स काम करा सकते हो ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी है बेटा ये सारी की सारी बातें लिखी है आपकी ये सारी की सारी बातें कहां लिखी है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में राइट अब इधर देखिएगा ध्यान से फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में अब इसी के सामने एम्प्लॉयर अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाता है आपको पता है ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ ना यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 के हिसाब से एम्प्लॉयर अपने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है ये ऐसा चार्ट उसको अपने ऑफिस में अपनी फैक्ट्री में डिस्प्ले भी करना होता है कि देखो जी कानून ये बोलता है और हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं यह आप पढ़ेंगे आज की क्लास में अभी कि एम्प्लॉयर को ऐसा एक चार्ट बनाना पड़ता है ताकि एम्प्लॉयज को पता चले कि एम्प्लॉयर कुछ भी गलत नहीं कर रहा यस सर ये वाली बात समझ आती है तो देखिएगा बेटा ये क्या कह रहा है ध्यान से देखिए यहाँ बोला जाता है कि आपको वीकली ऑफ मिलेगा यहाँ वो बोलता है जी हमारे यहाँ पर को छुट्टी होती है लॉ बोलता है जी आप नौ घंटे से ऊपर काम नहीं कराएंगे जी हम लोग यहाँ पर आपसे काम करवाते हैं सुबह नौ बजे से लेके साढ़े छः बजे तक लेकिन सर ये तो आप नौ घंटे काम करा रहे हैं नहीं नहीं आधे घंटे की लंच ब्रेक भी तो देते हैं ना तो नौ से और आधे घंटे की हम लंच ब्रेक देते हैं सर आधे घंटे की लंच ब्रेक हम कितने बजे देते हैं सर आधे घंटे की लंच ब्रेक हम एक बजे से लेके डेढ़ बजे तक देते हैं एक बजे से लेकर डेढ़ बजे तक हम आधे घंटे की लंच ब्रेक देते हैं अब आप देखो क्या इसमें हम सारे लॉ फॉलो कर रहे हैं ध्यान से देखो हफ्ते में एक छुट्टी देनी है हम मंथडे को छुट्टी देते हैं रात नौ घंटे काम कराना नौ से छः नौ घंटे आधा घंटा तो लंच ब्रेक है ठीक है जी विदाउट रेस्ट पाँच घंटे से ऊपर आप नहीं करा सकते जी सुबह नौ बजे लेबर आती है जो सुबह नाइन ओ क्लॉक आती है लेबर हाँ जी तो नाइन ओ क्लॉक से लेकर वन ओ क्लॉक तक कितने हो गए चार घंटे चार घंटे काम कराने के बाद हम उन्हें आधे घंटे की ब्रेक देते हैं डेढ़ बजे तक फिर डेढ़ बजे से लेकर साढ़े छः तक पाँच घंटे उनसे काम करवाते हैं तो पहले हम चार घंटे में ही ब्रेक दे देते हैं और फिर ब्रेक के बाद पाँच घंटे काम कराते हैं उससे सारा कराते नहीं उनको घर भेज देते हैं तो आप बताइए क्या इस एग्जाम्पल में हम सारे लॉस फॉलो कर रहे हैं हाँ या ना भाई फैक्ट्री डाक में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं और हर एम्प्लॉयर को ये छूट दी गई है कि उसको अपने हिसाब से ये लॉ कर सकता है, अब कोई और हो सकती है हमारे यहाँ पर तो छुट्टी जो है वो संडे को होती है जी संडे को छुट्टी होती है जी हमारे यहाँ जो काम होता है ना वो दस से लेके साढ़े सात बजे तक होता है जी हम लोग ना एक से दो का लंच ब्रेक देते हैं जी एक घंटे की लंच ब्रेक देते हैं तो जी वो, हम एक, घंटे की ब्रेक देते हैं, एक से दो है ना तो वन आवर की लंच ब्रेक देते हैं हम लिख देते हैं लॉ बोलता है कम से कम आधे घंटे की देनी है हम घंटे की देते हैं और एक घंटे की लंच ब्रेक देते हैं एक से दो बजे तक तो इसका मतलब हर एम्प्लॉयर के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं बस हर एम्प्लॉयर को ध्यान क्या रखना है बेटा कि हर एम्प्लॉयर को जो जो उसने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे अब यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर को लेके हमारी कहानी स्टार्ट होती है पहले ये बताइए कि आगे बढ़ने से पहले क्या आप सब लोगों को समझ आ गया कि स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या है आगे बढ़ने से पहले ये समझ आ गया स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एम्प्लॉयर ने फ्रेम किए हैं एम्प्लॉयज के लिए राइट बेटा स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एम्प्लॉयर ने फ्रेम किए हैं एम्प्लॉयज के लिए अगर इतनी बात हमें क्लियर हो गई है तो अब हम आगे चलते हैं यस सर एब्सोल्युटली डन ये एस्टैब्लिशमेंट वन थी ये एस्टैब्लिशमेंट टू है डन डना डन डन अब देखो जी क्या बोल रहा है अब हम आते हैं अपने चैप्टर में देखिए कहते हैं सर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 19 ध्यान ध्यान से ध्यान से देखिएगा देखिएगा। बेटा, ठीक है? बच्चा कह रहा है कि सर ये चैप्टर मॉड्यूल में नहीं मिल रहा हंड्रेड परसेंट है जी पेपर में भी आता है चेक कर सकते हैं आप सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कीजिए फिर स्टैंडिंग ऑर्डर सर्च कीजिए मिल जाएगा इधर देखिएगा बेटा ध्यान से सबसे पहले तो

और साथ में जो सरकार है जो गवर्नमेंट है वो भी इसको ओके करती है तो अब आप समझ रहे हो इसे फॉर्मली क्यों बोला गया ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर ने बनाए और उसको एप्लीकेबल कर दिया नहीं इसको आपको सर्टिफाई करवाना पड़ता है सरकार से और सरकार सर्टिफाई ऐसे नहीं करती सरकार पहले इम्प्लॉय को बोलती है कि देखो जी तुम्हारे ओनर ने ये वाले रूल्स बनाए हैं और इन रूल्स को अब हम ओके कर रहे हैं यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर है यस सर यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर ओल्ड कोर्स में है कि नहीं है बेटा मॉड्यूल में नहीं दे रखा लेकिन पेपर में आता है पास्ट ईयर के स्कैनर आप देख सकते हैं ठीक है तो आपके पेपर में आता है ठीक है फिर आएगा फिर आप क्या बोलोगे आईसीएसआई हाय हाय आईसीएसआई मुर्दाबाद कोर्स के बाहर दे दिया कोर्स के बाहर नहीं उन्होंने एक्चुअली में जो मॉड्यूल दिया है उसके अंदर वो स्किप कर दिया और पास्ट ईयर से देते हैं वो सर लेकिन मॉड्यूल में नहीं है तो कैसे दे सकते हैं फिर आप हाई हाई करते रहना देखो यू आर गिविंग सी एस एग्जीक्यूटिव मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द सेकेंड टाइम आई एम टीचिंग दिस फॉर लास्ट आई हैव टेकन मोर देन सिक्स तो एक्सपीरियंस है समझो जब एग्जामिनर पास्ट ईयर से क्वेश्चन उठा के देता ना तब तो वो नहीं देखता कि ये कौन से चैप्टर का और कौन से चैप्टर का नहीं और फिर हम बोलते हैं कि ये कोर्स के बाहर से आ गया ठीक है डन ध्यान से देखिएगा आई होप मैंने जो कहा वो आप लोगों को समझ आया बाकी मर्जी आपकी है मर्जी आपकी है, पढ़ाया तो क्या आपको कोई बहुत टफ यावी थोड़ी लगा ये भी बहुत टफ यावी नहीं है हम बातें करेंगे एक घंटा और आपको फील भी नहीं होगा कि एक घंटे में चैप्टर खत्म हो गया तो बेटर है कि जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में इसको कर लेते हैं देखिए यहां पर ना क्या बोला गया यहां पर एक केस आया ब्राउनी रिफाइनरी प्रगतिशील परिषद वर्सेस इंडियन ऑयल कारपोरेशन मैं फिर से बोलूंगा पेपर में आता है जैसे कंपनी लॉ में आपके पेपर में इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ओल्ड कोर्स में नहीं दिया गया था लेकिन उसमें से क्वेश्चन आते थे अब नए कोर्स के अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं दिया गया लेकिन मैं करा रहा हूँ कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस कभी भी नहीं दिया गया लेकिन पेपर में आता है समझ रहा हूँ मेरी बात मैं फिर से बोलूंगा आईसीएसआई ने वो दे रखा है ना कंटेंट और फर्स्ट लेवल पे बुक्स के नाम भी दे रखे हैं मॉड्यूल में कि इनमें से सारी किताबों में से आपको पढ़ना है तो बेटर है कि इतना मत सोचो यार ठीक है तो देखिए ब्राउनी रिफाइनरी प्रगतिशील परिषद वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में क्या बोला गया सर्विस रूल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल वर्कर्स अब ये ऑल वर्कर्स का क्या मतलब है आप एक चीज बताइए क्या हमारी फैक्ट्री में फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकते हैं हासिल हो सकते हैं क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो सकते हैं हाँ, सर हो सकते हैं अच्छा सर टाइम वेज वाले भी हो सकते हैं पीस रेट इंप्लॉय भी हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं पर पीस जिनको पैसा मिलता है या जिनको घड़ी देख के पैसा मिलता है तो कहता है ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ना ये हर प्रकार के एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होते हैं इसका मतलब क्या है या तो आपकी फैक्ट्री में सबके लिए अलग अलग स्टैंडिंग ऑर्डर बने होंगे राइट सर अगर नहीं बने तो अगर हमारी फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम टाइम्लॉइज के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बने लेकिन तो आई होप कि ये वाली बात हमको समझ आती है नेहा जी कह रही है हाँ सर आप सही कह रहे हो मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन में इस चैप्टर इस एक्ट के क्वेश्चंस देखे हैं हालांकि कोर्स में नहीं है फिर भी देखे हैं चलो एक बच्चे ने मेरे फेवर में टेस्टीमोनी दे दी अब देखिएगा इधर तो तो ध्यान से प्लीज तो ब्राउनी रिफाइनरी केस के के में क्या बोला गया कि जितने भी प्रकार के हैं आपकी फैक्ट्री में या आपके स्टेब्लिशमेंट में फिर चाहे वो फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो पीस रेट हो तो सब पे ये वाला एक्ट अप्लाई होता है और डरबी टेक्सटाइल्स के केस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट आई है आपको याद रखनी है Derby इस चैप्टर में ना केस स्टडीज थोड़ी सी ज्यादा है डरबी टेक्सटाइल वर्सेस कर्मचारी एंड श्रमिक यूनियन में क्या बोला गया बोला गया कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ना ये बनाता है एम्प्लॉयज के लिए तो ये जितने इम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होते ना उतने इम्प्लॉयर पे भी होते हैं अगर इंप्लॉय की ड्यूटी है कि वो नौ घंटे काम करेगा तो एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है कि वो बारह घंटे नहीं कराएगा तो इसका मतलब दीज आर बाइंडिंग अपॉन बोथ इम्प्लॉयर एंड Employees, और और ये ये पूरे इंडिया पे पे अप्लाई होता है और ये हर पे नहीं होता हर हरिशमेंट को स्टैंडिंग ऑडल नहीं बनाने पड़ते सिर्फ और सिर्फ उस एस्टैब्लिशमेंट को बनाने पड़ते हैं बेटा जिसमें कम से कम हंड्रेड वर्कमैन हंड्रेड एम्प्लॉयज काम करते हैं तो अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में सौ एम्प्लॉयज काम करते हैं तो आपको ये जो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ये बनाने पड़ेंगे और अगर आप में हंड्रेड एम्प्लॉज नहीं है आपकी स्टेब्लिशमेंट में सौ से कम एम्प्लॉयज है सौ है फिर तो अप्लाई होगा हो ही होगा सौ से कम है तो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है बाई गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट दो महीनों की अब सर यह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो एनआईजी आई के अंदर देगी Notification in official of India. और तो, नोटिफिकेशन इन अगर स्टेट नोटिफिकेशन इन रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से इस पूरे को देखें क्या आपके दिमाग में बैठा बेटा का पूरा, पूरा, पूरा डायग्राम कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विस रूल्स होते हैं फॉर्मली डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है क्योंकि एम्प्लॉयर बनाता है सरकार से अप्रूव कराता है और सरकार एम्प्लॉय से भी

अगर को आपने संडे को छुट्टी दिया और एम्प्लॉयज की मंडे टू सैटरडे है है तो आपकी भी ड्यूटी कि आप संडे को छुट्टी और सर अगर संडे को छुट्टी नहीं दी छुट्टी वाले दिन को जन काम था तो तो फिर वो फैक्ट्रीज एक्ट में हम बढ़ेंगे क्या होता है डन अब यहां पर भी ना एक बहुत अच्छा डायग्राम है पहले मैं वो डायग्राम पे आता हूं मेरी ना हमेशा कोशिश क्या रहती है हर चैप्टर में लेबर लॉ में कि एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया जाए जिसके अंदर बड़े सारे सेक्शंस कवर हो जाए देखो डायग्राम देखिए ध्यान से इसमें कौन कौन से सेक्शन कवर हो रहे हैं देखिए सेक्शन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेक्शन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पांच सेक्शन को इस एक चार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश की गई है तो बेटा इसको बहुत ध्यान से हम देखेंगे आ जाओ जी हां जी देखिए बेटा ये क्या कह रहा है ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सर जो ऐसा एम्प्लॉयर है कैसा एम्प्लॉयर जिसकी फैक्ट्री में हंड्रेड वर्कमैन हो गए क्योंकि उसके अलावा तो अप्लाई नहीं होता अगर सौ वर्कमैन आपकी फैक्ट्री में हो गए हैं तो आपको ना जिस दिन सौ वर्कमैन हुए वहां से छ महीने के अंदर अंदर आपको इसकी पांच कॉपीज मतलब आपको छ महीने में अपने स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम करने हैं और उसकी पांच कॉपीज सर्टिफिकेशन ऑफिसर को देनी है पहली बात सबको समझ आ गई कि जिस दिन आपकी फैक्ट्री में सौ वर्कमैन हो गए तो सौ वर्कमैन होते ही आपको फाइव कॉपीज ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो सर्टिफिकेशन ऑफिसर को देनी है विद इन सिक्स मंथ्स छः महीने का टाइम है फ्रेम करो स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्टिफिकेशन ऑफिसर को दे दो अगर सरकार ने कोई सर्टिफिकेशन ऑफिसर आपके एरिया में नहीं बनाया हुआ तो आपके एरिया का जो रीजनल लेबर कमिश्नर है वही आपका सर्टिफिकेशन ऑफिसर माना जाएगा याद रखिएगा अगर सरकार ने कोई सर्टिफिकेशन ऑफिसर नहीं बनाया तो रीजनल लेबर कमिश्नर ही सर्टिफिकेशन ऑफिसर माना जाएगा अब ये जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर है जिसको आपने पांच कॉपियां दी ये भाई साहब क्या करेंगे एक कॉपी फॉरवर्ड करेंगे वर्कमैन को लेबर को एक कॉपी फॉरवर्ड करेंगे और उनको पंद्रह दिन का समय देंगे ऑब्जेक्शन करने का तो यहां तक हमें बात समझ आई कि एम्प्लॉयर जिसकी फैक्ट्री में सौ वर्कमैन हो गए जिस दिन सौ लेबर हो गई उस एक्ट अप्लाई हो गया वो लेबर में मेल फीमेल दोनों आती हैं हर प्रकार के एम्प्लॉइज आएंगे फिर चाहे वो पीस सेट हो चाहे टाइम जैसे ही सौ वर्कमैन हो गए आप क्या करेंगे आप सर्टिफिकेशन ऑफिसर को क्या देंगे पांच कॉपीज देंगे स्टैंडिंग ऑर्डर की सर्टिफिकेशन ऑफिसर अगर कोई नहीं है आपके एरिया का तो जो रीजनल लेबर कमिश्नर है उसी को सर्टिफिकेशन ऑफिसर मान लिया जाएगा और फिर वो एक कॉपी वर्कमैन को देगा जिनको पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन का अच्छा हो सकता है कि इसने लेबर लेबर को दिया, लेबर ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया और इसने उसको उसके हिसाब से फिर चीजों को चेंज कर दिया जो भी करेगा ये फाइनली वो सर्टिफाई करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर और, और उसकी कॉपी सर्टिफिकेशन से सात दिनों में एम्प्लॉयर को दे देगा और सात दिनों में वर्कमैन यानी कि इम्प्लॉय को दे देगा दोनों को सेवन सेवन डेज के अंदर ये कॉपी प्रोवाइड कर देगा अब हो सकता है कि ये जब दे रहा है तो एम्प्लॉयर ने जो दिए थे सेम वही थे इम्प्लॉयज ने ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन किया इसने उस को देखा ही नहीं या हो सकता है Employees ने ऑब्जेक्शन किया था इसने उसको चेंज कर दिया एम्प्लॉयर कह रहा है यार ये क्या कर दिया मैंने तो ये लिखा ही नहीं था अब दोनों में से किसी को भी अगर कोई दिक्कत है एम्प्लॉयर को कोई परेशानी है या वर्कमैन को कोई परेशानी है एम्प्लॉयर को परेशानी हो सकती है ना कि मेरे से बिना पूछे बदल दिए या वर्कमैन को हो सकते कि मैंने ऑब्जेक्शन किया था इसने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी दोनों ही केसेस में जिसने भी अपील फाइल करनी है वो थर्टी डेज के अंदर अंदर अपैलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकता है जिसने भी अपील अपील फाइल फाइल करनी है है वो 30 डेज के अंदर अंदर को appeal, कर सकता है। फिर दोनों पार्टीज की बात सुनेगी अपना अवार्ड देगी और उस अवार्ड की कॉपी वो उसको भी देगी जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर है साथ में वर्कमैन को भी देगी और साथ में एम्प्लॉयर को भी देगी तो अगर इस पूरे डाइग्राम की मैं बात करूँ तो हमें याद हुआ देखिए ध्यान से देखिए लुक इन टू माई उसको छोड़ दो एम्प्लॉयर जिसमें हंड्रेड वर्कमैन है उसने पांच कॉपीज बनाई स्टैंडिंग ऑर्डर की सर्टिफिकेशन ऑफिसर को दी नहीं है तो तो रीजनल लेबर कमिश्नर विल बी सर्टिफिकेशन ऑफिसर उसने एक कॉपी फॉरवर्ड करी किसको वर्कमैन को वर्कमैन को 15 दिन का टाइम दिया ऑब्जेक्ट करने के लिए चौथा पॉइंट उसने फाइनल किया स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई किए सात दिनों में कॉपी भिजवा दी अब दोनों में से कोई भी ना खुश है तो थर्टी डेज के अंदर अंदर वो अब ट्राइब्यूनल के बाद जाके अपील फाइल करेंगे अब एलेट ट्राइब्यूनल अपना अवार्ड यानी कि अपना फैसला सुनाएगी और उसकी तीन कॉपीज दे देगी दे एक एम्प्लॉयर को एक वर्कमैन को और एक, एक, एक सर्टिफिकेशन ऑफिसर को यस yes, सर बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई आप देखो यहाँ पर ये सारे के सारे सेक्शन हमारे कवर हो गए सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेशन ऑफिसर वो जो फाइव कॉपीज वाला था कि भाई साहब पांच कॉपीज देंगे ये वाली बात कहाँ आ गई सेक्शन थ्री में स्टैंडिंग ऑफिसर स्टैंडिंग जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर है वो ट्रू एंड फेयरनेस चेक करेगा वो तो इंप्लाइड है कि जब इसको गए हैं तो ये ट्रू एंड फेयरनेस चेक करेगा कि क्या सही है स्टैंडिंग ऑर्डर कुछ गलत बात तो नहीं लिखी हुई इसमें फिर वो सर्टिफाई करेगा सर्टिफाई करेगा आपको अपील फाइल करनी है थर्टी डेज में आप अपील फाइल कर सकते हो और स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेट कब होंगे मतलब इफेक्टिव कब होंगे सर्टिफाइड वाले आफ्टर थर्टी डेज ऑफ सेंडिंग एंड अवॉर्डेड वाले आफ्टर सेवन डेज ऑफ सेंडिंग मतलब ध्यान से सुनिए जिस दिन इसने ये सर्टिफाई किए सर्टिफाई करने करने के के दिनों के दिनों अंदर अंदर इसने आपको भेज दिए जिस दिन आपके पास पहुंचे वहां से थर्टी डेज का टाइम होगा थर्टी डेज के बाद वो इफेक्टिव होंगे थर्टी डेज का टाइम क्यों है क्योंकि थर्टी डेज में आप में से कोई अपील फाइल करना चाहे तो कर सकता है समझ आई बात जब ओरिजिनल वाले उसने आपको दिए सर्टिफाई किए सर्टिफाई करने के सेवन डेज में उसने आपको दे दिए जिस दिन आपके पास पहुंचे वहां से थर्टी डेज तक वो अप्लाई नहीं होंगे थर्टी डेज का टाइम अपील फाइल करने का है अगर कोई भी अपील में नहीं गया दोनों पार्टीज में से तो थर्टी डेज के बाद थर्टी फर्स्ट डे से वो जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है वो अप्लाई हो जाएंगे यस सर आप तो इस एक डायग्राम के अंदर हमने सेक्शन नंबर तीन चार पाँच छः सात सारे के सारे पढ़ लिए हैं क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक बोलो जी यहां तक सब लोगों को सारी बात क्लियर है बेटा जवाब दे दो कमेंट में क्योंकि ये मेन डायग्राम है मेन चार्ट है ये और आई होप कि अगर आप में से किसी ने पहले ये नहीं पढ़ा हुआ सीधा यहाँ पढ़ रहा है उसको भी ऐसी फील नहीं आ रही कि रिवीजन है उसको भी ये समझ आ रहा है कि हाँ यार अच्छे से चीजें अंडरस्टैंड हो रही है और याद हो रही है राइट अंजलि कह रही है सर लगा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया बेटा ऑलरेडी क्लास में मैंने इसको एक पूरा एक घंटा लगा के कराया कुछ है ही नहीं यार एम्प्लॉयर ने पांच कॉपीज दी एम्प्लॉयर ने पांच कॉपीज दी उसने ट्रू एंड फेयरनेस चेक करी एक कॉपी आगे दी पंद्रह दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन आया उसने सर्टिफाई करी सर्टिफाई करके सात दिनों में भेज दी वो सर्टिफिकेशन वाले थर्टी डेज के बाद इफेक्टिव होंगे अगर अपील नहीं हुई तो अपील करनी है थर्टी डेज में तो अवैलेट ट्राइब्यूनल को कर दी उसने अवॉर्डेड कॉपी दी अवॉर्डेड कॉपी तीनों के पास चली गई सिंपल डन जी क्लियर है बच्चा कह अगर कुछ चैप्टर्स तो चैप्टर इंटर में भी मैंने पढ़े हैं हाँ सी एम इंटर में भी लेबर लॉ पढ़ाया जाता है लेकिन उतना नहीं जितना सी एस में अब इधर देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या कह रहा है अब ये एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर टेन ए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसमें जितने वेरी लगाओगे उतने कम में ध्यान से सुन लीजिएगा पेपर में केस स्टडी इसी में से आएगी मेरे को पकड़ लेना नहीं आई तो सबसे पहले कहता है सेक्शन टेन होता है आप इसको समझिए ये कहता है कि सर जो एम्प्लॉयर है ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट मिली और एम्प्लॉयर ने आपको सस्पेंड कर दिया कई बार होता है ना कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर आप पे इंक्वायरी बिठाई जाती है तो अगर उस इंक्वायरी के अंदर आप गिल्टी प्रूव होते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है नहीं गिल्टी प्रूव होते हो तो आपको वापस रख लिया जाता है री कर लिया जाता है विद फुल बैक वेजेस पूरी तनख्वाह देखे जितना टाइम आप सस्पेंड थे उसकी पूरी तनख्वाह आपको मिलती है मेरी बात को ध्यान से समझेगा ठीक है आप एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय अब आप जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय हो आपको मान लो सस्पेंशन पे हो आप ठीक है जी अब आपको सस्पेंड किया एक महीना हो गया दूसरा महीना भी हो गया तीसरा महीना भी हो गया चौथा महीना भी हो गया पांचवा पा महीना भी हो गया अभी आप पे इंक्वायरी चल रही है तो पहले तीन महीने तक यानी कि फर्स्ट डेज तक आपको फिफ्टी परसेंट ऑफ वेजेस घर बैठे बैठे मिलती है बात समझ आ रही है है आपको ऑफ वेजेस घर बैठे बैठे मिलती है पहले तीन महीने की अगर आप सस्पेंडेड हो तो घर बैठे बैठे क्योंकि भाई सस्पेंशन पे हो अभी तक आप गिली प्रूफ तो हो नहीं हो तो आपको घर बैठे बैठे पैसे मिलते हैं क्योंकि आपको भी तो रोटी चलानी है ना अपने बीवी बच्चों की तो इसलिए ऑफ द वेजेस आपको मिलती है क्लियर है जी और इसके बाद कहता है चौथे और पांचवे महीने आपको ऑफ द वेजेस मिलती है मतलब तीन महीने तक फिफ्टी परसेंट तीन महीने के ऊपर सेवेंटी फाइव परसेंट आरिश कह रहे हैं सर ऐसे रिविजन जे आई जी एल की भी कराओगे जेआईएल की ऑलरेडी मैंने करा रखी है और जे आई जी एल के मैराथन के लिंक्स वगैरह मैंने सारे बच्चों को दिए हुए हैं ठीक है पूरे कोर्स के तो अब यहाँ देखिएगा मतलब जब आप सस्पेंड होते हो तो सस्पेंशन के टाइम पे पहले तीन महीने तक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन सेवेंटी फाइव परसेंट मिलती है और तीन महीने से ऊपर अगर सस्पेंशन जाता तो एक्सेसिव पीरियड के लिए 75 मिलती है इसको क्या बोलते हैं इस पैसे को क्या बोलते हैं यस सर ये वाली बात क्लियर है लेकिन अब एक केस हुआ था बीपीसीएल वर्सेज पेट्रोलियम एम्प्लॉज यूनियन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सुन लो ध्यान से कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में क्या लिखा हुआ था कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा हुआ था कि अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंडेड एम्प्लॉय काम तो नहीं कर सकता लेकिन सस्पेंडेड एम्प्लॉय जो है उसको रोज ऑफिस आना है सिर्फ उसको रजिस्टर में अटेंडेंस मार्क करके जानी है अब ये सोचो कितना टॉर्चर है ना आप रहते हो गुड़गांव में आपका ऑफिस है नोएडा में दो घंटे एक साइड आने जाने का लगता है चार घंटे टोटल लगते हैं आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपको बोला जा रहा है आओ और साइन करके वापस जाओ तो ही आपको अलाउंस मिलेगा अब यहाँ पर क्या हुआ बीपीसीएल जो था जो भारत पेट्रोलियम पेट्रोल जो इंप्लॉय था जिसको सस्पेंड किया था उनकी अपनी यूनियन होती है लेबर यूनियन अब हुआ क्या कि लेबर यूनियन वो एक बंदा था राजेश अब उसको क्या किया उसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया और वो बंदा पूरा महीना आया ही नहीं साइन करने के लिए अब जब महीने बाद उसने कहा जी मेरा सबसिस्टेंस अलावेंस दो इन्होंने कहा हम तो नहीं देते बात लेबर कोर्ट में चली गई लेबर कोर्ट ने बोला जी जो सबसिस्टेंस अलावेंस है वो एक अनकंडीशनल राइट right है ये बात समझ आ रही है आपको जो आपका सबसिस्टेंस अलाउेंस है वो अनकंडीशनल राइट right है आप सोचो आप सस्पेंडेड हो सस्पेंडेड आपको घर बैठे-बैठे मिलनी है अब आपको जबरदस्ती ऑफिस जाके सिर्फ साइन करना पड़ रहा है यार ये तो टॉर्चर है हाँ ना ये तो अत्याचार है भाई मैं सस्पेंशन पे हो सकता है मैं गांव चला जाऊँ अपने होम टाउन चला जाऊँ एक महीने के लिए बीवी बच्चों को लेके तो कहने का मतलब क्या हुआ सबसिस्टेंस अलावेंस वो पैसा होता है इंप्लॉयर अपने ड्यूरिंग होता है जो में कुछ भी लिखा हुआ है जैसे इनके में क्या लिखा था इनके स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा था कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय साइन करेगा सस्पेंडेड एम्प्लॉय जो है वो डेली ऑफिस आएगा और डेली ऑफिस आके साइन करके जाएगा तो भाई ये वाला जो प्रोविजन आपने स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है ये नल एंड वॉइड है क्यों नल एंड वॉइड है क्योंकि कोर्ट ने क्या बोला कि अनकंडीशनल राइट right. आप इसमें कोई इफ एंड नहीं लगा सकते राइट right जी तो आई होप बेटा कि हमको सेक्शन नंबर टेन ए बहुत अच्छे से समझ आ गया प्लीज बोलिए क्या हमें सेक्शन नंबर टेन ए बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया बोलिए कमेंट करके बताइए मुझे हाँ सर डन सबसिस्टेंस अलाउंस वो है जो हमें सस्पेंशन के टाइम पे मिलता है और ये हमारा अनकंडीशनल राइट right होता है डन सर चले आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है अब यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है सेक्शन थर्टीन ए सेक्शन थर्टीन ए ये क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा प्लीज सेक्शन थर्टीन ए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर अब देखिए देखो यार हमारे देश में ना इंटरप्रिटेशन की हालत बड़ी खराब है राइट हमारे देश में इंटरप्रिटेशन लोगों की कुछ खास अच्छी होती नहीं है राइट right. हमारे देश में बहुत सारे लोग ही गलत पढ़ाते हैं बच्चों का तो क्या ही कसूर है यार राइट इधर देखिए एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेशन ऑफिसर को स्टैंडिंग ऑर्डर दिए उसने आगे एम्प्लॉय को दिए इस भाई ने सर्टिफाई कर दिया दोनों को कॉपी दे दी है ना सर्टिफिकेशन कर दिया अभी हमने चार्ट देखा था ऊपर अब जब वो स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई होके आ गए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि भाई इसको फॉलो करो कहते है, हम तो नहीं करते हैं है, है। है, मतलब है, हाँ। तो लग रहा था ये मतलब, नहीं ये वाला मतलब है। है, लेकिन कलेश चल रहा है झगड़ा चल रहा है इंटरप्रिटेशन को लेके वो कह रहा है मैंने इस मतलब से लिखा था वो कह रहे हैं जी हमने तो ये मतलब सोच के ओके किया था तो अब क्या होगा कहता है सर इस केस के अंदर जो भी लेबर कोर्ट बोलेगी वो फुल एंड फाइनल माना जाएगा. Order of court shall be final and binding. कितने लोगों को बात बात बेटा? हमें अच्छे से समझ आ गई कि जो भी लेबर कोर्ट बोलेगी वो फुल एंड फाइनल माना जाएगा डन डना डन डन। इसके बाद देखिए यहां पर अगर हम और आगे चलते हैं तो अब यहां पर एक आता है सेक्शन नंबर एट सेक्शन नंबर एट बोलता है वही कि हर एक हर एक जो आ, स, जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर है वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसकी कॉपी अपने पास रखेगा ध्यान से समझे ये मेंटेनिंग ऑफ रजिस्टर एम्प्लॉयर पे नहीं है ये एम्प्लॉयर पे नहीं है ये किस पे है सर्टिफिकेशन ऑफिसर पे है ये सर्टिफिकेशन ऑफिसर पे है क्लियर है, है और सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पास कोई भी एक्स वाई जी कोई भी एक्स वाई जी कोई भी आता है और आके इसको बोलता है कि मुझे ना उस एस्टेब्लिशमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर दिखाओ आई वॉन्ट टू इंस्पेक्ट मैं उसकी कॉपी लेना चाहता हूँ तो वो फीस देगा आप फीस दोगे रिक्वेस्ट दोगे और वो आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड कर देगा ऐसा हो सकता है ना ध्यान से समझिए क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट में सौ लेबर काम कर रही है और मेरे पे ये एक्ट अप्लाई हुआ है तो मेरे को भी छः महीने के अंदर अंदर बनाना है हाँ जी अब मेरे को तो पता नहीं है कि कैसे बनते हैं क्या होते हैं तो मैं किसी हमारे ही सेक्टर में कोई और कंपनी थी मैं उसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स मैंने कहा देख लेते हैं तो मैं गया अपने सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पास मैंने उसको फीस दी मैंने कॉपी की डिमांड की और उसने मुझे स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड कर दी तो सेक्शन नंबर एट जो है ये किसकी बात कर रहा है ये बात एम्प्लॉयर की नहीं कर रहा है ये सर्टिफिकेशन ऑफिसर की बात कर रहा है अब यहाँ पर एक सेक्शन टेन आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरी बात को समझेगा ध्यान से सुनिए भाई सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए अब सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए अब इसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है क्या जिस दिन सर्टिफाई हुए ना वहां से कम से कम सिक्स मंथ्स का गैप होना चाहिए और सिक्स मंथ्स के बाद ही आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो और फिर जब ये मॉडिफाई हो गए तो फिर यहां से नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में भी सिक्स मंथ्स का टाइम तो कहने का मतलब क्या हुआ मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक बार अगर सर्टिफाई हो गए स्टैंडिंग ऑर्डर तो छह महीने तक एम्प्लॉयर या वर्कमैन दोनों में से कोई भी आके उसको मॉडिफाई करने के लिए नहीं बोल सकते छह महीने बाद आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो मॉडिफिकेशन के बाद भी फिर अगले छह महीने तक कोई और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती यानी कि हर छह महीने में एक बार आप स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंजेस करवा सकते हैं यस oh, सर yes ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आ गई तो अगर अभी हम बात करते हैं अपने इंडेक्स की अगर हम अपने इंडेक्स पे जाएं इस चैप्टर के ध्यान से देखिएगा ये देखिए तो हमने एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी पढ़ा राइट इसके बाद अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी बिल्कुल नहीं पढ़ी फिर हमने थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन पढ़ लिया बिल्कुल पढ़ लिया सर थ्री क्या कह रहा था वही कि आप कॉपी सबमिट करोगे फोर वो ट्रू एंड फेयरनेस देखेगा फाइव वो लेबर को ऑब्जेक्शन लेके लेबर से सर्टिफाई करेगा सिक्स आप कितने टाइम में अपील फाइल कर सकते हो सेवन कब स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो ऑपरेट होंगे सर स्टैंडिंग ऑर्डर ओरिजिनल वाले कब ऑपरेट होंगे सर ओरिजिनल वाले ऑपरेट होंगे आफ्टर थर्टी डेज एंड अवार्ड वाले कब होंगे सेवन डेज टन इसके बाद रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ लिया मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिया सबसे अलावेंस हमने पढ़ लिया और इसके अलावा हमने पढ़ लिया के बाद ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर यहाँ तक हमने पढ़ लिया अच्छा डिस्प्ले ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर भी हमने पढ़ लिया आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ डिस्प्ले ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर लेकिन डिस्प्ले ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो मैंने ये बताया था ना ये जो मैंने बताया था ये क्या था सेक्शन नंबर ड्राइन कि जी आपको फैक्ट्री जाग बताना पड़ेगा क्या बोलता है और आपके स्टैंडिंग ऑर्डर आपने कैसे बना रखे हैं और आपको उसका जो जो रिलेशन है जी फैक्ट्री एक्ट ये बोलता है हमने ये आपको सारा का सारा डिस्प्ले करना पड़ेगा ये वाली बात दी दी गई 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 है 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 बेटा सेक्शन सेक्शन में ही है। तो यस सर ये वाली बात भी हमको समझ आ इसके बाद कहता है ए अब ये क्या कहता है बड़े ध्यान से समझेगा सुनिए आपकी फैक्ट्री में हंड्रेड लेबर हो गई अब हंड्रेड लेबर हो गई तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे फिर बनाएंगे छह महीने में देंगे फिर वो आगे लेबर को देगा फिर सर्टिफाई होगा

हो जाएंगे बिल्कुल जी बिल्कुल कब तक जब तक टिल जब तक हमारे खुद के टिल सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर जब तक हमारे खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई नहीं हो जाते तब तक कहता है कि सर वो जो वाले हैं जो मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर है सरकार वाले वो वैलिड मान लिए जाएंगे यस सर ये वाली बात हमें समझ आ गई ठीक है जी यहां बच्चा कह रहा है सर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कब दी जा सकती है मैं फिर से कह रहा हूँ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आज सर्टिफाई हुए दे दो, लेकिन वो कब हो फाइल करो उसके लिए कोई पॉइंट टाइम लिमिट नहीं दी गई आप जब मर्जी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डालो लेकिन वो इफेक्टिव कब होगी छह महीने के बाद ही मतलब उसको देखा कब जाएगा उस पर काम कब किया जाएगा छह महीने के बाद ही उस पर काम किया जाएगा यस yes, सर ये वाली बात हमको समझ आ गई अब इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन नंबर फोर्टीन एक बार उसको भी देख लेते हैं जरा थर्टीन बी एंड फोर्टीन थर्टीन बी क्या कह रहा है कहता है सर सरकार चाहे तो बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स को इस एक्ट से निजात दे सकती है छूट दे सकती है देखो सेक्शन वन क्या कह रहा था कि 100 वर्कमेन होंगे तो अप्लाई होगा हाँ अगर 100 से कम है तो भी क्या गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते है 2 महीने का नोटिफिकेशन देके यस तो अगर 100 से कम है तो छूट भी दे सकती है अगर 100 से कम है तो अप्लाई भी कर सकती है और 100 और मोर है तो एग्जंपशन भी दे सकती है तो सरकार की मौज है भाई ये तो सरकार की मर्जी है सरकार चाहे तो जिस पे सौ एम्प्लॉज नहीं है उस पे भी अप्लाई कर सकती है और सरकार चाहे तो जिस पे तीन सौ एम्प्लॉय उसको भी मना कर सकती है तो सरकार आप पे अप्लाई नहीं होता फिर भी कर सकते बात सेक्शन में दी गई है अप्लाई होता आपको छूट दे सकते बात सेक्शन थर्टीन बी में दी गई है यस सर एपसल्यूटली तो अप्रोप्रियट गवर्नमेंट चाहे तो आपको नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट देके आपकी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को एग्जाम कर सकती है सारे प्रोविजंस से ठीक है जी डन तो सर लेकिन ये वाली बात तो सेक्शन फोर्टीन में दी गई है फिर तेरा में क्या दिया गया तेरा में चौदह में तो कह रहा है कि सरकार एग्जामेशन दे सकती है तेरा बी में कहता है कि सरकार ने कुछ को तो छूट दे रखी है मतलब तेरह अगर आप फोर्टीन को देखेंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है थर्टीन बी में क्या कह रहा है ऑलरेडी सर्टेन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को छूट दे रखी है जैसे कि सिविल जैसे कि अगर हम बात करें तो कहता है सर जो सिविल सर्विसेज रेगुलेशन से गवर्न होती है सर जो जो सिविल सर्विस रूल्स रेलवे कोर्ट से गवर्न होती है मतलब सरकार ने क्या क्या हुआ रेलवे हो गया इसके अलावा आपका मेट्रो हो गया इसके अलावा सिविल सर्विसेज हो गया सरकार ने या डिफेंस से रिलेटेड हो गया इन सब पे सरकार ने ऑलरेडी छूट दे रखी है तो कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो कि इन सब से रिलेट करती है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कोई डिफेंस से रिलेट करती है डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है इंप्लॉइज को ट्रेन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई आठ से आठ से नौ घंटे काम करता है पर डे राइट लेकिन जब आप आर्मी कैंप में होते हो तो आपको बारह बारह घंटे सोलह सोलह घंटे रिग्रसली आपकी ट्रेनिंग चलती है तो वहां पर कहता है सर ये वाला जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा इसका मतलब क्या वहां आप भी आपको सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको सैलरी मिलती है आप यूपीएससी क्लियर करते हो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपको ना लबासना जाना पड़ता है मसूरी मसूरी में आपकी ट्रेनिंग होती है वहां पर आपकी सैलरी मिलती है आपको लेकिन आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो क्योंकि सैलरी मिल रही है इसलिए आप एम्प्लॉई हो लेकिन कहता है इसका मतलब यही नहीं है कि वहाँ आपसे आठ नौ घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा वह आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है तो वहां पर आपसे ज्यादा काम करवाया जाता है यस सर एब्सोल्यूटली ये बात हमें समझ आ गई डन डना डन डन तो अगर अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर अभी हमने सेक्शन टू को हाथ नहीं लगाया अभी हमने सेक्शन टू को हाथ नहीं लगाया लेकिन सेक्शन टू के अलावा बाकी के सारे सेक्शंस जो है ये हमको याद हो गए एक बार इसको रिवीजन करते हैं प्लीज देखो जी क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं देखो अगर हम यहां लिखे जगह खाली आ जाए यार यहां लिखते हैं चलो हाँ जी सर सेक्शन नंबर वन सर सेक्शन नंबर कौन सा था ऑब्जेक्टिव और एक्सटेंड का होता है हाँ, सर सर सेक्शन नंबर डेफिनेशन अभी हमने करी नहीं सर सेक्शन नंबर थ्री कौन सा था सर सेक्शन नंबर थ्री था कि वो अप्लाई करेगा फोर कौन सा मतलब इंप्लॉयर अप्लाई करेगा सर्टिफिकेशन ऑफिसर को फोर कौन सा था वो ट्रू एंड फेयरनेस देखेगा फाइव कौन सा था वो सर्टिफाई करेगा सिक्स सर वो अप्लाई uh, सिक्स था अपील का अपील आप थर्टी डेज में अपील फाइल कर सकते हो और सेवन था ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर ओरिजिनल वाले आफ्टर थर्टी डेज अवॉर्डेड वाले आफ्टर सेवन डेज हाँ सर ये वाली बात हमको समझ आ गई आठ कौन सा था आठ सर आठ था कि वो रजिस्टर मेंटेन करेगा सर्टिफिकेशन ऑफिसर और जो कॉपी मांगेगा उसको देगा सर नाइन कौन सा था सर नाइन था वो डिस्प्ले वाला कि आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा सर इसके बाद टेन ए कौन सा था सर टेन ए था अलावेंस वाला सर ट्वेल्व ए कौन सा था सर ट्वेल्व ए था कि जब तक वो सर्टिफाई नहीं हो गए आपके वाले सर्टिफिकेशन ऑफिसर सर्टिफिकेशन ऑर्डर आप पे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सरकार वाले अप्लाई होंगे सर थर्टीन ए कौन सा था सर थर्टीन ए था इंटरप्रिटेशन वाला कि अगर कोई दिक्कत है इंटरप्रिटेशन को लेके तो लेबर कोर्ट जो बोलेगा वो फाइनल है सर थर्टीन बी कौन सा है कि सरकार ने सिविल आर्मी रेलवे इन सब को इससे बाहर किया हुआ है और फोर्टीन कौन सा है कि सरकार कोई भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को जिस पर एक्ट अप्लाई होता है सरकार उसे एग्जामेशन दे सकती है तो वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ए ट्वेल्व ए थर्टीन बी फोर्टीन अच्छा टेन रह गया टेन 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 रह गया मॉडिफिकेशन वाला 6 महीने से पहले आप मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते 6 महीने से पहले आप मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी फाइलिंग ऑफ कॉपी ट्रू एंड रीजनेबलनेस चेक करना रीजनेबलनेस वर्ड है रीजनेबलनेस देन सर्टिफाई करना देन अपील का टाइम देन कब से इफेक्टिव होंगे देन ये आ गया रजिस्टर मेंटेन करेगा सर्टिफिकेशन ऑफ डिस्प्ले मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हर छः महीने में एक बार इससे ज्यादा नहीं होंगे ये थर्टीन ए हमारा आ गया इंटरप्रिटेशन थर्टीन बी कुछ को एग्जाम्शन दी गई है फोर्टीन सरकार कुछ को एग्जाम्शन दे सकती है हाँ जी तो कितने लोग बोलते हैं कि सर अच्छे से हम लोगों को इसके भी सेक्शंस याद हो गए जैसे आपने हमें इक्वल रेमनरेशन एक्ट के याद करवाए ऐसे इसके भी हम लोगों को बहुत अच्छे से सेक्शन याद हो गए बोलो जी बोलो बच्चे क्लियर है सबको यस yes, सर याद हो गए और आप अपने मॉड्यूल को चेक कर सकते हो यही वाले सेक्शंस दिए होंगे खैर अभी हमें और डेफिनेशंस पढ़नी है और डेफिनेशंस और कुछ केसेस भी पढ़ने हैं तो अभी दिल्ली बहुत दूर है नाचने की जरूरत है नहीं तो आप पहले हम आते हैं कुछ केस लॉस पे ध्यान से देखिएगा इधर प्लीज ये जो केस लॉस है इनमें से आपने डरबी टेक्सटाइल वाला तो पढ़ लिया डरबी टेक्सटाइल वाला आपने पढ़ लिया और बीपीसीएल वाला भी आपने पढ़ लिया डरबी टेक्सटाइल और बीपीसीएल दोनों पढ़ लिए थे आ जा भाई सर यहाँ पर अगर हम बात करें देखो ब्राउनी रिफाइनरी का था कि भाई ये सब पे सारे वर्कर्स पे अप्लाई होता है डरबी टेक्सटाइल्स आपने पढ़ लिया कि ये एंड बाइंडिंग है एम्प्लॉयर पे भी और एम्प्लॉय सर और बीपीसीएल बीपीसीएल बढ़ा टेन ए के अंदर गया भाई ये रहा ये आपने बढ़ा बीपीसीएल वाला यस सर आपसे लूट हम इसके अलावा कुछ और केस लॉस हैं एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं हम देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सिंपल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत इजी है और आपको आसानी से समझ आएंगे ये इंडियन एक्सप्रेस वाला इधर देखिएगा बेटा सर मैं तो दिल्ली से ही हूँ इसी बात पे पार्टी दो सबको इंडियन एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस मदुराई लिमिटेड ये कोई नई बात नहीं बोल रहा है ये ना वो जो सेक्शन नंबर टेन था ना सिर्फ उसी को रिपीट कर रहा है ये कोई नई बात नहीं बोल रहा देखो ये सेक्शन नंबर टेन को ही रिपीट कर रहा है क्या पढ़ के देखिए जरा इसको बेटा क्या ये सेक्शन नंबर टेन को ही रिपीट कर रहा है देखिए वर्कमैन आर एंटाइटल टू अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कैन बी मेड एट एनी टाइम बट नॉट विद इन सिक्स मंथ ऑफ दर्टिफिकेशन और लास्ट अमेंडमेंट उससे छह महीने के अंदर अंदर नहीं कर सकते आप छह महीने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन पे काम किया जाएगा और अगर कोई मॉडिफिकेशन लगती है तो वो छह महीने के बाद ही की जाएगी समझ आ गई बेटा बात सबको बोलो जी बोलो बच्चे डन दन डना डन दन डन यस सर ये तो वही सेक्शन टेन वाली बात है कुछ अलग बोली नहीं रहा अच्छा ये जो आयरन एंड आयरन स्टील एंड आयरन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का केस है ना ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के साथ हुआ था इसमें क्या बोला गया था सुन लो बड़ा सिंपल है हमारी फैक्ट्री में ना दो प्रकार की लेबर है हमारी फैक्ट्री में दो प्रकार की लेबर है एक है जिसको मंथली वेज मिलती है मंथली वेज ठीक है और एक है जिसको डेली वेज मिलती है हमारी फैक्ट्री में दो प्रकार की लेबर है जिसको मंथली वेज मिलती है जिसको डेली वेज मिलती है अब हमारे जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो मंथली वेज बारे, के बारे में तो बोलते हैं लेकिन डेली वेज के बारे में कुछ नहीं बोलते तो अब क्या होगा भाई हमारी फैक्ट्री में दो प्रकार की लेबर है एक मंथली वेज वाली और एक डेली वेज वाली सर जो मंथली वेज वाली है उसके बारे में हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं डेली वेज के बारे में कुछ बोलते ही नहीं नहीं बोलते तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है इनपे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा इनपे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सरकार वाला अप्लाई हो जाएगा पढ़ के देखिए यही लिखा हुआ है वेयर देयर आर

मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा इन शॉर्ट हमारी फैक्ट्री में एक से ज्यादा प्रकार की लेबर है लेकिन हमारे सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर एक प्रकार की लेबर के लिए रूल्स बनाए हैं तो फिर जो दूसरी प्रकार की लेबर है हो जाएगा। दन दन दन। बोलो जी यस सर आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अलावा कुछ और भी केसेस हैं बेटा जो हमको बीच बीच में सेक्शंस में आएंगे जो अभी हमने पढ़े नहीं है जैसे कि ये ये बड़े इम्पोर्टेंट है ध्यान से देखेगा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लेके ये सारे केस लॉज, लेबर लॉ में याद रखेगा केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ लेबर लॉ में केस लॉज आर सुपर इंपॉर्टेंट कहते हैं सर वो जो आपने कहा था ना कि आप अपील फाइल करोगे सर्टिफिकेशन ऑफिसर के अगेंस्ट अपैलेट ट्राइब्यूनल के पास हाँ जी वो तब फॉलो करोगे विद इन थर्टी डेज ऑफ सर्टिफिकेशन जब आपके पास आएगा वहां से तीस दिन में आप अपील फाइल कर सकते हो हाँ सर वो अपील किस चीज़ के लिए होएगी वो अपील किस चीज़ के लिए होएगी कहते हैं सर देखो जब आप अपैलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करते हो ना तो किसी भी कानून में तो अपैलेट अथॉरिटी क्या करती है तीन चीजें करती है या कंफर्म या मॉडिफाई या सेटिसाइड मतलब जो ऑर्डर लोअर लेवल से आया है या तो उसे इज कन्फर्म करती है या उसे हटा देती है कि नहीं जी गलत है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है कहते हैं यहाँ पर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर आए हैं सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को सेट असाइड करने की कोई पावर नहीं है अपैलेट अथॉरिटी के पास याद रहेगी बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है

मशीनरी कॉर्पोरेशन में हुआ था अब पैलेट अथॉरिटी जाना वो कोई नया मुद्दा भी नहीं उठा सकती भाई जिस चीज को लेके झगड़ा हो रहा है ना सिर्फ डिस्प्यूटेड मैटर उसी पे अपना फैसला सुनाएगी दे कैन नॉट रिमांड मतलब दे कैन नॉट दे कैन नॉट टेक अप न्यू मैटर समझ आ रही है बात दे कैन नॉट टेक अप न्यू मैटर कोई भी नया मैटर वो उठा नहीं सकते दे कैन नॉट टेक अप एनी न्यू मैटर Appellate, appellate, जहां अपैलट अथॉरिटी जो है दे कैन नॉट टेक अप न्यू मैटर भाई वो ना तो उसको सेटिसाइड कर सकते हैं या तो ये बताइए कि हाँ जी यही वाले स्टैंडिंग ऑर्डर रहेंगे या क्या बदलाव होगा सिंपल आप बोलो ये हटा रही हूं मैं ऐसा नहीं हो सकता पर आप कोई भी नया मुद्दा नहीं उखाड़ नहीं शुरू कर सकते जो डिस्प्यूटेड मैटर है सिर्फ उसी पे आपको अपना फैसला सुनाना पड़ेगा एक बच्चा कह रहा है एक बच्चा कह रहा है कि सर एक बारी सेक्शन दस समझा सकते हो बेटा सेक्शन दस अभी तो बताया कि जब एक बार सर्टिफाई होंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स या जब जैसे एक बार सर्टिफाई हो गए अप्लाई हो गए उसके छह महीने तक कोई अमेंडमेंट एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते मतलब छह महीने तक अमेंडमेंट नहीं होगी फिर छः महीने बाद आपने कोई अमेंडमेंट कराई एक बार वो अमेनमेंट होगी फिर उसके छे महीने तक कोई अमेंडमेंट नहीं होगी मतलब अगर सर्टिफाइंड सर्टिफाइड ऑर्डर्स में कोई भी चेंज कराना है तो छह महीने में एक बार ही आप चेंज करवा सकते हो यस सर ये वाली बात समझ आ गई राइट एब्सोल्युटली यहाँ पर फिर एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला केस लॉ मॉड्यूल में नहीं पता नहीं बच्चे कब समझेंगे भाई के जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉड्यूल से पेपर आए इंस्टीट्यूट भी बोल बोल के थक गया आमित वरा सर भी बोल बोल के थक गए प्रेसिडेंट भी बोल बोल के थक गए लेकिन समझ नहीं आती है बच्चों को यार क्या बोलूँ मैं मैं खुद थक गया अब इधर देखिएगा प्लीज ध्यान से ये आइशर गुड अर्थ जो है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज इट इज सुपर इम्पोर्टेंट सुनिए क्या हुआ सुनिए इस इस केस को समझिएगा इसके फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है देखिए एक ना इम्प्लॉयर है ठीक है इस एम्प्लॉयर ने क्या किया इस एम्प्लॉयर ने इम्प्लॉय को जब हायर किया तो उसके सेम हो गया मतलब बोले बोले हमारे जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें तो लिखा हुआ है फाइव पी तक बोला जी तुम्हारे स्टैंडिंग ऑर्डर से मेरे को थोड़ी मतलब है

अगर एक सेकेंड का लैग वैसे लैग था नहीं कोई वैसे लैग था नहीं अब तो ऑफिस में चौथा इंटरनेट भी लगा है दो दिन पहले देखो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कोई लैग नहीं था आपके बात पे होगा बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ दोबारा से बता देता हूँ सुन लो एक एम्प्लॉयर है उसने एक एम्प्लॉय को हायर किया उसके सर्विस अग्रीमेंट में यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा कि आप नौ से तीन काम करोगे अब उसने डन कर दिया अब वो इम्प्लॉय आया काम करने जिस दिन उसने काम किया वो जाने लगा बाकी इंप्लॉय कहते हैं कहाँ जा रहा है तीन ही तो बजे अभी उसने कहा जी मेरा तो काम हो गया उन्होंने कहा पागल है वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर पांच बजे तक लिखते हैं इसने कहा जी तुम्हारे लिए लिखते होंगे पांच बजे तक मेरे लिए तो तीन बजे तक है ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर अब पॉइंट ये कि ये इम्प्लॉय वैसे स्टैंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं बजे तक लेकिन इसका अपॉइंटमेंट लेटर क्या बोलता है तीन बजे तक तो अब इसमें तीन बजे तक इसको रुकना है या पांच बजे तक तो इस आइशर गुडर्ट के केस में जजमेंट आई कि सर इसको तो पांच बजे तक ही रुकना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है तो प्रोविजन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर शेल प्रीवेल देखो शल प्रीवेल हो स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा है पांच बजे तक अब आप इसमें ना आर्ग्यूमेंट की लाइन लगा सकते हो सर ये तो गलत है सर इंप्लॉय ने चीटिंग की सर उसके अपॉइंटमेंट लेटर में तीन बजे क्यों लिखा आप जो आपने बहस कर लिया करो कोर्ट की जजमेंट है कि भाई जो स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा वही फाइनल है अब इस एम्प्लॉय को समझ आता है ठीक है नहीं आता जॉब छोड़ दे इसकी मर्जी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हो सकता है उस पर कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया हो गलती से या नौ से पांच की जगह नौ से दस हो गया तो आप तो कहोगे मैं एक ही घंटा काम कर रहा हूँ तो अब अपने जो लड़ना है आपकी कॉल है अपने दिमाग तक रखिए बट पॉइंट इज जजमेंट क्या है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में जो लिखा है वो वैलिड माना जाएगा इसका मतलब ये एम्प्लॉयर को शाम को पांच बजे तक तो बैठना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को शाम को पांच बजे तक तो बैठना ही पड़ेगा अगर उसे ये जॉब करनी है तो कितने लोगों को कहानी समझ आती है बेटा बोलो जी सेक्शन सिक्स में भी दो केसेस थे कि भाई सर्टिफिकेशन ऑफिसर सेटिसफाइड नहीं कर सकता मॉडिफाई या कंफर्म करेगा कोई नया मैटर टेकअप नहीं कर सकता ये वाला भी इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ और लिखा है और मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ और लिखा है तो स्टैंडिंग ऑर्डर ही माना जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर ही माना जाएगा अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट है वो लेटर है वो नहीं माना जाएगा क्लियर है बेटा सबको आई होप के कनेक्शन भी ठीक है और सब लोगों को सारी बात समझ आ गई कनेक्शन भी एकदम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और सब लोगों को सारी बात अच्छे से समझ आ गई बच्चा कह रहा अगर केस लॉ का नाम अगर याद नहीं रहता और जजमेंट याद रहती है तो, तो तीन में से एक नंबर मिलेगा बस माइंड मेकअप करके जाइएगा पेपर में कि तीन में से एक नंबर मिलेगा और अगर पेपर में गलती से दस जजमेंट्स आ गई तो तीस में से दस आएंगे उसमें सर इतना काटते हैं बिल्कुल काटते हैं बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी ना जजमेंट सर नहीं है, नहीं रहती आगे देखो जवाब थोड़ी हुआ जज के सामने कोर्ट में बोलना या एनसीएलटी के सामने बोलना एज पर दैट जजमेंट एज पर दोस्त जजमेंट एज पर द जजमेंट आई फॉरगॉट द नेम जज साहब जज साहब कहेंगे सॉरी गेराउट समझ रहे हो मैंने अपने टाइम में सारी जजमेंट्स याद की थी और मुझे काफी हद तक सारी याद आज भी है लेकिन सर आपने कैसे की थी मैंने एक साल लगाया था ना आपकी तरह छह महीने में पेपर नहीं दिए थे अब इधर देखिएगा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू अब यहां पर हम बात हैं डेफिनेशन की डेफिनेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब वो कह रहे हिमांशी चौहान कह रही है सर इतने केस लॉस कैसे याद करें छह महीने फालतू लो अटेम्प्ट के लिए याद हो जाएंगे ट्रस्ट में छे महीने का वक्त बहुत है सेक्शन केस लॉस को याद करने के लिए सर आप तो हमारी डिग्री डिले करा रहे हो अब वो वो आपकी जल्दी है ना कि आपको बहुत जल्दी चाहिए मैं कई बार बोलता हूँ जल्दी वर्सेज अच्छे में ना अच्छा जीतता है एक एक्टर है ईशान खट्टर शाहिद कपूर का भाई वो भाई बीस साल की एज में एक्टर बन के आ गया ऐसा लग रहा था कच्चा आम है टूट गया बेचारा पका ही नहीं पूरा और एक तरफ से ऋतिक रोशन 26 की एज में कहो ना प्यारा मैं बॉडी बॉडी बना के पूरी एक्टिंग स्किल्स के साथ आया था रणबीर कपूर प्रॉपर एक्टिंग करके आया था मूवी नहीं चली थी सावरिया लेकिन रनबीर कपूर की क्या बनना जल्दी जल्दी में कच्चा हुआ एक और मतलब कच्चा एक और एक्टर तोड़ लिया गया था मैं बात करू टाइगर श्रॉफ की दो हजार चौदाह मई तेरह मई हीरो बनती मूवी आ गई थी ऐसा लगता था बेचारे की अभी दाढ़ी तक नहीं आई है तो ये आपको देखना है कि जल्दी बनना है कि अच्छा बनना है सर जल्दी और अच्छा दोनों भाई भगवान थोड़ी हो रिच के खानदान से थोड़ी हो सिंपल है चीजों को याद करने में टाइम लगता है यार और याद करने के लिए किसी भी चीज में जब आप कहते हो कि आपको याद नहीं हो रही इसका मतलब है कि आपको याद करने में समय देना पड़ेगा सिंपल सी बात है अब यहां पर कह रहे सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है अब हम यहाँ डेफिनेशन पे आ रहे हैं देखिए अब यहाँ डेफिनेशन जो है वो पिछला लॉ जो आपने पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग होंगी यहाँ कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी जाएगी जब रेलवे माइन्स ऑयल फील्ड या मेजर पोर्ट्स इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं और माइनर पोर्ट्स है ना तो कहता है रेलवे मेजर पोर्ट्स माइन्स और ऑयल फील्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एस्टेब्लिशमेंट और माइनर पोर्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि भाई मेरी कंपनी लॉ मैग्नेट एडोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये किस में आती है सर ना तो ये रेलवे में आती है ना मेजर पोर्ट में ना माइन में ना ऑयल फील्ड में इसलिए ये किस में आएगी अदर अदर एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट में में आएगी तो मेरे लिए कौन है स्टेट गवर्नमेंट यस सर ये वाली बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई अब देखिएगा बेटा ध्यान से क्या कह रहा है प्लीज अ पायलट अथॉरिटी का क्या मतलब है अप्रोप्रियट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है पायलट अथॉरिटी बाय एनआईओजी आईओजी अब इधर सुनेगा ध्यान से अगर मेरी बात को समझेगा बेटा अगर आप रेलवे में काम करते हैं तो आप कौन सी वाली पायलट अथॉरिटी के पास जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली और अगर आप मान लो लॉ मैग्नेट में काम करते हैं या या आप रिलायंस में काम करते हैं तो आप कौन सी वाली स्टैंडिंग कौन सी वाली पायलट अथॉरिटी के पास जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट वाली और उसका ऑफिस मुंबई में है तो मुंबई वाली में जाएंगे मेरा ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली वाली में आएंगे कितने लोगों को बात समझ आ रही है बेटा बोलिए बच्चे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो रेलवे मेजर बोर्ड माइनस ऑलफीर्स और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अदर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड माइनर पोर्ट्स ये बात हमें क्लियर होगी अब पायलट अथॉरिटी कौन सी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट करी होगी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट करी होगी सर्टिफिकेशन ऑफिसर कौन है सर जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और अगर नहीं करती तो रीजनल लेबर कमिश्नर ही माना जाएगा ये एक नंबर का कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है सर एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाता है अपने एम्प्लॉयज के लिए ये सर एम्प्लॉयर का क्या मतलब है सर एम्प्लॉयर का मतलब है फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज एक्ट में मैनेजर होता है या इसको हम ऑक्यूपायर भी बोलते हैं मैनेजर या ऑक्यूपायर जो कहना आप कह सकते हो तो फैक्ट्री में कौन होगा सर मैनेजर या ऑक्यूपायर सर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में कौन होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर नॉन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में कौन होगा सुपरवाइजर एंड कंट्रोलर अब इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझिए फैक्ट्री अमित वोरा लॉ मैग्नेट की बात करो मेरी कंपनी की लॉ मैग्नेट एटेक प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी फैक्ट्री नहीं है इसलिए मैनेजर ऑक्यूपायर अप्लाई नहीं होता मेरी कंपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अप्लाई नहीं होता मेरी कंपनी नॉन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो सुपरवाइजर एंड कंट्रोलर वो कौन है मेरी वाइफ समीक्षा वो रहा तो अगर कल को कुछ भी हुआ तो ये अंदर जाएगी मैं नहीं जाने वाला मेरी जितनी भी फॉर्म्स है एल है सब में मैंने अपनी वाइफ को बना रखा है एच वगैरह में भी करता मैं हूं मजबूरी मेरी है लेकिन मैंने सब कुछ यही करती है क्यों क्योंकि अगर कुछ भी हो जेल जुल जाना पड़े तो यही जाए मैं ना जाऊं क्यों क्योंकि अगर मैं गया तो ये बाहर नहीं निकलवा पाएगी मेरे को लेकिन अगर ये गई तो मैं बाहर तो निकलवा ही लूंगा ना चौबीस से अड़तालीस घंटे में ज्यादा से ज्यादा पुलिस एक, एक आध बार ही रिमांड लेगी तो याद रखेगा जितने भी धंधे आपको कल को फ्यूचर में करने हैं सब में इंप्लॉयर ऑक्यूपायर मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों को बनाइएगा खुद मत बनिएगा खुद बन गए तो बाहर नहीं निकलवा पाएंगी बीविया बीविया अंदर चलेंगी तो आप दो चार दिन में बाहर निकलवा ही लोगे ये सच बता रहा हूं मैं जनअरली जनवनली शाहरुख खान को देखना कभी भी वो जितने भी बिजनेस करता है हर चीज में गौरी खान का नाम डालता है गौरी खान एक बार के लिए सोचो प्रैक्टिकली सोचो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अंदर गया था ड्रग्स के केस में अगर उस तो जगह शाहरुख खान गया होता पूरा खानदान जोर लगा लेता बाहर नहीं आता था वो तो बाप बाहर बैठा था शाहरुख खान द मेन द मेन पर्सन तभी बाकी लोग सेफ है समझ रहे हो मेरी बात तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ये कोई मैं ही नहीं कह रहा बीवी को फंसा नहीं बता रहा हूँ आपको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है ये डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में आएगी नहीं लेकिन कह इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट है फैक्ट्रीज एक्ट में जो फैक्ट्री है और इंडियन रेलवे एक्ट में जो रेलवे है तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट तीन तरीके की फैक्ट्री रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट रेलवे अंडर रेलवे एक्ट एस्टेब्लिशमेंट अंडर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और मैं आपको एक बात बता दूं पेपर में ना 2015 या 16 की बात है एमसीक्यू में ये पेपर आया था एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था कि इंडियन रेलवेज एक्ट कौन से साल का था इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 1990 1980 अब बच्चे बता क्या करें? मम्मी आपको पता है रेलवेज एक्ट पूछ लिया हमारे तो कोर्स में ही नहीं है रेलवेज रेलवेज एक्ट एक्ट भाई का रेफरेंस आया हुआ ना एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है जो मॉड्यूल में है तो शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है समझ आई बात डन डना डन डन आराधना कह रही है ऐसा क्यों लगता है आपको क्या पता बीवी लॉयर हो आराधना अगर बीवी लॉयर लॉयर हुई ना तो वो नॉन आदमी से शादी नहीं करेगी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बीवी लॉयर ना हो बीवी लॉयर है ठीक है लेकिन फिर ना वो शादी जिससे करेगी वो आई एफ चाहेगी लॉयर बीवी क्यों किसी बिजनेसमैन से शादी करेगी प्रैक्टिकली सोचो है ना नहीं एक सच्चाई बताता हूं मैं आपको बड़े ध्यान से समझेगा एक आदमी जब पैसे कमाता है ना मे भी कड़वी हो सकते हैं पर सुनना एक आदमी जब पैसे कमाता है ना तो वो अपने घर वालों का अपने माँ बाप का अपनी बीवी का अपने बच्चों का सबका सब ध्यान रखता है वो पैसे कमाता है और वो सब पे खर्च कर देता है और वो ना इकोइिक नहीं होता लेडीज में प्रॉब्लम क्या होती है मैं नहीं कह रहा है? मेरे घर में नहीं है कई घरों में होती है लेडीज में क्या होती है कि एक लेडी जब कुछ कमाती है ना बोलती है मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई अब मैं किसी की बात क्यों सुनूं? अब तो मैं खुद कमाती हूं मैं अपने लिए कमाती हूं। आदमी कभी ये वाला स्टैंडर्ड नहीं रखता कि मैं अपने हूं। जो की जनरेशन है, कर सकती हूँ देखा है अपने दोस्तों की फैमिली में अपने फ्रेंड्स जो रिलेटिव्स है उनकी फैमिलीज में तो थोड़ा बहुत तो मैंने देखा है, कि होता है। लड़कियों में एक, एक अजीब सा प्राउड होता है इफ दे अर्न आई डों चलो जो भी है और ये मेरे घर में नहीं है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है मैंने जो सोसाइटी से देखा वो मैं बता रहा हूँ तो इसको प्लीज कोई कोई मेरे कोई ओपिनियन ना माना जाए जाए या रिकमेंडेशन ना माना इट जस्ट अ बातों में से बात ऑर्डर का क्या मतलब है रूल्स जो कि इस एक्ट के स्केड्यूल्स में दिए गए हैं एंड वेजेस एंड वर्कमैन का क्या मतलब है ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है सुनो कहता है वेजेस का क्या मतलब है वर्कमैन का क्या मतलब है कहता है वेजेस का वही मतलब है जो सेक्शन टू क्लॉज आर आर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है और वर्कमैन का भी वही मतलब है जो सेक्शन टू क्लॉज एस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है इसका मतलब क्या है कि यहां पर, यहां पर पर डेफिनेशन 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 ही नहीं 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 दी 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 गई 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 आप समझ रहे हो की नहीं दी गई, की वर्कमैन क्या बोल दिया गया कि वेजिस की वही डेफिनेशन है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है सेक्शन टू क्लॉज आर आर में एंड वर्कमैन की भी वही डेफिनेशन है जो सेक्शन टू क्लॉज एस में दी गई है समझ आ गई बेटा बात सबको राइट right? क्लियर है जी क्लियर है बेटा सबको चले आगे तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया इसको प्लीज आप एक बार लॉन्ग नोट्स में से जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ देखो कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या आता है देख लो भाई आप आप टेम्परेरी लेबर में आओगे कैजुअल में या स्किल्ड में आपके घंटे कितने होंगे काम के आपका ट्रांसफर कैसे होगा कितनी छुट्टियां मिलेंगी अटेंडेंस कैसे लगाओगे छुट्टियों के रूल्स क्या हैं लेट आओगे तो क्या होगा आपको कब हम सस्पेंड या डिसमिस कर सकते हैं रिटायरमेंट की एज क्या है अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ आप कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं ये सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये स्टैंडिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं क्लियर है बेटा सबको डन जी यस yes, सर तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप देख लीजिए अब हमारा कंप्लीट हो गया है इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है देखो अब पायलट अथॉरिटी पढ़ लिया हमने गवर्नमेंट पढ़ लिया सर्टिफिकेशन ऑफिसर जिसमें इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया तो रीजनल लेबर कमिश्नर एम्प्लॉयर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स वेजेस एंड वर्कमैन का वही मतलब है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दिया गया है तो यहां बेटा किसी को भी कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर बोलो जी किसी को भी कोई डाउट इस चैप्टर के अंदर हमको अभी पढ़ते हुए एक घंटा चालीस मिनट हुआ है और आई होप कि हमें दो चैप्टर अच्छे से याद भी हो गए हैं और सर ट्रस्ट में कोई बर्डन भी फील नहीं हो रहा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा होगा या थक गए या सर दर्द नहीं ज्यादा से ज्यादा पंद्रह बीस मिनट की ब्रेक ले सकते हो आधा कप चाय पियो वापस आ जाओ राइट ठीक है जी क्लियर है ना सबको यस सर तो यहाँ एक चालीस हुए हैं हम दोबारा मिलते हैं बारह बजे मतलब एक चालीस ग्यारह चालीस हुए हैं है, बहुत मजा आ रहा है सर ग्यारह चालीस हुए बीस मिनट की ब्रेक ले लो इसका रीजन क्या है नेक्स्ट चैप्टर डेढ़ घंटा चलेगा कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर हाँ डेढ़ घंटा चलेगा फिर आप ना बीच में ब्रेक मांगोगे तो मैं बीच में रिदम नहीं तोड़ना चाहता तो आप एक बार बीस मिनट में फटाफट से चाय पी के आ जाइए और फिर ट्वेंटी मिनट में हम दोबारा मिलते हैं क्लियर है जी यस सर हेलो जी वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक एम आई विजिबल एंड ऑडिबल जी हां जी ब्रेक के बाद वापस आ जाए जी हां जी सर तो एक बार अपने अपने फ्रेंड्स को बता दो कि क्लास रिज्यूम हो गई है वापस आ जाए क्योंकि नहीं आते हैं तो इसमें उनका घाटा हमारा तो क्या ही जाता है ना जी यस yes, सर तो फटाफट फड़ से हम आते हैं एक बार अपने next chapter पे सर हमने पढ़ लिया इक्वल रेमेशन एक्ट सर हमने पढ़ लिया स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ये दोनों के दोनों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं यस सर आपसे लूट सर अब हमारे थर्ड चैप्टर पे हाँ जी थर्ड चैप्टर का नाम क्या है सर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नाइनटीन सेवेंटी जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इसको बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जितने वेरी लगा लो उतने कम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नाइनटीन सेवेंटी हाँ जी सर तो हम फाइनली अब अपने क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं देखिए बेटा हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 सेवनटी आप एक्चुअली इसका जेनुअनली नाम देखेंगे तो इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट या प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन क्या मतलब है इसका बड़े ध्यान से समझेगा यहाँ पर बात आती है कि सर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या होता है देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको लगेंगे दो घंटे लंच टाइम तक होगा तो दो घंटे अब आप बहुत सिंसियरली इसको बैठ के पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि लेबर तीन प्रकार की होती है एक होती है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर लेबर रेगुलर लेबर वो होती है जो एम्प्लॉयर की खुद की लेबर होती है है ना एम्प्लॉयर की खुद की लेबर एक होती है कैजुअल लेबर कैजुअल लेबर होती है दिहाड़ी की लेबर आपको है आपके घर के पास आपके ऑफिस के पास कोई ना कोई एक लेबर चौक होता है जो लेबर चौक होता है वहां पर आप जाते हो वहां लेबर होती है आप उनसे नेगोशिएट करते हो और आप उन्हें जो भी काम बोलोगे वो लेबर वो काम कर देती है यस सर एब्सोल्युटली और एक होती है लेबर जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो ये चैप्टर ना ही रेगुलर लेबर से डील करता है ना ही कैजुअल लेबर से ये चैप्टर किससे डील करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से डील करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब ठेके की लेबर ठेकेदार ने जो लेबर दी है ठेके की लेबर यानी कि हमको कुछ हमारी फैक्ट्री में मान लो सौ लेबर है दो सौ लेबर है पांच सौ लेबर है अब हमें को नया प्रोजेक्ट मिल गया जिसके लिए हमें चालीस लेबर पचास लेबर एक्स्ट्रा चाहिए लेकिन छह महीने आठ महीने तीन महीने के लिए चाहिए तो हमें परमानेंटली तो चाहिए नहीं तो हम ठेकेदार को बोलते हैं कि तो हमें लेबर प्रोवाइड कर दे अब इधर देखिएगा ध्यान से जो लेबर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या बोलता है कि आप जाके सामने वाले की फैक्ट्री में काम करो वो सामने वाला कौन होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो ये तीन टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी बेटा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये तीन टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी सप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है जो काम कर रही है एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है जिसके यहाँ काम कर रही है क्लियर है ना बेटा सबको मेरी फैक्ट्री में यानी कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, की फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर भेजी ठीक है जी यस सर एब्सोल्युटली तो जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए बेटा ये क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके क्या क्या बातें बोली गई हैं सबसे पहले देखिएगा इधर देखिए कहते हैं सर ये दो चैप्टर है ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 ये ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रेगुलेशन से भी डील करता है अबॉलिशमेंट से भी डील करता है प्रोहिबिशन से भी डील करता है सर तीनों में फर्क क्या होता है इधर देखिएगा ध्यान से प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि भाई डे वन से ही मना किया हुआ है डे वन से मना किया हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं ले सकते कुछ एम्प्लॉयर्स हैं कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेने से मना किया होता है मतलब जैसे कि आप हजार्डस प्रोसेस में डील करते हो हजार्डस प्रोसेस वाली आपकी फैक्ट्री है वहां लेबर की जान जा सकती है तो इसलिए वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं आपकी खुद की लेबर होनी चाहिए ताकि आप उनकी इंश्योरेंस करा सके और उन्हें कुछ हो जाए तो आप उन्हें कॉम्पनसेशन दे सकें तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बैन किया होता है और ये वाला जो चैप्टर ये रेगुलराइजेशन की भी बात करता है यानी कि किस किस को अलाउड है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं और ये अबॉलिशमेंट की भी बात करता है अबोलिशन अबोलिशन का मतलब क्या है कि पहले अलाउड था बाद में गवर्नमेंट ने आपको

कि हम देखेंगे तीन तरीके के केसेस बनेंगे ऐसी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना अलाउड है ऐसी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना अलाउड नहीं है ऐसी जहां पर पहले अलाउड था लेकिन अब अलाउड नहीं है ठीक है सर एब्सोल्युटली

रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास याद रहेगी बात अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ट्वेंटी और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहिए तो मेरे पे ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा और मुझे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी तो हर वो एस्टेब्लिशमेंट हर वो एम्प्लॉयर जिसकी फैक्ट्री में ट्वेंटी और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है इन द सेम मैनर अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर ये तो गया एस्टेब्लिशमेंट वाली बात अब एक कॉन्ट्रैक्टर है ठेकेदार ठेकेदार चाहता है मैं 20 या 20 से ज्यादा लेबर सप्लाई करूं तो उसको लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा तो अगर आपसे कोई पूछे कि यह एक्ट किस पे अप्लाई होता है सर ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो बीस या बीस से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना चाहती है या ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो बीस या बीस से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करना चाहता है दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई होता है सर अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर है क्या उस अप्लाई हो सकता है गवर्नमेंट कर सकते है। दो महीने का नोटिफिकेशन देखें ये वाला प्रोविजन आपको जनरली हर कानून में मिल जाता है अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है सुनिएगा ये कैजुअल लेबर है या ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है अब इसको लेके कोई झगड़ा हो गया मैं कह रहा हूं ये मेरी कैजुअल लेबर है गवर्नमेंट कह रही नहीं जी तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है अब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है या नहीं कैजुअल लेबर है या नहीं इस पर फाइनल डिसीजन किसका आएगा कहता है सर इस पर फाइनल डिसीजन जो है वो आएगा वो आएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का इसका क्या मतलब हुआ सुनिए ध्यान से समझेगा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनिए मैं ना एक एम्प्लॉयर हूँ ठीक है मेरी एस्टेब्लिशमेंट में मेरी एस्टेब्लिशमेंट में हंड्रेड लेबर है ठीक है और मैंने सरकार को बोला सरकार आई सरकार ने कहा ये हंड्रेड लेबर है लेबर जो है ये कॉन्ट्रेक्टुअल है कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और जी ये जो बारह लेबर है ना ये कैजुअल है ये सेवनटी लेबर मेरी अपनी फैक्ट्री की है जी अट्ठारह लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है बारह कैजुअल है तो गवर्नमेंट कहती तुमने रजिस्टर नहीं कराया मैंने कहा जी अठारह तो कहती है नहीं जी नहीं ये कैजुअल है ये भी ही है और कॉन्ट्रेक्चुअल टोटल थर्टी हो गई इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अब ये डिसीजन किसका फाइनल होगा मैं कह रहा हूँ ये कैजुअल लेबर है वो कह रहे नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल है कहते हैं सर डिसाइड करेगी एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलके इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे एडवाइजरी बोर्ड है तो अप्रोप्रियट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलकर डिसाइड करेगी मतलब मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलकर डिसाइड करेगी और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलकर फाइनल डिसीजन इन्हीं का होगा यही फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन सी लेबर कैजुअल मानी जाएगी और कौन सी नहीं और अगर इन्होंने कह दिया कि कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल कौन सी नहीं कौन सी कैजुअल है कौन सी नहीं अगर इन्होंने कह दिया जी नहीं ये कैजुअल नहीं है ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल ही है तुम तो ये ये कौन सी कैजुअल है जो छह महीने से सेम आ रही है आप कह रहे हो दिहाड़ी की लेबर है ये छह महीने से वो यही आ रहा है दिहाड़ी पे अच्छा जी दिहाड़ी की लेबर तो बार बार चेंज होती रहती है तो अगर सरकार को डाउट हुआ तो सरकार इसको भी कॉन्ट्रेक्चुअल मान के बोलेगी कि नहीं जी आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थर्टी है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो कहने का मतलब क्या हुआ जी मेरी लेबर कॉन्ट्रेक्चुअल है या नहीं कैजुअल है या नहीं ये कौन देखेगा ये कौन देखेगा इस इसमें किसका डिसीजन आएगा जी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर डिसीजन देगी सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी बोर्ड के साथ मिलकर रिवीजन देगी ये बात सबको समझ आ गई बोलो जी डन 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 एब्सोल्युटली चले जी आगे तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है ये रेगुलेशन अबोलिशमेंट एंड प्रोहिबिशन तीनों की बात करता है दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है हर उस एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें 20 या बीस से ज्यादा इंप्लाइज है मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और हर वो कॉन्ट्रेक्टर जो 20 या बीस से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करना चाहता है अप्रोप्रियट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगर 20 से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या कैजुअल लेबर है, है इस पर डिसीजन किसका फाइनल होगा अप्रोप्रेट गवर्नमेंट का विद एडवाइजरी बोर्ड तो अगर अप्रोप्रेट गवर्नमेंट सी वाली है तो सीजी प्लस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट वाली है तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आपको ना इस पे केस स्टडी आ सकती है पेपर में जो आती भी है सुन लो ध्यान से इधर सुनिएगा इधर एक है कॉन्ट्रैक्टर वन एक है कॉन्ट्रैक्टर टू एक है कॉन्ट्रैक्टर थ्री ठीक है जी तीन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ठीक है सर डन अब ये तीन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इसमें इस कॉन्ट्रैक्टर के पास है बारह लेबर इस कॉन्ट्रैक्टर के पास है अट्ठारह लेबर और इस कॉन्ट्रैक्टर के पास है तीस लेबर और हम हैं एम्प्लॉयर हमने इससे ले रखी है पांच लेबर हमने इससे ले रखी इस इस है आठ लेबर ले ले और हमने इससे भी ले रखी है छ लेबर तो अब कहते हैं जी बताओ के कॉन्ट्रैक्टर वन कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर थ्री किस पे, या। होता है। sir, पे तो होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि sir, इसके बाद नहीं होगा। टू पे भी नहीं होगा क्योंकि अट्ठारह लेबर है कॉन्ट्रैक्टर थ्री पे होगा क्योंकि तीस लेबर है तो इस पे एक्ट अप्लाई होएगा अच्छा इसके अलावा एम्प्लॉयर पे होगा क्या सर एम्प्लॉयर ने ली है पांच और आठ तेरह और छीस उन्नीस लिया है तो सर इसका मतलब इस पे भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में बीस लेबर नहीं है कितने लोगों को केस स्टडी समझ आ गई बेटा कितने लोगों को केस स्टडी समझ आ गई प्लीज मुझे बताएंगे फटाफट से कॉन्ट्रैक्टर नंबर थ्री पे भी अप्लाई होगा और साथ में एम्प्लॉयर पे भी अप्लाई होगा कॉन्ट्रैक्टर नंबर थ्री पे भी अप्लाई होगा और साथ में एम्प्लॉयर पे भी एप्लीकेबल होएगा यस सर एब्सोल्युटली ये बात हमको समझ आ गई मतलब कॉन्ट्रैक्टर नंबर थ्री पे होगा एम्प्लॉयर पे नहीं होगा एम्प्लॉयर पे नहीं होगा ठीक है मैं कमेंट पढ़ रहा था एक मिनट के लिए एम्प्लॉयर पे नहीं होगा ठीक है जी डन अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल देता इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि कॉन्ट्रैक्टर फोर भी है जिसके पास चार कॉन्ट्रैक्ट लेबर है एक कॉन्ट्रैक्टर फोर है जिसके पास चार कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और ये चार कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी इम्प्लॉयर के पास ही है एक कॉन्ट्रैक्टर नंबर फोर है सर और इसके पास चार कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और ये भी आप ही के पास है अब क्या होगा सर अगर ये चार भी हमारे पास हैं तो फिर आठ और पांच तेरह तेरह और छह उन्नीस और चार तेईस अब सर टोटल हो गए तेईस हाँ जी तो हम पे भी अप्लाई हो जाएगा तो इस केस में कॉन्ट्रैक्टर वन पे नहीं होगा हो क्योंकि इसके बाद बारह लेबर है कॉन्ट्रैक्टर तुर टू पे भी नहीं होगा क्योंकि अट्ठारह लेबर है कॉन्ट्रैक्टर थ्री पे होगा क्योंकि तीस लेबर है कॉन्ट्रैक्टर फोर पे भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ चार लेबर है लेकिन हम पे जरूर होगा क्योंकि हमने सबसे मिला के बीस या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले ली है हाँ सर अच्छे से समझ गए चले आ गए डन अब इधर देखिएगा ध्यान से अब इसको देखिए ये क्या कह रहा है इसको देखिए कहता है सर हर कॉन्ट्रैक्टर जो है हर कॉन्ट्रैक्टर को जिसमें बीस या उससे ज्यादा वर्कमैन है उसको क्या लेना पड़ेगा लाइसेंस लेना पड़ेगा यस सर आपसे और कहता है सर वो मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ एंड रोल रोल एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है इंप्लॉई का नाम क्या है उसकी एज कितनी है जेंडर कौन सा है बाप का नाम क्या है एड्रेस क्या है और अगर वो बच्चा है 18 साल से छोटा है मतलब बच्चा मतलब 14 या उससे बड़ा है एडोलसेंट है लेकिन 18 से छोटा है तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस उसका लिया हुआ है क्या ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती है मस्टर रोल के अंदर होती है यस yes, सर ये वाली बात हमको अच्छे से समझ आ गई कहता है सर देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर है ना कॉन्ट्रैक्टर वो क्या करेगा वो बात बड़ी सिंपल सी है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रा वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देता है हाँ जी और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेबर को पैसे देता है लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्टर लेबर को वेजेस देगा लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या उसके एजेंट के सामने इन इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और हिज एजेंट राइट अच्छा एक बार बताऊँ मैं तनखा लेबर को डायरेक्टली तो नहीं दूंगा नहीं दूंगा मैं तनखा किसको दूंगा कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा अपने आप आगे लेबर को तनखा देगा हाँ सर ये वाली बात तो समझ आ गई कि कॉन्ट्रैक्टर अपने आप आगे लेबर को तनखा देगा अब यहां पर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सुनिएगा क्या कहते हैं सर मान लो कोई लेबर है अब अब लेबर चाहे कॉन्ट्रैक्टर की है लेकिन आती तो रोज मेरी फैक्ट्री में है वो अब लेबर जो है उसको अचानक से कोई काम पड़ गया बीमार हो गया गांव जाना पड़ गया पिताजी पिताजी बीमार हो गए तो उसको मैंने डायरेक्टली पैसे दे दिए तो क्या इंप्लॉयर डायरेक्टली पैसे दे सकता है हाँ लेकिन बाद में जब वो अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट लेबर से हिसाब किताब करेगा तो उसमें से माइनस कर लेगा तो अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने लेबर को डायरेक्टली कोई वेजेस दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर में से एडजस्ट कर सकता है री या एडजस्टमेंट कर सकता है

फोर में है काम क्या है ये सीजी को एडवाइस करती है एल को एडवाइस करती है ये वो काम करेगी जो सीजी बोलेगी ये वो काम करेगी जो एसटी बोलेगी तो कहना ही से सर बड़ा बेसिक सा दे रखा है हमारे कोर्स में कि दो एडवाइजरी बोर्ड है एक सेक्शन में और एक सेक्शन फोर में है सेक्शन फोर में जो है वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है सर ये भी नकली सा क्वेश्चन है पेपर में आने वाला है नहीं ठीक है जी अब हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले अपने एकदम असली क्वेश्चन पे सबसे पहले हमारा सबसे बढ़िया जो मेन क्वेश्चन है पहले उस उसपे आते हैं ये वाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा प्लीज क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को प्लीज 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 बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई इसमें जितने इंपॉर्टेंट लगा लो ना उतने कम है और इस क्वेश्चन को प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखिए कहते हैं सर एक ना एम्प्लॉयर है ठीक है एक एम्प्लॉयर है इस एम्प्लॉयर की जो फैक्ट्री है इसकी फैक्ट्री में 500 रेगुलर लेबर है अपनी लेबर है ठीक है और मान लेते हैं कि 100 लेबर है 100 है ठीक 100 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसकी फैक्ट्री में 500 रेगुलर लेबर है और 100 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ठीक है अब जो गवर्नमेंट है अप्रोप्रियट गवर्नमेंट अप्रोप्रियट गवर्नमेंट जो सेंट्रल या स्टेट होती है आपको पता है उसने इनको बोला कि अब हम अबॉलिश कर रहे हैं यानी कि अब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलाउ नहीं कर रहे ठीक है जी अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपको अलाउ नहीं कर रहे ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है तो इस एम्प्लॉयर ने क्या किया इस एम्प्लॉयर ने इस हंड्रेड कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बोला टाटा बाय बाय ओके बाय बहुत अच्छा रहा तुम्हारे साथ काम करना तुम्हारे साथ हमने दो साल काम किया बहुत मजा आया बाय बाय अब ये सो लेबर कह रही है जी बाय बाय मतलब वो कह रहे थी मतलब आप मेरे यहाँ काम कर रहे थे सरकार ने बोला कि मेरे प्रकार की इंडस्ट्री में अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर अप्लाई नहीं होता है तो इसलिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलाउड नहीं होगी तो उन्होंने कहा जी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलाउड नहीं होगी तो हम क्या करें बोले हम क्या करें मतलब

वो होता है ना आपका जो चेकलिस्ट टाइप होती है या समरी होती है वहाँ पर आपको ये वाला नाम मिल जाएगा अब पता नहीं क्यों नहीं दे रखे लेकिन पेपर में सारे आते हैं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सर क्वेश्चन समझ गए आफ्टर इफेक्ट ऑफ अबॉलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो मेरे को जल्दी से बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ आया सबको कि सर क्या हमारी फैक्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी सरकार ने हमको मना कर दिया तो क्या सरकार के मना करने के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसको रखना पड़ेगा या हम उसे मना कर सकते हैं आर वी क्लियर विद द क्वेश्चन बेटा बोलो जी क्या हम सब लोगों को क्वेश्चन क्लियर है क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा कह रहा हाँ सर लास्ट में ग्लॉसरी में दिया हुआ ये ग्लॉसरी में दिया हुआ ये लास्ट वाला केस तो क्वेश्चन हम सबको समझ आया कि सर क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारे लिए हमारी फैक्ट्री में थी सरकार ने मना कर दिया अब क्या करें तो पहला केस हुआ दीनानाथ वर्सेस नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1991 में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन नॉट बी एनफोर्स टू एब्जॉर्ब कॉन्ट्रैक्ट लेबर जायज़ है मैं भी इसका साथ देता हूँ कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसकी मर्जी है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एब्जॉर्ब करना चाहे रेगुलर लेबर की तरह तो बात ठीक है नहीं करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते फिर इसके बाद बात आई गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हिंद मजदूर सभा और ये 1995 में आया इन्होंने भी दीनानाथ वाला ही केस का जजमेंट फॉलो किया कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी मर्जी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की मर्जी है आप उसको कंपेल नहीं कर सकते आप उसको फोर्स नहीं कर सकते य yes, सर वाली बात समझ आ गई हमको इसके बाद यहां पर एक केस आई केस आया एयर इंडिया स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू एब्जॉर्ब कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहना ही से भाई इन्होंने तो जज्बात बदल दिए हालात बदल दिए बोला नहीं जी आपकी ऑब्लिगेशन आपको तो एब्जॉर्ब करना ही करना पड़ेगा यार ऐसे थोड़ी होता है

और इन्होंने इसको भी और ये एच एस भी दोनों को इन्होंने ओवर रूल कर दिया ओवर रूल कर दिया इसका मतलब ये दोबारा से किस जजमेंट में चले गए मतलब, और अगर आज हम देखें तो करंट स्टेटस क्या है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन नॉट बी ऑर्डर्ड टू एब्सोर्व कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट तो अगर आपके पेपर में बेटा ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये वाली जजमेंट कोर्ट करनी है कि भाई अगर मेरी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी और सरकार ने मना कर दिया कि अब मेरी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं हो सकती है तो अगर सरकार ने मना कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन सरकार के मना करने के बाद मुझे दबाव नहीं डाला जा सकता कि आपको तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखनी ही रखनी पड़ेगी नहीं जी मैं नहीं रखता मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलर की तरह एब्जॉर्ब नहीं करता मेरी मर्जी है मैं करना चाहू करू नहीं करना चाहू ना करू मुझे कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती तो ये सेक्शन टेन है आफ्टर इफेक्ट ऑफ एबॉलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक बार प्लीज इसको दोबारा से देख लो हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी होनी चाहिए ची, चीजें याद होनी चाहिए मैंने याद किया हुआ है कि दीना नाथ जो है वो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी में काम करते थे फिर फ्लाइट पकड़ के वो हरियाणा आ गए और फिर हरियाणा के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को उन्होंने ज्वाइन कर लिया मैंने ऐसे याद किया हुआ दीना नाथ गुजरात में काम करते थे फिर एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ के हरियाणा आ गए और फिर हरियाणा से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऐसे मैंने इन पांच सेस के नाम याद हैं एक बार प्लीज आप इसको ढंग से देख लीजिए फटाफट से देखो फटाफट से देखो बेटा फटाफट से देखिए जी आगे चले मुझे एक बार कमेंट में डन देन बोल देना या ओके बोल देना या थम्स अप कर देना सो दैट मैं समझ जाऊं कि आ गया समझ चले आ गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जजमेंट था बेटा लास्ट जिसके अंदर इन्होंने बोला कि नहीं जी जो एयर इंडिया स्टैट्यूटरी और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जजमेंट आई है वो ठीक नहीं है एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है उस पे कोई कंडीशन नहीं है एम्प्लॉयर की मर्जी है वो वो एक्सेप्ट करे या ना करे अबोलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एब्सॉर्ब करना चाहे रेगुलर लेबर की तरह तो उसकी मर्जी है आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते यस सर एब्सोल्युटली डन अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है अब यहां पर देखिए एक सेक्शन है ये इसको देखिएगा इस डायग्राम को इस डायग्राम में आपके सेक्शन नंबर छह सात आठ नो कवर हो जाते हैं छे सात आठ नो को ध्यान से देखिएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट

कौन सी एस्टेब्लिशमेंट जिसपे ट्वेंटी और मोर वर्कमैन है पांच सौ रुपए तक पर्सन होगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर लेबर पर पर, पर फीस उतनी कम होती रहेगी और फिर कहता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स क्या कह रहा है सरकार ने रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया सेक्शन सेवन क्या कह रहा है हम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास गए और हम रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाके हमने उनसे रजिस्ट्रेशन ले ली ठीक है जी सर्टिफिकेट ले लिया सेक्शन एट क्या कह रहा है सेक्शन एट कह रहा है सर अगर कल को हमने कुछ गलत किया हमने फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखी ही नहीं हुई कई बार लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ना रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखते सिर्फ उसका खर्चा मानी दिखाते रहते हैं नकली में खर्चे दिखाने के लिए तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपका सर्टिफिकेट रिवोक हो जाएगा और रिवोक करने से पहले अप्रोप्रियट गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा रिवोक करने से पहले गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा इसके बाद कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं कराया तो तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेवल नहीं रख पाएंगे मोर देन ट्वेंटी ट्वेंटी और मोर है ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख पाएंगे ट्वेंटी और मोर बीस से कम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपको रखनी पड़ेगी तो फटाफट से मेरे को बोलेंगे बेटा ऑल ऑफ यू सेक्शन क्या बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैसे अपॉइंट होगा सेक्शन सेवन क्या बोल रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को हम फीस पे करेंगे बीस से पांच सौ पर पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिपेंडिंग अपॉन जितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज्यादा होंगे पर पर्सन फीस उतनी कम हो जाएगी फिर हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा सेक्शन एट क्या कहता है गवर्नमेंट से पूछ के रिवोक किया जा सकता है अगर हम उसे इनफेक्टिव करें मिस रिप्रेजेंटेशन कर

कि रजिस्ट्रेशन मेरे पास है लेबर आपको चाहिए मैं अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्टर से दिलवा रहा हूँ और बीच में से मेरा कट ले रहा हूँ तो ये सब गलत है सरकार इस केस में आपका जो सर्टिफिकेट है उसे रिवोक कर सकती है और लास्ट में क्या कह रहा है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो तो आप 20 से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो रख सकते हैं लेकिन 20 या 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप नहीं रख सकते एनी डाउट इन दिस बोलो जी किसी को भी कोई डाउट बेटा इसमें बोलो जी किसी को भी इसके अंदर कोई भी डाउट बेटा नो डाउट जी क्लियर है चले आगे नो डाउट यस सर सेक्शन नंबर सिक्स सेवन एट नाइन भी हमको अच्छे से समझ आ गया राइट right, बच्चा कह रहा है सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा हमने बहुत सारी जगह पे डाले हुए नोट्स यहाँ तक के इसी लेक्चर में शायद डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक मिल जाएगा हाँ जी तो अब चले आगे यस सर एब्सोल्युटली अब ऐसा ही कुछ ना तो ये सेक्शन सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमें याद हो गया सिक्स है अपॉइंटमेंट ऑफ आरोप है हमने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन मिल गया एट है रिवोक हो गया नाइन है बिना रजिस्ट्रेशन के हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज्यादा नहीं रख सकते और ज़्यादा मतलब बीस या उससे ज़्यादा बीस से कम तो रख सकते हैं और सेक्शन टेन हो गया आफ्टर इफेक्ट ऑफ एबॉलिशमेंट अब यहाँ आते हैं सेक्शन नंबर ग्यारह से पंद्रह ये देखिएगा ध्यान से ये है सेक्शन नंबर ग्यारह से पंद्रह देखिए ये क्या कह रहा है

इसके अंदर लिखा जाएगा कि आप आप कितनी वेजेस देंगे कॉन्ट्रैक्टर कितनी वेजेस देगा लेबर को कितने घंटे काम कराएगा क्या क्या अम्युनिटी प्रोवाइड करेगा अब अम्युनिटीज की बात कर लो कॉन्ट्रे इधर सुनेगा ध्यान से इधर कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी होती है अपनी लेबर को अम्युनिटीज देना प्रिंसिपल इंप्लायर की नहीं होती मतलब मतलब आपने अपनी लेबर को बोला उसकी फैक्ट्री में चले जाओ अब उसकी फैक्ट्री में वॉशरूम है तो अच्छी बात है नहीं तो आपको उसकी फैक्ट्री के बाद वो मोबाइल

मेरे रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस मिला हुआ है तो मेरी जगह आप अपने रेस्टोरेंट में वो लाइसेंस दारू नहीं मिला सकते मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं मुझे लाइसेंस मिला हुआ हु, जिससे नहीं लिया हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता ले, ले, कर, ऐसा नहीं होता। का मतलब ही क्या होता है लाइसेंस का मतलब होता है एक ऐसा परमिशन सरकार का जो आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स को देख के मिला है क्योंकि ये आपके पर्सनल मिला है तो कभी भी ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो याद रखिएगा लाइसेंस किसी भी कानून में हो किसी भी चीज का हो लाइसेंस लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल याद रहेगी बेटा बात लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल किसी भी चीज का लाइसेंस हो किसी भी कानून में हो वो कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होता फिर चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट दो हो या वो लीकर से रिलेटेड हो किसी भी चीज का हो यस सर एब्सोल्युटली अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 12 और 13 जो है वो सेक्शन 7 से कैसे अलग हो जाता है सेक्शन 7 में ही दोनों चीजें थी कि हम अप्लाई भी करेंगे और हमें ग्रांट भी होगा यहाँ अलग है अप्लाई का सेक्शन 12 है और ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस का सेक्शन 13 है और कहता है ये लाइसेंस जो है 12 महीने तक वैलिड रहेगा ये कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है हो सकता है सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर में कोई कंडीशन ना लगाई हो सकता है सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर में कंडीशन लगाई हो तो आप ध्यान से देखिए इधर ये देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो देखिए सेवन में दोनों चीजें थी बेटा देखिए अप्लाई भी हम सेवन में ही कर रहे थे और सर्टिफिकेट भी हमें सेवन में ही मिल रहा था राइट ले और एट में रेवोकेशन हो रहा था जबकि आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं ट्वेल्थ के अंदर और हमको जो लाइसेंस मिल रहा है वो में मिल रहा है और यहाँ कब हो रहा है रिवोक हो रहा है में जैसे वहां रिवोक हो रहा था यहाँ भी रिवोक हो रहा है ये डायग्राम ऐसे है मिक्स मत करना ये डाइग्राम देखिए ये यह चार्ट से आ रहा है ठीक है तो फोर्टीन सेक्शन किसका हो गया रेवोकेशन सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट का कि क्या लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है क्या लाइसेंसिंग ऑफिसर जो है वो भी इस लाइसेंस को जो लाइसेंस है इसको रिवोक कर सकता है हंजी ऑपरचुनिटी हो, करके कर सकता है एक बच्चा कह रहा है सर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लाइसेंस पढ़ाया था वहां पर अपने लाइसेंस में बहुत अच्छे से हमें सारी बातें बता रखी है यस इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेक्शन 15 में अपील की बात कर रहा है आप एक बार बताओ मैं एकमेंट एक हूँ या मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ अगर मैं तो मैं आर से दुखी हूं अगर मैं, अगर मैं तो मैं एलओ से दुखी हूँ को? को और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता है लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास तो ये दोनों चीजें अलग अलग है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हुए आपको दिमाग में आर रखना है और वहां से कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में रखते हुए आपको एल की बात करनी है तो देखिए इधर अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट दुखी है आर ओ से या कोई कॉन्ट्रैक्टर दुखी है एल ओ से तो वो अपेलेंट ऑफ ऑफिसर के पास जा सकते हैं विद इन डेज डेज प्लस कॉज अगर 30 से आप लेट हुए तो क्या जेनुअन रीजन है लेट आने का वो भी आप बता सकते हैं तो हाँ सर ये बात हम सब लोगों को अच्छे से याद हुई और अगर मैं यहाँ पर बोलू आपको कि मेरे को एक बार फटाफट से, से सेक्शन नंबर्स याद कराओ तो देखो सेक्शन सिक्स क्या कह रहा था सर आर होगा सेवन क्या कह रहा था सेवन्थ सर आर के लिए आर अपॉइंट होगा तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी आठ क्या कह रहा था आठ कह रहा था रेमशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नौ क्या कह रहा था सर अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो हम कॉन्ट्रैक्ट लेवल ट्वेंटी से कम ही रख सकते हैं ट्वेंटी और मोड नहीं रख सकते दस क्या कह रहा था अबॉलिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर ग्यारह क्या कह रहा था सर जैसे आर अपॉइंट हुआ ना सेक्शन सिक्स में वैसे ही सेक्शन नंबर एलेवन में एल अपॉइंट हुआ बारह क्या कह रहा था आप अप्लाई कीजिए तेरह क्या कह रहा था आपको लाइसेंस मिल जाएगा जो एब्सलूट या कंडीशनल हो सकता है और जो लाइसेंस मिलेगा वो बारह महीने के लिए वैलिड है सर ये लाइसेंस जो है ये मिलेगा ये, ये आप अप्लाई कीजिए और आपको मिलेगा ये सेक्शन सेवन से डिराइव हो गया सेक्शन सेवन क्या कह रहा था आप सेक्शन सेवन में ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तो मिल भी थी। यहां क्या है? बारह में अप्लाई करोगे तेरह में मिलेगी तो सेक्शन सिक्स सेक्शन इलेवन के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और सेक्शन सेवन ट्वेल्व और को कर रहा है सर सेक्शन एट रेवोकेशन वाला था हाँ जी यहाँ पर भी सेक्शन फोर्टीन जो है वो रेवोकेशन वाला है तो एट और फोर्टीन ये वाले ये एक जैसे हो गए समझ लो सिक्स एंड इलेवन एक जैसे हैं सेवन के बेसिस पे बारह और तेरह हैं आठ और चौदह एक जैसे हैं और इसके बाद पंद्रह क्या कह रहा है सर पंद्रह बिल्कुल अलग बात कर रहा है अपील की बात कर रहा है और ये अपील दोनों केसेस में है ये अपील आर के अगेंस्ट भी, भी है और एल के अगेंस्ट भी है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी मिली है अपील और एक कॉन्ट्रैक्टर को भी मिली अपील तो सेक्शन पंद्रह जो है ना वो दोनों से डील कर रहा है तो कितने लोग कहते हैं सर हाँ हमें सेक्शन नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन याद हो गए छह क्या बोलता है आर ओ सात क्या बोलता है अप्लाई करो रजिस्ट्रेशन ले लो फीस दे दो बीस से पांच सौ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर

यस सर आपसे तो एक बार मुझे फटाफट से बोलेंगे कि हाँ सर ये बात हमें याद हो गई है तो फिर हमें सर जो है और तीन और चार हमने पढ़ी लिए और इसके बाद जो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी वाला वो भी हमने पढ़ लिया तो अगर हम ये आदा अपनी लिस्ट पे जो हम बार बार आ रहे हैं फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं तीन हम पढ़ चुके हैं चार हम पढ़ चुके हैं और तीन और चार के अलावा हम छत आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यहां तक हम बढ़ चुके हैं तो फटाफट फड़ से एक बार इस लिस्ट को देखो पता है आपको जब मैं अपने टाइम में एग्जाम पेपर में रिवाइज करता था ना एग्जाम टाइम पे तो मैं इंडेक्स इंडेक्स देखता था मैं सिर्फ इंडेक्स देखता था और इंडेक्स देखने के बाद मैं कहीं पर भी मैं खुद ही बोलता रहता था अच्छा इसका ये मतलब है इसका ये, और जहां मैं अड़ जाता था वहां मैं अंदर खोल के चार्ट देखता था और जहाँ चार्ट भी समझ नहीं आता था वहां थियरी देखता था भाई एक बात बताओ ना मॉड्यूल में तो इंडेक्स दिया नहीं होता मैं खुद इंडेक्स बनाता था खुद चार्ट्स बनाता था राइट और उसके बाद फाइनली फिर मैं बार बार थियरी थोड़ी पढ़ूंगा अगर मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है तो मैं क्या करता था रिवीजन इंडेक्स से ही करता था इंडेक्स में कहीं अड़ा तो चार्ट देखूंगा चार्ट में कहीं अड़ा तो लॉन्ग नोट में अड़ूंगा देखूंगा एक बार प्लीज इसको फटाफट से देख लो कोई डाउट है यहां तक तो मेरे से पूछो नहीं तो हम आगे चले फटाफट से देखिए कोई डाउट है तो पूछिए नहीं तो आगे चले डन सर नो डाउट ठीक है जी डन जितने भी एक्सी के बच्चे हैं ना मैं उनको बता दूं ये उनका प्रोफेशनल का भी अस्सी नंबर का पेपर कवर हो रहा है जब आप प्रोफेशनल में जाओगे थैंक यू मेरे को बाद में बोल देना आप चाहो तो प्रोफेशनल का मॉड्यूल खोल लेना यही सारी चीजें एड दी गई है प्रोफेशनल में मॉड्यूल टू के अंदर सिवाय लेबर लॉ के कोई और पेपर आप चूज मत कीजिएगा कोई फायदा नहीं है उसका तो सारा लेबर लॉ मैंने आपको करा दिया तो सेंस नहीं बनती है अब इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है अब हम चलते हैं इसके आगे इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट अब हम आ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर सोलह ऑनवर्ड्स ये देखिए बेटा ये आगे हम सेक्शन नंबर सोलह ऑनवर्ड्स आधा भाई आधा 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 ये अब इसको देखिए ध्यान से सोलह से इक्कीस अब हमें देखना है हमको क्या देखना है सोलह से इक्कीस देखिए क्या कह रहा है सर ये बताओ कि आज आप आप लोग मेरे को टाइम दे रहे हो आई होप के इस टाइम का मैं पूरा जस्टिफिकेशन आपके साथ कर पा रहा हूं आई होप के मैं इस टाइम का पूरा जस्टिफिकेशन आप लोगों के साथ कर पा रहा हूं राइट चले आगे डन डना डन डन सर चलो सर चलो जी हाँ जी अब देखिए बेटा ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा रहा सर welfare and health of contract अब contract की welfare और health की और बात कर रहा है Section 16 से लेके 21 तक पढ़ना है हमने इसमें ध्यान से देखेगा। Section 16 से 16 21 तक सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले कह रहा है कि जहां पर भी सौ या सौ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगी वहां कैंटीन रखना जरूरी है कैंटीन रखना कहां जरूरी है जहां पर सौ या सौ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर होगी वहां कैंटीन होना जरूरी है अब मैं आपको एक चीज बता दू जब आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हो ना फैक्ट्रीज एक्ट तो फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट बात करता है कोई भी फैक्ट्री जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉय हैं टू फिफ्टी तो वहां कैंटीन रखना जरूरी है तो याद रखेगा टू फिफ्टी वाली चीज कहाँ है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जबकि हंड्रेड वाली चीज कहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर क्या है कि अगर आपकी फैक्ट्री में सौ या सौ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो कैंटीन होनी चाहिए ठीक है जी डन वहां है 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 इसके बाद कहता है, रेस्ट रूम होना चाहिए कब रेस्ट रूम ना पहली बात तो टॉयलेट नहीं होता है मैं कई बार बोलता हूँ हम ना रेस्ट रूम को टॉयलेट मान लेते हैं एक तो ये मॉल्स ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है टॉयलेट अलग होता है वॉशरूम अलग होता है रेस्ट रूम अलग होता है याद रखिएगा देखो टॉयलेट वो होता है जहां पर आप जाके सीवेज वाला काम करते हो है ना पर जाके आप आप सुबह जब फ्रेशन अप होने जाते हो तो आप जब टॉयलेट यूज़ करते हो वॉशरूम होता है जहां पर आप अपने कपड़े वगैरह धो सकते हो रेस्ट रूम होता है जहां पर आप थोड़ी देर जाके अपनी कमर सीधी कर सकते हो लेट सकते हो मंजी बेड चारपाई या कुछ आपका कुछ भी आपका सोफा वगैरह पड़ा हो अब आप देखो आप, आप मॉल में जाते हो तो मॉल में जाके रेस्ट रूम लिखा होता है भाई तुम कौन सा रेस्ट करते हो पे कभी देखा है किसी को आ, आप आप मॉल में वॉशरूम गए और बंदा नीचे लेटा हुआ आराम कर रहा है ऐसा नहीं होता यार तो टॉयलेट अलग है वॉशरूम अलग है रेस्ट रूम अलग है रेस्ट रूम एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा अगर वो अपनी लेबर को हॉल्ट करवाता है एट नाइट अगर वो अपनी लेबर को भी रेस्ट रूम दिया हुआ। मतलब मेरे में यहां पर चार कमरे हैं इम्प्लॉइज है तकरीबन आठ और मैंने यहाँ पर एक रेस्ट रूम दे रखा है क्योंकि जनरली आप लेबर से या इंप्लॉय से आठ घंटे काम कराते हो और आप नौ घंटे भी करा सकते हो एज पर फैक्ट्रीज आठ हमारे ऑफिस में तो कभी कभी बारह घंटे भी काम हो जाता है या सुबह छह बजे को बुला लिया था तो तो दोपहर तो को सोने के लिए हाँ उसमें मसाज वसाज सब कुछ होती है और बटन दबाओ लेट जाओ आपकी पूरी बॉडी मसाज हो जाएगी अच्छा सा इतना अच्छा बेड मैंने अपने घर में नहीं लगा रखा जितना मैंने ऑफिस में लगा रखा है तो वो क्या है वो रूम वो इट्स काइंड ऑफ रूम अगर रात को रहना हो तो इसके बाद क्या है और और तो कई बार क्या होता है तो क्या दिक्कत है तो सेक्शन 16 क्या कहता है कैंटीन 17 क्या, क्या कहता है रेस्ट रूम अट्ठारह क्या, क्या कहता है सर आपको पीने का पानी मिलेगा आपको टॉयलेट्स मिलेंगे आपको वॉशिंग फैसिलिटी मिलेगी देखो आगे ना वही वाली बात यहाँ रेस्ट रूम दिया गया है टॉयलेट अलग है देखो ये टॉयलेट है ये टॉयलेट्स है और ये क्या है ये वॉशिंग वॉशरूम्स हैं वॉशिंग एरिया है तो यही तो मैं भी आपको बोल रहा था कि आपको पीने का पानी आपको टॉयलेट आपको वॉशरूम रेस्ट रूम सब हाँ अलग अलग मिलेंगे और इसके बाद कहता है फर्स्ट एड अगर आपको कोई चोट वोट लग जाती है तो आपके लिए फर्स्ट एड किट वगैरह भी होनी चाहिए तो मैंने पता है कैसे रखे हुए हैं बच्चा कह रहा है सर आपके एम्प्लॉइज के बजाय एक बार तो क्या हुआ था एक उन को रखा हमने नया नया पियन का रखा तो मैं बेल मारूँ तो स्टाफ आए तो मैंने कहा पियून कहा है सर वो सो रहा है कहा है फिर मेरी क्लास खत्म हुई मैंने देखा तो वो भाई साहब तीन घंटे से बेड पे सो रहा और मैंने कहा यार चलो थका होगा बेचारा पहला दिन है फिर उसके बाद अगले दिन देखा फिर वो आए रोज सफाई करें चार पांच घंटे के लिए सो जाए बाद में पता चला बहुत जी कहीं और चौकीदार का, का काम करते हैं यहां पर आके सोते हैं है। कहा यार तेरे को सोने के लिए थोड़ी बुलाया हुआ बाई किया उसको दो दिन के अंदर नहीं साहब आप मेरे को थोड़ी कम सैलरी दे दो लेकिन मेरे को यही रहना है क्यों क्योंकि मेरे को सर रेस्ट मिल जाता है सॉरी मैं बेल मारता हूँ स्टाफ आता है उठ के काम दे रहा है तो कैसे का मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनेगा प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनेगा तो फर्स्ट एड जो है सेक्शन 19 अब इसको याद कैसे करेंगे सुनिए एम्प्लॉय आया एम्प्लॉय ने खाना खाया अब खाना खाने के बाद आप थोड़े से थक जाते हो ना अंगड़ाई थक गए यार थोड़ा सा आराम चाहिए चलो जी खाना खाने के बाद आपने आराम कर लिया अब आराम कर लिया अब उसके बाद क्या हुआ चले यार काम पे चलते हैं अब आराम भी हो गया चले शुरू करते हैं यार एक काम करते हैं फ्रेश हो जाते हैं पहले है ना खाना भी खा लिया आराम भी कर लिया मुंह हाथ धो लेते हैं पानी पी लेते हैं चलते हैं काम करने अब आप जा रहे थे तो एकदम से आपको चोट लग गई कुछ पैर पे पैर मुड़ गया या कुछ चोट लग गई और अब आपको फिर इलाज विलाज बैंडेज वैंडेज बांधने लग मतलब इन शॉर्ट आपको काम नहीं करना और ऐसा मेरे ऑफिस में हुआ था मैंने आपको बताया था मेरे ऑफिस में क्या हुआ था एक एम्प्लॉई आया था एक एम्प्लॉय यही पियून जिसकी मैं बात कर रहा था अभी वो आया वो बाबू ने क्या किया आया आने के बाद अपना किचन में चाय वाय बनाई सबकी उसके बाद सो गया सोने के बाद वॉशरूम में गया वॉशरूम में गया उसके बाद आया तो मैंने कहा यार थोड़ा सा फ्रूट काट दे मेरे लिए लंच ब्रेक में फ्रूट काटने लगा उसके हाथ में उंगली रहा उगलेगा मेरे दर्द हो गई बैंडेज लगाई तीन घंटे के लिए सो गया मैं का, भाई इसका इसके साथ इससे ना हो पाएगा तो वो वाली कहानी ना मुझे यहाँ याद है कि पहले उसने आके इम्प्लॉय की चाय बनाई कैंटीन मतलब एंट्री में चाय बनाई फिर उसने कहा जी मैं थक गया थोड़ी देर सो गया वो फिर उसके बाद उसने फ्रेशन अप होके मेरा फ्रूट काटा सेब हल्की सी उसके चक्कू लग गया फिर उसने दोबारा तीन घंटे सो गया वो तीन घंटे सो गया तो ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है पहले वो इंप्लॉय आया था उसने कैंटीन में बैठा फिर उसके बाद वो रेस्ट रूम गया फिर उसके बाद उसने रेस्ट रेस्ट करने के बाद उसने कहा चल फ्रेशन अप होके अब मैं काम करता हूँ और फिर उसको चोट लगी और फिर वो फर्स्ट एड किट लेके दोबारा से सो गया सेक्शन नंबर ट्वेंटी क्या बोलता है सुनिए सेक्शन नंबर ट्वेंटी बोलता है कि सारी की सारी जो फैसिलिटीज है कैंटीन रेस्ट रूम वॉशरूम टॉयलेट फर्स्ट एड ये सब पैसे तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करता है हाँ लेकिन कहता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऑफिस में ही होती है ना यहाँ लेकिन कहता है सर लेबर के लिए तो कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है लेबर के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्टर की देखिए इधर इफ अब फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्टर ये ये सारी 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 देगा देगा हाँ जी principal की की गलत है पे principal employer ये सारी की सारी facilities देगा? हाँ. और कहता है फिर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो वो पैसे दे रहा है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर लेगा देखो क्या कह रहा है लैंग्वेज पढ़ लो एक बार पूरी लैंग्वेज पढ़िए देखिए क्या कह रहा, कह रहा है इफ अब फैसिलिटीज

डेट है बाद में टू बी बाय भाई तेरे को पैसे देने उसमें से काट लेंगे अच्छा तेरे को पैसे बनते ही नहीं एडवांस से होगा तेरे को तो तेरे से ले लेंगे टू बी रीम बाय कॉन्ट्रैक्टर टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू बी री बाय कॉन्ट्रैक्टर टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सर yes, ये वाली बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई डन डराडन डन तो मेरे को फटाफट से बताइएगा सेक्शन नंबर सोलह से लेके क्या सेक्शन नंबर बीस तक हमको याद हो गया हाँ सर याद हो गया पहले यहाँ लिख लेते हैं सर सेक्शन सोलह है कैंटीन का सर सत्रह है रेस्ट रूम का अट्ठारह है सर वो पीने का पानी धोने का पानी और कपड़े साथ धोने का पानी सर उन्नीस है फर्स्ट एड और बीस है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं पूरी करता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो वो फैसिलिटीज देगा और सारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर से काट लेगा और अगर कोई पेमेंट उसकी बची नहीं है देनी नहीं है तो उससे एज अ As a of expenses, ले लेगा तो सोलह सत्रह अठारह उन्नीस सर एब्सोलूटली अंजलि कह रही है कि सर वो कॉन्ट्रेक्टर जो है वो कैंटीन कैसे लगा के देगा जैसे आपके स्कूलों में नहीं होता था याद करो स्कूलों में को स्कूल वालों की कैंटीन थोड़ी होती है वो आउटसोर्स करी होती है ना उन्होंने उसी तरीके से जो कॉन्ट्रेक्टर है वो कैंटीन लगा के देगा सिंपल

सोलह से लेके बीस तक समझ आ गया आवाज करो तो आगे चले देखो जी चले आगे हां जी सर चलो आगे हाँ जी सर आ गए सारे लोग वापस अब देखो जी क्या कह रहा बेटा ध्यान से प्लीज इधर अब यह है सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन इस सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन को बहुत ध्यान से देखेगा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन ट्वेंटी वन को लेके कुछ चीजें पेपर में आती हैं सबसे पहली बात तो सेक्शन ट्वेंटी वन में चार सबसेक्शंस हैं जो आपको ध्यान से करने हैं चार सबसेक्शन पहला क्या कहता है देखिए ये है वेजेस से रिलेटेड बात और हमारे देश में जहां पर भी पैसे से रिलेटेड बात आती है ना वो भी गरीब आदमी की लेबर के पैसे की बात तो सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है सबसे पहले क्या कह रहा है कंप्लेट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉपर वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये देख रहे हो कि अगर अगर तो आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर लेबर को पूरे पैसे नहीं दे रहा तो उसको लेके जो कंप्लेंट है वो की जा सकती है ये बात सबको क्लियर है बेटा बोलो जी बोलो जी ये वाली बात क्लियर है सबको बोलो जी क्लियर है बेटा सबको कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर को पूरे पैसे दे रहा हूँ लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पूरे पैसे नहीं दे रहा तो उस केस के अंदर बेटा कंप्लेट की जा सकती है अब क्या कह रहा है देखिए कह रहा रहा है है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव सर ये कौन सा की बात कर देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगा और कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पैसे देगा या तो या तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सामने या उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने देखो ये बात वही लिखी है Contractor shall pay wages to contract labor. इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आगे ना वही वाली बात के या तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सामने दोगे या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव के सामने दोगे तो सेक्शन 21 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को पूरी पैसे नहीं दे रहा तो उसकी कंप्लेंट कैसे लॉज होगी 22 क्या कह रहा है कि सर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा 21 सब सेक्शन 2 और 21 सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वेजेस पे करेगा वो वेजेस कैसे पे करेगा बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वेजिस कैसे पे करेगा वो वेजिस पे करेगा या तो प्रिंसिपल के सामने या उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने यहां तक बात समझ बेटा चले जी चले जी आगे यस सर एब्सोल्युटली तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है पहला हो गया कंप्लेट का दूसरा क्या हो गया प्रिंसिपल इंप्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा तीसरा क्या हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसके सामने या उसके रिप्रेजेंटेटिव के सामने कॉन्ट्रैक्टर वेजिस पे करेगा अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है ये वही वाली बात जो मैंने मैंने आपको बोली थी अगर कॉन्ट्रैक्टर 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 अनेबल है टू मेक टाइमली वेजेस को को पैसा दिया लेकिन लेबर दे नहीं रहा या कम पैसे दे रहा है तो मेरी ड्यूटी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो पूरा पैसा दे और फिर जो बैलेंस अमाउंट है या तो वो कॉन्ट्रैक्टर से डिडक्ट कर ले और अगर कोई डिडक्शन नहीं बचती है सारा पैसा दे रखा है तो वो अमाउंट जो है एक तरीके से डेट माना जाएगा और आप कॉन्ट्रैक्टर में केस करके रिकवर कर सकते हो एम आई क्लियर विद दिस बच्चे समझ आ गई बेटा बात सबको बोलो जी यहां तक सबको क्लियर है बच्चे सेक्शन 21 में चार सब सेक्शंस हैं अमित सर एक बार दोबारा से बता दो 21 सब सेक्शन 1 बात करता है कंप्लीट की

डन 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 अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान से अब देखिए ये आगे क्या बोल रहा है चले जी देखिए पेनल्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सेक्शन 22 तेईस चौबीस में पेनल्टी दी गई है और ये पेनल्टी आपको याद करनी है बिल्कुल याद करनी है आगे भी कुछ पेनल्टीज और दी गई हैं लेकिन पहले आपको 22 तेईस चौबीस वाली पेनल्टी याद करनी है इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज

आपने इस एक्ट को या इसके रूल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रूल्स जैसे कंपनी लॉ में होते हैं हाँ, वैसे रूल्स भी हैं अगर आपने उनको थोड़ा तीन महीने तक का जुर्माना या हजार रुपए तक का फाइन या दोनों प्लस एडिशनल फाइन सौ रुपए पर डे जब तक आप डिफॉल्ट करते हो मान लो कोई चीज है जो आपको दस दिन में कर दी थी आपने दस दिन की जगह तेरह दिन में करी तो आपको तीन महीने की जेल हजार रुपए का जुर्माना और तीन दिन आप लेट हुए तो तीन सौ रुपये का फाइन एक्स्ट्रा लग सकता है और अगर आपने अगर कहता है आपने कोई और सेक्शन तोड़ा तो इन दोनों के अलावा कुछ और सेक्शन तोड़ा तो तीन महीने तक का जुर्माना हजार रुपए का फाइन या दोनों मैंने बताया कैसे याद किया वो मैं बताता हूँ देखो इधर इधर क्या है तीन महीने तक का जुर्माना और पांच सौ रुपए इधर क्या है तीन महीने का जुर्माना यहाँ से आया और हजार रुपए इधर क्या है तीन महीने का जुर्माना और हजार रुपये ये यहाँ से आया और साथ में सौ रुपये पर डे फाइन मैंने ऐसे याद किया हुआ है सबसे कम पेनल्टी सेक्शन बाईस में है उसके बाद चौबीस में उससे ज़्यादा और तेईस में सबसे ज्यादा है अगर आप ध्यान से देखे दो मैं दोबारा से बता रहा हूँ अगर आपने इंस्पेक्टर को अगर आपने इंस्पेक्टर को अंदर नहीं आने दिया तो तो आप पे पेनल्टी लगेगी अगर आपने इंस्पेक्टर को अंदर तो आने दिया लेकिन बुक्स नहीं दिया तो भी पेनल्टी लगेगी कितना तीन महीने या पाँच या दोनों उधर क्या कह रहा है कि अगर आपने अगर आपने कोई और सेक्शन तोड़ा थो, तो तो कहता हैं तीन महीने हजार या बोथ अगर आपने कोई एक्ट एक्ट और प्रोविजन का तोड़ा या रूल तोड़े थो, रूल थो। तो रूलोन महीने सौ लगेगा यस सर ये बात हमें समझ आ गई अभी देखिएगा ये, ये रूल्स है अभी रूल्स को ध्यान से सुनिएगा सर यहाँ आपको पूरे रूल्स नहीं पढ़ाए जा रहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लेकिन हाँ रूल नंबर रूल नंबर जो है सिक्सटी थ्री से लेकर 73 थ्री तक वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं और ये आपको पढ़ने हैं तो रूल नंबर सिक्सटी थ्री से लेकर 73 थ्री आपको पढ़ने हैं इससे पहले एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए क्लियर है बेटा तो मैं आगे चलूं अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है बाईस तेईस चौबीस तो मैं आगे चलूं एक बार देख लो प्लीज देखिए चले जी यस सर एब्सोल्युटली, यस सर एब्सोल्युटली, आ जाओ जी वापस हाँ जी सर अब देखिए क्या कह रहा है अब देखिए बच्चे क्या कह रहा है अब यहाँ पर बात कर रहा है आगे आगे ना हमारे रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको कहा अब देखिए रूल्स में 63 से लेकर 73 ध्यान से देखिएगा इसको याद करना 63 बोलता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको जो वेजेस मिल रही है वो एज पर फिक्स वेज पीरियड मिलनी चाहिए यस सर एब्सोल्युटली इनका वेज पीरियड एक महीने से ज्यादा नहीं हो सकता

तो अगले महीने की 10 तारीख तक इनको सैलरी मिल जाएगी ठीक है सर ये बात समझ आ गई अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को निकाल दिया गया है टर्मिनेट किया गया है तो सर टर्मिनेशन के सेकंड डे तक उसको सैलरी मिल जाएगी और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी जिसको कोई काम पूरा करने के लिए दिया गया था, था तो उसने जब काम पूरा कर लिया तो वहां से फोर्टी आवर्स यानी कि वही सेकंड डे तक उसको सैलरी मिल जाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सैलरी मिल रही है वो या तो डायरेक्टली वर्कर को मिलेगी या उसके एजेंट को मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर जो सैलरी देगा कई बार होता है कि हस्बैंड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेकिन वो दारू बड़ी पीता है तो भाई उसकी वाइफ आती है तनख्वाह वाले दिन ऐसा भी होता है छोटे लेवल पे ऐसी चीज़ें होती है कि वाइफ आती है बेटा आता है क्योंकि पिताजी दारू बहुत पी लेते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर वेजिस दे रहा है वो उस हस्बैंड को या उसकी वाइफ जो कि उसकी एजेंट है उसको भी दे सकता है वेजेस जो है वो करेंसी नोट्स में मिलेगी या कॉइंस में मिलेगी या दोनों में मिल सकते हैं लेकिन आज के टाइम में तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है सर क्या आप कोई डिडक्शंस कर सकते हो उसकी वेजेस से हाँ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स आप पढ़ेंगे जिसके अंदर डिडक्शन का सेक्शन आएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं उसकी इंश्योरेंस करा रखी है ई में तो उसके पैसे हमको देने पड़ते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसने हमसे कोई लोन लिया था उसके पैसे देने पड़ते हैं कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसके कुछ एम्यूनिटीज के पैसे हैं वो हम काटते हैं तो ऐसे बड़े सारे पैसे हैं जो हम उसकी सैलरी से उसने कुछ गलत काम कर दिया हमारा कोई रूल तोड़ दिया उस पर फाइन लगा पेनल्टी लगा वो हम काट सकते हैं वो पैसा हमारे पास जमा कराता है बोलता है हर महीने मेरी तनख्वाह से इतना पैसा काट लिया करो ताकि मैं गाँव जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा वो पैसा हम काट सकते हैं मतलब इम्प्लॉय ने इम्प्लॉय ने रिटर्न ऑथराइजेशन दे रखी है तो वो भी हम पैसा काट सकते हैं तो यहाँ तक हम सब लोगों को बात समझ आ गई क्लियर है जी सबको यस सर आप इसके बाद कह रहा है सर डिस्प्ले ऑफ नोटिस के डिस्प्ले ऑफ नोटिस का मतलब क्या हो गया कि सर हम बहुत सारी चीजें जो रूल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो अपने रूल्स को भी डिस्प्ले करेगी जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर को डिस्प्ले करती है ना वैसे इसको भी डिस्प्ले किया जाएगा इसको भी डिस्प्ले किया जाएगा इसके बाद क्या कह रहा है ये वाली बात तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि सर रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल इंप्लॉयर जो है उसके सामने ही वेजिस दी जाएगी यस सर एप्सोल्यूटली और रूल नंबर सेवेंटी क्या बोल रहा है इधर देखेगा ध्यान से जब हम लेबर को वेजेस देंगे तो लेबर को जब जब कॉन्ट्रैक्टर लेबर को वेजेस देगा तो सामने रिप्रेजेंटेटिव होगा हाँ उस रिप्रेजेंटेटिव के भी साइन होंगे सिग्नेचर बाय रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसिपल इंप्लॉयर इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन के हाँ भाई मेरे सामने सारी लेबर को सैलरी दी गई है तो बेटा ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है सबसे पहली चीज सेक्शन 63 क्या कह रहा है कि एक फिक्स वेज पीरियड होगा सेक्शन नंबर 64 क्या कह रहा है वो वेज पीरियड एक महीने से ज्यादा का नहीं होगा 65 क्या कह रहा है हजार से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो अगले महीने की दस तारीख तक सैलरी मिलेगी सिक्सटी सिक्स क्या कह रहा है अगर आपने उसे टर्मिनेट कर दिया तो आज टर्मिनेट किया तो परसों तक तनखा दो अगर कंप्लीशन ऑफ वर्क हो गया तो वहां से फोर्टी एट आवर्स के अंदर अंदर दो 68 क्या कह रहा है उसको दो उसकी वाइफ को उसके बच्चों को दो डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसके बेसिस बिहाफ में रिसीव करना चाहता है करेंसी नोट या कॉइन दोनों में मिल सकती है डिडक्शन जो है वो आप कर सकते हो जो की पेमेंट ऑफ बेजिस में दी गई है जिनको हम लोग पढ़ेंगे आज की या मे बी कल की क्लास में इसके बाद सेक्शन 71 आपको डिस्प्ले ऑफ नोटिस करना पड़ेगा जैसे आपने फैक्ट्रीज एक्ट का किया जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर का किया ऐसे इसका भी करना पड़ेगा सेक्शन 72 जो भी रिकमेंडेशन वो देगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सामने देगा और मतलब रूल 72 और रूल सेवेंटी के फाइनली जब वो सारी वेजेस पे कर देगा तो वेजिस पे करने के बाद वेजेस पे करने के बाद वो एंट्री करेगा रिप्रेजेंटेटिव के हाँ जी मेरे सामने ही कॉन्ट्रैक्टर ने सारी वेजेस पे करी है आराधना जी कह रही है कि सर ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का कौन सा सेक्शन है डिडक्शन वाला बेटा ये सेक्शन नंबर सेवन है सेक्शन नंबर सेवन है जो डिडक्शंस की बात करता है और सेक्शन नंबर एट है जो फाइन की बात करता है हम बात करें ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का सेक्शन नंबर सेवन एंड एट राइट यस सर एब्सोल्यूटली चले जी आगे चले जी बोलो जी चले आगे यस सर एब्सोल्युटली डन तो यहाँ पे हमें रूल्स जो है वो भी समझ आ गए ठीक है जी यस yes, सर अब इसके बाद सर कुछ सेक्शन हैं ये हमको पढ़ने हैं कौन से सेक्शन सर ये है ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी नाइन तक सेक्शन सेक्शन पढ़ने हैं ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी नाइन तक लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि इसको पढ़ने से पहले एक बार अभी हमने जितना ये चैप्टर पढ़ा है एक घंटा पांच मिनट में एक बार इसको रिवाइज करें

अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 या बीस से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो रजिस्टर कराएंगे उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा 20 से पाँच सौ पर लेबर की फीस देंगे अगर चाहे अगर वो इनफेक्टिव है या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है झूठ बोल के लिया है तो फिर आप उसे रिवोक कर सकते हैं और अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम अगर हम रजिस्टर नहीं कराते हैं अपनी इस्टेबलिशमेंट को तो हम बीस या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते आफ्टर इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन दीनानाथ गुजरात एयर इंडिया हरियाणा स्टेट एंड देन आ, आपका आ, वो आ गया स्टेटूटरी वाला जो नेशनल वाटरफ्रंट वाला जो लास्ट है पहले केस में क्या हुआ था फोर्स नहीं करोगे दूसरे में हुआ फोर्स नहीं करोगे एयर इंडिया में हुआ फोर्स करोगे हरियाणा में 240 दिन वाली बात बोल दी और फाइनली 2001 से आज तक क्या चलता है कि एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करो

वॉशिंग फैसिलिटी दोगे पीने का पानी दोगे राइट right? और फिर उसके बाद चोट लगी उसको फर्स्ट एड दोगे और उसके बाद फाइनली अगर ये सारी फैसिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा और उसके पैसे काट लेगा अच्छा जी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की जब हम बात करते हैं सर इसके अंदर चार सब सेक्शन थे पहला कह रहा था कंप्लेन कर सकते हो अगर कुछ गलत हो रहा है दूसरा कह रहा था कि सर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो तीसरा कह रहा था रिप्रेजेंटेटिव के सामने तनख्वाह दी जाएगी और चौथा कह रहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पूरे पैसे नहीं दे रहा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बाद में उससे एडजस्ट कर लेगा सर अगर इंस्पेक्टर को नहीं भेजा आपने अंदर नहीं आने दिया प्रोड्यूस नहीं किए बुक प्रोड्यूस नहीं की तो तो सर उस केस के अंदर टू पांच सौ या, या तो तीन महीने या बहुत महीने या था ट लोग कहते हैं हाँ सर समझ आई हाँ समझ आ गई क्लियर है बेटा सबको किस तरीके से रिविजन करनी होती है फिर एक और तरीका है रिविजन करने का क्या इसको हटा दो खाली इसको देखो खाली इसको क्या बात कर रहे हो सर हां खाली इसको देखो भाई ये कौन सा है आर ये क्या है एप्लीकेशन प्लस रजिस्ट्रेशन सर ये क्या है ये क्या है रेवोकेशन सर ये क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सर ये क्या है एबॉलिशमेंट यही तरीका होता है रिवाइज करने का एक ही चीज को तीन तीन चार चार बार अलग-अलग तरीके से पहले हमने पढ़ के रिवाइज किया फिर उसके बाद हमने ऐसे उससे रिवाइज किया अब हम खुद लिख के रिवाइज कर रहे हैं सर ये क्या है एलओ सर ये क्या है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस सर ये क्या है लाइसेंस सर ये क्या है रिवोकेशन सर ये क्या है अपील ऐसे थोड़ी सेक्शंस ज्यादा होते हैं हर लॉ के सर ये क्या है केडी सर ये क्या है सर रेस्ट रूबी है ये सर ये क्या है सर ये वो यूटिलिटी वाली चीजें पीने का पानी धोने का पानी और कपड़े धोने का पानी ये क्या है सर फर्स्ट एड सर ये क्या है सर ये क्या है फैसिलिटीज बाय कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर अगर contractor नहीं देता तो तो फिर कौन दे देगा प्रिंसिपल इंप्लायड सर ट्वेंटी वन के अंदर कौन कौन से आ गए सर चार आ गए सर पहला कौन सा आ गया कंप्लेन वाला दूसरा कौन सा आ गया रिप्रेजेंटेटिव वाला तीसरा रिप्रेजेंटेटिव के सामने पैसे दोगे चौथा अगर आपने पैसे नहीं दिए या कम दिए तो अपने आप प्रिंसिपल इम्प्लॉयर देगा आपसे एडजस्ट कर लेगा समझ आया बेटा समझ आया किस तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है वंस यू आर स्टडीज ना अगर आप पढ़ रहे हो तो घुस जाओ उसके अंदर पूरा जब तक आपको उसका सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब याद नहीं हो जाता ना तब तक उसके अंदर घुस जाओ राइट ठीक है जी यस सर एब्सोल्युटली और पता है सिर्फ सिर्फ कंपनी लॉ के सेक्शन याद होते हैं बाकी लॉस के नहीं होते ऐसा नहीं है मैंने आपको ब्रेक से पहले भी दो चैप्टर्स पढ़ाए स्टैंडिंग ऑर्डर कराए इक्वल रेमिटेशन सबके याद है राइट तो आ जाओ सर इधर ढंग से अब कहा चले सर अब कहा चले अब रूल्स हमने पढ़ लिए थे हाँ जी अब रूल्स के बाद ना कुछ सेक्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट इसको ध्यान से देखेगा कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार उसको भी ध्यान से देख लेते हैं जैसा मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को दो घंटे लगेंगे बारह से दो तो जल्दी मत मचाइएगा ठीक है वो देखो वो बच्चे शुरू हो गए देखो अभी मैं अपनी बात बोल ही रहा था देखो बच्चों के कमेंट सर लंच कब होगा सर दो बजे लंच होगा आप आवाज करो लंगर लगा हुआ है नीचे मैंने वो जो हार्वेस्ट के जो होते हैं ना आपके जो क्या बोलते हैं उसको कुलचे और साथ में वो छोले है ना वो सब मटर कुलचे एकदम बढ़िया वाले पनीर वाले छोले बटूरे भी है नीचे पनीर टिक्का भी लग रहा है वो हम जाते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में तो वहाँ पाइन मिलता है ना स्टार्टर में वो भी है सब बस आ जाओ बस फटाफट भाग के आ जाओ जल्दी आ जाओ सब है सब ये सब कल है मेरे बेटे का बर्थडे है छोटे बेटे का तो रात को डिनर पार्टी वार्टी रखी हुई है फ्रेंड्स ने तो ये कल का मेन्यू में तो वो मैंने कल पढ़ा था तो वो याद था इसलिए आपको बोल दिया कल का कल का का दावत छोटा वर्ड है जशन है जशन अच्छा अब इधर देखिएगा प्लीज ध्यान से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखिए मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर

बहुत सारे कानूनों में ना आपको एक सेक्शन मिलता है बाय कंपनी जैसे यहां मिला हुआ है और बाय कंपनी में क्या लिखा होता है इसमें लिखा होता है कि जी अगर किसी भी कंपनी ने कोई ऑफेंस किया तो कंपनी में इतने का फाइन लगेगा प्लस कंपनी के जो मैनेजर हैं जो डायरेक्टर्स हैं जो सेक्रेटरी हैं उन सब में भी इतने का फाइन लगेगा ये वाली बात लिखी होती है फिर नीचे ना एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी होती है छोटी सी उसमें क्या लिखा होता है उसमें लिखा होता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ बिज़नेसेस ऑल फॉर्म्स ऑफ बिज़नेसेस एंड जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ओनर्स इसका मतलब क्या है कि लिखा जरूर कंपनी हुआ है अगर एक एस्टेब्लिशमेंट कंपनी की फॉर्म में नहीं है फॉर्म की फॉर्म में है तो तो वो फॉर्म पे भी पेनल्टी लगेंगे और उसके पार्टनर्स पे भी अगर वो एस्टेब्लिशमेंट एलएलपी की फॉर्म में है तो तो एलएलपी पे और उसके पार्टनर्स पे अच्छा अगर ये एच की फॉर्म में भी तो तो उसके कर्ता पे और एच पे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिखा जरूर होता है ऑफेंसिस बाय कंपनी तो हमें लगता है सिर्फ कंपनी की बात कर रहा है लेकिन जब भी आप लेबर लॉ पढ़ते हो जब भी आप जनरल लॉस पढ़ते हो बेनामी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग या मॉड्यूल टू

सेक्शन पच्चीस कंपनीज की बात करा है सेक्शन नंबर छब्बीस क्या बात करा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या अगर आपने लेबर लॉ में कुछ गलत किया तो आप पे केस चलाया जाएगा लेकिन वो केस जो है वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से छोटे लेवल का जज नहीं चला सकता उससे छोटे लेवल का मजिस्ट्रेट नहीं चला सकता पता नहीं ऐसा क्यों लिखा हुआ है सिंपली लिख देते इनसे छोटा एक ही होता है एम एम क्लास इनसे छोटा एक ही होता है एमएम सेकंड क्लास तो साफ कह रहे थे कि एमएम सेकंड क्लास नहीं चला सकता बाकी कोई भी चला सकता है मेरी बात समझ रहे हो इनसे छोटा तो सिर्फ एक ही होता है एमएम सेकंड क्लास तो साफ कह रहे थे कि एमएम सेकंड क्लास नहीं चला सकता बाकी सारे चला सकते हैं ये बात क्लियर है आपको राइट हाँ सर ये वाली बात हमको सब समझ आ गई फरहीद कह रही है कि सर आप एक बात बोलना भूल गए क्या सर इसके अंदर तीसरी बात भी तो होती है एक हाँ तीसरी बात भी होती है क्या होती है कि भाई अगर कोई भी ऑफिसर है वो प्रूफ कर देता है कि ये गलत तो हुआ लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं था मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूं तो फिर उस पर किसी प्रकार का फाइन या जुर्माना नहीं लगता हाँ तीन बातें होती हैं पहले ऑफेंसेस बाय कंपनी की बात होती है फिर एक्सप्लेनेशन में बोलता है कंपनी और ऑफिसर में और भी लोग आते हैं और फिर लास्ट में बोलता है कि अगर कोई भी अपना प्रूफ कर देता है कि मेरी नॉलेज के बिना है तो फिर उसको पेनल्टी नहीं लगेगी वो वाली बात इसी के अंदर आती है एक्सप्लेनेशन के ऊपर यहाँ लिखी होती है बीच में यहां लिखी होती है कि नो नॉलेज नो नो नॉलेज सो नो नो फाइन उस केस में मेरे को कोई फाइन नहीं लगेगा यस सर एब्सोल्युटली ये वाली बात भी होती है पता चलता है या तो फरहीन ने किसी जेनुअन आदमी से पढ़ा है या मेरे से पढ़ा है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतनी इतनी बारीक वाली चीजें कोई नोट नहीं करता अब देखिएगा इधर सेक्शन 25 हो गया ऑफेंसेस बाय कंपनी जो मैंने कहा ब्लफ है कंपनी इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस एंड छब्बीस uh, समझ आ गया ऑफ ऑफेंस गयािटन मेजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के अलावा कोई भी इन ऑफेंसेज की कॉग्निजेंस ले सकता है डन सर इतनी बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई राइट right? डन सर इतनी बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई अब देखिए कहता सर जब भी आप कोई केस चलाते हो मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कोई केस आता है किसके पास एम एम फर्स्ट क्लास के पास मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कहता सर कोई भी केस आएगा ना तो वो कब आएगा सुन लो कहता है विद इन थ्री ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी गलत हुआ कि कुछ भी गलत हुआ तो कहता सर इंस्पेक्टर की नॉलेज में तीन महीने में आया तो वो आके

जैसे ही इंस्पेक्टर को पता चला यहां से तीन महीने के अंदर अंदर यह मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा यह बात समझ आई बताओ जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने गलत किया इंस्पेक्टर को पता चला वहां से तीन महीने में वो एमएम फर्स्ट क्लास के पास चला जाएगा डन दूसरी बात इंस्पेक्टर ने इस एस्टेब्लिशमेंट को कोई डायरेक्शन दी थी कोई ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को उसने दिया छह महीने हो गए उसने फॉलो नहीं किया सामने वाले ने तो इंस्पेक्टर फिर एम एम फर्स्ट क्लास के पास चला जाएगा तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की जब हम बात करें बड़े ध्यान से सुनेगा इंस्पेक्टर कब जाएगा कोर्ट के पास अगर उसने कोई ऑर्डर दिया था वो सामने वाले ने नहीं माना तो वहां से छ महीने के अंदर अंदर जिस दिन ऑर्डर दिया था वहां से छह महीने के अगर ऑर्डर दिया सामने वाले ने नहीं माना मैंने ऑर्डर दिया मैंने कहा इस तारीख तक कर लेना आपने नहीं किया छह महीने के अंदर अंदर मैं जा सकता हूँ कोर्ट में और दूसरी बात मेरे को पता चला आपने मेरे को कहीं से नॉलेज मिली कि आपने गलत किया मैंने छानबीन किया गलत किया तो वहां से मैं तीन महीने के अंदर अंदर कोर्ट में जा सकता हूं तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव कौन सा हो गया ऑफेंसेस बाय कंपनी सेक्शन नंबर हो गया एम एम सेकंड क्लास का जज जो है वो हमारे ऑफेंस को नहीं देख सकता उससे ऊपर वाला जज देखेगा कितने टाइम में जब इंस्पेक्टर जाएगा इंस्पेक्टर कब जाएगा अगर वो डिसऑबेंस का मामला है तो छह महीने में जाएगा अदर देबेंस है तो तीन महीने में जाएगा यस yes, सर ये वाली बात हमको समझ आ गई Then, और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेक्शन नंबर ट्वेंटी एट सेक्शन नंबर ट्वेंटी एट क्या कह रहा है बेटा ध्यान से समझेगा इंस्पेक्टर की बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इंस्पेक्टर जो है सुबह की क्लास में भी बताया था कि इंस्पेक्टर हर लेबर लॉ में होता है लेकिन हर लॉ में अलग अलग इंस्पेक्टर नहीं आता एक ही आता है वो बोलता है मैं लेबर ऑफिसर हूँ और मैं सारे लेबर लॉस देख रहा हूँ तो अप्रोप्रेट गवर्नमेंट लेबर इंस्पेक्टर को अपॉइंट करे की हाँ जी उसको पावर्स क्या है हमारे प्रमाइस में आएगा एग्जामिन करेगा किसी भी बंदे से बात करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन लेगा कोई भी किताब वगैरह उसको चाहिए वो फोटो कॉपी करा के जा सकता है चाहे तो साथ लेके जा सकता है सीज कर सकता है या तो कॉपीज ले सकता है या सीजर करके साथ लेके जा सकता है जनरली आजकल कर सीजर करके नहीं लेके जाते सीजर तब करते जब फोटो का ऑप्शन नहीं था आजकल क्या है फोटो का ऑप्शन है फोटो कॉपी करा के ले जाओ सीजर मत करो क्यों नहीं तो उनकी अकाउंटिंग रुक जाएगी कल को उनकी एनअल जनरल मीटिंग होनी है कंपनी लॉ में मेंबर्स को अकाउंट्स दिखाने ऑडिट होना वो सब रह जाएगा तो ये लॉ जितने पुराने हैं

कहता सर देखिए वैसे तो आपको पता हर लेबर लॉ में रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात आती है हाँ आती है इसमें भी आती है डिस्प्ले ऑफ नोटिस की बात भी हर लेबर लॉ में आती है हाँ यहाँ भी आती है सर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लाइसेंसिंग ऑफिसर को रिटर्न वगैरह जाएंगी हाँ जाएंगी लेकिन क्या कह रहा है देखो कहता सर अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है

तो फिर आपको उस एक्ट के अंदर जो आप रिटर्न आ, फाइल करते हो या जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो वो काफी है आपको यहां अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप लेबर लॉ एक्ट में स्मॉल मेंवर नहीं, हो, नहीं, हो, मतलब नहीं होता तो फिर यहां आपको सेक्शन ट्वेंटी में प्रॉपर रजिस्टर्ड रिकॉर्ड रिटर्न मेंटेन करने पड़ेंगे कितने लोग कहते हैं सर बात समझ आ गई बोलो जी बोलिए बेटा क्लियर है सबको चले आगे बोलो यस सर एब्सोल्युटली बस एक चीज को याद रखिएगा बेटा प्लीज ऑल ऑफ यू एक चीज को याद रखिएगा कि ये जो भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ जैसे आज मेरा टारगेट है कि मैं पांच चैप्टर्स के रिवीजन कराऊंगा उसके बाद ना शाम को आप उसे रिवाइज जरूर कीजिएगा खाली मैंने बोल दिया और आपने इसको रीड नहीं किया फिर मजा नहीं है हालांकि आपको पता है पर अब मैं नहीं लूंगा तीन दिनों में क्यों क्योंकि मुझे खत्म करके फिर उस टेस्ट पे बैठे तो ये आपका वॉश आउट हो जाएगा तो आई होप कि आप समझ रहे हैं बेटा कि आप लोगों को प्लीज 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 फोकस के साथ अगर आज हम पांच चैप्टर कवर कर पाते हैं तो फोकस के साथ आपको इन पांचों की अच्छे से रिविजन करनी है हाँ रिविजन करो अपनी आवाज में वॉइस नोट्स बनाओ अपनी आवाज में वॉइस नोट्स बनाओ चीजों चीजों को चीज़ों को रीड करो इधर देखिएगा सेक्शन बताओ सर सेक्शन वन ऑब्जेक्ट वाला था ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ठीक है जी मेन सेक्शन पे आते हैं सर सेक्शन सिक्स सेक्शन थ्री से हमने शुरू किया था सेक्शन uh, थ्री कौन सा था सर स्टेट एडवाइजरी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फोर कौन सा था स्टेट एडवाइजरी बोर्ड अच्छा सर इसके बाद सेक्शन नंबर सिक्स आया था सर कौन सा आया था सर आर ओ वाला सर सेवन सर हमने अप्लाई किया एट सर रेवोकेशन सेवन में अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन मिल गया वही पांच से पांच बीस से पाँच सौ वाला नौ कौन सा था सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो तो हम फिर बीस से ज्यादा लेबल नहीं रख सकते 20 से कम ही रखनी पड़ेगी 20 भी नहीं रख सकते सर 10 अबोलिशमेंट वाला था सर 11 कौन सा था एल ओ के अपॉइटमेंट का 12 हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया 13 हमें कंडीशनल कंडीशनलूट लाइसेंस मिला बारह महीने के लिए वैलिड चौदह रेवोकेशन पंद्रह अपील अपील बाय एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट आर या अपील बाय कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट एल कब कर रहे हैं अपील विद इन थर्टी डेज टू लिएट ऑफिसर सोलह सर कैंटीन का है सर सत्रह कौन सा है सर वो रेस्ट रूम का सर अठारह फैसिलिटीज का जिसमें पीने का पानी धोने का पानी कपड़े धोने का पानी उन्नीस फर्स्ट एड है सर बीस कौन सा है सर बीस आ गया था आपका कि फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर देगा नहीं देता तो प्रिंसिपल इंप्लॉयर देके पैसे काट लेगा इक्कीस में चार थे जो रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ वेजेस की बात करा था बाईस कौन सा था पेनल्टी चौबीस थोड़ी ज्यादा पेनल्टी तेईस सबसे ज्यादा पेनल्टी पच्चीस कौन सा आ गया सर कॉग्निजेंस वो अभी ये जो हमने बड़ा ऑफेंसेस बाय कंपनी सर 24 कौन सा आ गया सर कौन सा कोर्ट ट्रायल लेगा 27 कौन सा आ गया लिमिटेशन पीरियड 28 कौन सा आ गया अभी इंस्पेक्टर वाली बात 29 कौन सा आ गया रिकॉर्ड एंड रिटर्न्स इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है हमने रूल्स भी पढ़े हैं कहाँ से कहाँ तक पढ़े हैं सर 63 से लेकर 73 तक हमने रूल्स भी पढ़े हैं आप समझ रहे हो मैं सी एस हूँ मेरा काम पढ़ाना है याद करना नहीं मैं फिर भी आपके साथ ही तीन तीन चार चार बार एक ही चीज को लिख रहा हूँ तो सोचो जब मैं मेरे पेपर नहीं देने मुझे तो याद भी है फिर भी मैं तीन तीन चार चार बार लिख रहा हूँ करने के लिए सोचो आपको कितनी मेहनत चाहिए होगी राइट बेटा चले आगे अगर आपकी इजाजत हो तो यस सर एब्सोल्युटली चलते हैं आगे थकना नहीं है दो बजे आधा घंटा रह गया आधे घंटे का चैप्टर है दो बजे चल मारना दो बजे तक थकना है, नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ना ठीक है थक गए हो, आधे मिनट का ब्रेक ले लो पानी पी लो क्या दिक्कत है पानी पी लो बीच में कोई दिक्कत नहीं है दो बजे के बाद आधे घंटे की क्या चालीस मिनट की लंच ब्रेक दे दूंगा लेकिन तीन चैप्टर ये वाला चैप्टर पूरा प्रॉपरली कंप्लीट करना ठीक है अनामिका जी पूछ रहे हैं कि सर अगर हम ये रिवीजन लेक्चर अच्छे से बढ़े और फिर रीड कर ले सब कुछ तो डिटेल लेक्चर ना भी अटेंड करें तो कोई दिक्कत नहीं आई बाकी बच्चे जवाब देंगे जिन्होंने डिटेल लेक्चर किए हुआ है अगर टाइम नहीं है तो ना करो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ पर हाँ उसमें मैं राइटिंग प्रैक्टिस देता हूँ उसमें मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जब मैं लेबर ऑडिट के लिए जाता हूँ या कंपनी ऑडिट के लिए जाता हूँ तो क्या होता है राइट चले जी आगे यस सर एब्सोल्युटली यहां तक हमें पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई तो सर अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ये सब तो हमारा हो गया डन हम चलते हैं वापस अपने टॉप पे आ जा भाई सेक्शंस के लिए ये री ये रही तो सर हम यहाँ पर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सब पढ़ चुके हैं ट्वेंटी ये भी पढ़ चुके हैं तो सर अब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारी रह गई एक सेक्शन नंबर फाइव ये सेक्शन नंबर फाइव में भी ये वाला नहीं आएगा हमारे लिए हमारे लिए यहाँ पर वो अबॉलिशमेंट वाला ही कुछ आएगा यही कुछ आएगा वो भी मैं बताऊंगा क्या है और इसके अलावा रह गई डेफिनेशन आराधना जी ने सही बोला पास होने के लिए मोर देन इनफ है बस राइटिंग प्रैक्टिस आपको अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी अंजलि कह रही है बिल्कुल नीड नहीं है मोर देन इनफ है पूरा मॉड्यूल तो कवर हो रहा है डिटो डिटेल जैसा ही है ये राइट जी डन अब देखो जी क्या कह रहा है अब यहां पर हम बात करें डेफिनेशन की डेफिनेशन पे आते हैं देखिए क्या कह रहा है देखो कहता है सर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है अब यहाँ पर ना अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं

ज uh, डिफाइंड uh, 1947. सर यही लिखना मार्क मिल हैं क्योंकि की ही है सर yes. मतलब हम बार बार रहे हैं मतलब क्या है इंडस्ट्री हो सकती है ट्रेड हो सकती है हाँ बिजनेस हो सकता है ऑक्यूपेशन हो सकता है अब ऑक्युपेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन कहता है देखो बिजनेस अब मैं मान लो हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर की हमारे अकेडमी की ही बात कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड है, क्या वो एक बिजनेस है बिल्कुल है विप्रो की बात कर लो क्या वो एक बिजनेस है सॉर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड लॉ मैगनेट एट टेक प्राइवेट लिमिटेड तो सर क्या आप सब भी आप सब भी बिजनेस में, में आ जाएंगे यस सर एप्सोलुटलीटली बिजनेस में आ जाएंगे तुषार गुप्ता कह रहे हैं सर स्टैंडिंग ऑर्डर में आपने कहा था मैक्सिमम पांच घंटे के बाद बट सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट में साढ़े पांच घंटे हो गए आपसे नहीं समझ आया क्या कह रहे हो नहीं साढ़े पांच घंटे नहीं था सर वो सही था मैंने गलत नहीं बोला था वो मैंने कहा था कि एक ब्रेक आपको देनी जरूरी है सुबह से सुबह से एक ब्रेक देनी जरूरी है वो आप जो कह रहे हो जो आप एग्जाम वाला आप देख रहे हो शायद आप रिवाइज मतलब आप लेट देख रहे हो थोड़ा आप कह रहे हो सर वो ब्रेक के बाद साढ़े पांच घंटे हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो लंच ब्रेक है या रेस्ट इंटरवल है वो पहला एक रेस्ट इंटरवल देना जरूरी है उसमें वो पांच घंटे का गैप जो है वो दिया गया उसके बाद फर्दर कोई गैप लॉ में नहीं दिया गया ठीक है सर तो आई होप तुषार जी आपको ये बात समझ आ गई हाँ जी अब देखिए इधर कह रहा कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करता है और इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी आता है जी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी आता है सर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या है जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई किया कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है जो सप्लाई हो रही है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपने पास रख रहा है दोबारा सुनो कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है जो सप्लाई हो रही है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सप्लाई की गई कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपनी फैक्ट्री में रख रहा है राइट जी यस सर एब्सोल्युटली बच्चा कह रहा है ऑक्यूपेशन में क्या क्या आएगा ऑक्यूपेशन में कोई भी चीजें आ सकती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोफेशन भी ऑक्यूपेशन में आ सकता है आपका जो प्रोफेशन है आप डॉक्टर हैं आपका नर्सिंग होम है वो भी आ सकता है आप डॉक्टर हैं आपका नर्सिंग होम है समझ रहे हैं मेरी बात वो भी आ सकता है डन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है सरकारी एस्टेब्लिशमेंट में तो जो हेड है जो हेड है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेरा एक नोन है मेरा एक नोन है जो कि सीएमओ है चीफ मेडिकल ऑफिसर तो वो कौन हो गया वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया फैक्ट्री में ओनर या ऑक्यूपायर या मैनेजर मैंने आपको कई बात बता रखा है कि ओनर मतलब मालिक ऑक्यूपायर या मैनेजर जो कंट्रोल करता है हम फैक्ट्री तक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जो भी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है वो ऑक्यूपायर या मैनेजर होता है माइंड में ओनर या एजेंट या मैनेजर ओनर या मैनेजर इसमें याद रखना इसमें ओनर या मैनेजर है इसमें भी ओनर या मैनेजर है इसमें अलग क्या है ऑक्यूपायर और इसमें अलग क्या है एजेंट

यस सर एब्सोल्युटली बच्चा कह रहा है सर इसमें गलती है कहीं सर इसमें गलती है हाँ ये रही ना ये रही ये टू है ट्वेंटी वन नहीं है ये टू है ये यस ठीक है चले आगे ट्वेंटी वन तो आपको पता है वेजेस वाला है अब वर्कमैन में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है देखिएगा सर वर्कमैन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा देखिए सबसे पहले वर्कमैन में आप स्किल्ड हो सेमी स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो आओगे आप मैनुअल काम कर रहे हो सुपरवाइजरी कर रहे हो टेक्निकल कर रहे हो क्लैरिकल कर रहे हो, हो आओगे अब आप समझो इधर समझो जो स्किल्ड वर्कर है ना स्किल्ड वर्कर वो टेक्निकल काम करेगा जो सेमी स्किल्ड है वो मैनुअल या क्लैरिकल काम करेगा या आप ऐसे समझो जो अनस्किल्ड है वो मैनुअल काम करेगा जो सेमी स्किल्ड है वो सुपरवाइजरी या क्लैरिकल काम करेगा कितने लोग को बात समझ आ रही है देखो सर स्किल्ड वाला क्या करेगा टेक्निकल काम करेगा सेमी स्किल्ड वाला क्या करेगा सुपरवाइजरी या क्लेरिकल और अनस्किल्ड वाला क्या करेगा मैनुअल काम करेगा राइट कुमार कह रहा है कि सर ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन एनी लीगल वर्क फॉर ऑक्यूपेशन हाँ कोई भी काम जिससे आप अपना अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो जिस भी काम में आप ऑक्युपाई हो टू अर्न योर लाइवलीहुड राइट अब इसमें कौन कौन नहीं आता सर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल लेवल वाले, 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 वाले लोग नहीं आते जिनके दरखा पांच सौ रुपए से ज़्यादा वो भी नहीं आते जो आउट वर्कर हैं जैसे कि आजकल होता है ना वर्क फ्रॉम होम वो भी नहीं आते वर्क फ्रॉम होम भी नहीं आते अब भाई आप एक बार बताओ ना कोई बंदा घर बैठ के काम कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं आएगा क्यों हम उसको सारी सर्विसेज उसके घर पे बैठ के थोड़ी देंगे ये जो इतनी सारी सर्विसेज देनी है

एक सेक्शन है बड़े ध्यान से देखिएगा फरीद कह रहे सर पांच सौ रुपए पर मंथ अभी मैंने आपको बोला ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमाउंट यही रखा हुआ लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया हुआ अपने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किया बेटा फिर वही बोल रहा बोला स्टेट गवर्नमेंट्स लेबर लॉ है ना लेबर लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है इसी को ध्यान में रखे तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को काफी ज्यादा किया हुआ है किसी स्टेट ने आठ हजार किया हुआ है किसी ने बारह हजार किया हुआ है किसी ने दस हज़ार किया हुआ है किसी ने छे हजार किया हुआ है समझ लो केरला में छ हजार है केरला में छ हजार है राइट ठीक है बेटा सर सुपरवाइजरी के लिए स्किल जरूरी होगी जरूरी नहीं है यार सुपरवाइज करने के लिए जरूरी नहीं आप स्किल दो। स्किल से, भी काम चल जाता। स्किल से भी काम चल जाता है अब ये एक सेक्शन नंबर ये एक देख लो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये नहीं ये 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 दो चीजें इम्पोर्टेंट है ये ये ऊपर वाला नहीं ये बेकार है ये यहां से बच्चा कह रहा है सर अगर हम आउटसोर्स करते हैं लेबर कहीं और से घर से काम करिए तो हम तो, तो वो इस चैप्टर में नहीं आता ना बेटा नहीं आती है इफ यू आर नॉट वर्किंग फ्रॉम माई प्रिमाइंस वर्किंग फ्रॉम समवेयर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं आता ठीक है वो नॉर्मल फिर एक सर्विस हो गया यहां पर तो हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप हमारे लिए काम करवाओ कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या होता है काम हम करवाएंगे तुम लेबर दो आउटसोर्सिंग में क्या होता है लेबर भी तुम्हारी काम भी तुम कराओ सिर्फ हम काम आउटसोर्स करते हैं वो ऑल टुगेदर अलग कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कोई लेना देना है नहीं अब इधर देखना ध्यान से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पहले।, पहले ना लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखते थे अब धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट लेबर का चलन

उसकी इंश्योरेंस भी करवाओगे उसको पेमेंट ऑफ बेजेस भी दोगे प्रोविडेंट फंडा बोनस भी उसको मिलेगा तो अब आप बताओ ना जब सारे बेनिफिट आप उससे रेगुलर लेबर वाले दे रहे हो तो फिर मैं कॉन्ट्रेक्ट लेबर रख के करूंगा ही क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती भी थोड़ी सी महंगी है तो अगर मुझे ये सारे के सारे बेनिफिट पहले क्या होता था कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा पैसा फालतू चला जाए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बाकी बेनिफिट्स तो नहीं देने लेकिन धीरे 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 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सरकार ने हर एक ने हर बार बोला अच्छा ये वाला बेनिफिट भी अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलेगा ये भी करते करते गवर्नमेंट ने सारे बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप बताओ मेरे पास वजह ही क्या बची कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करूँ कितने लोगों को बात समझ आ रही है कितने लोगों को बात समझ आई बेटा मेरे पास कोई वजह ही नहीं रखी सरकार ने कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करूं राइट डन यस सर और कहता है सर एक बार बताओ जब भी सरकार आपको प्रोहिबिट करती है या सरकार आपको अबोलिश भी करती है कि नहीं जी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रख सकते तो सरकार क्या क्या देखती है जब सरकार किसी को प्रोहिबिट करती है या सरकार किसी को अबोलिश करती है तो सरकार किन किन चीजों को देखती है ये डिसाइड करते हुए कि भाई इसको अलाउ करना है या नहीं करना है ये देखते हुए सरकार क्या क्या देखती है ये ये डिसीजन लेते हुए कहते हैं सरकार ना पहले कंडीशन ऑफ वर्क देखती है कि जो काम है कहीं वो बहुत ज्यादा हजार तो नहीं है मतलब कंडीशन क्या वर्क की इधर देखिए मतलब जो कंडीशन है यानी कि कितनी एरिया कितना है सिटिंग कैपेसिटी कितनी है सैनिटेशन फैसिलिटीज क्या है वो सब देखती है सरकार वो सब देखने का बाद फिर सरकार देखती है कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो कैसा है है या नहीं है जान लेवा है या नहीं अगर जान लेवा है तो फिर अपनी खुद की लेबर रखो ना यार खुद की लेबर रखो और फिर सरकार ये देखते है कि ये जो काम आप करा रहे हो क्या ये रेगुलर लेबर के थ्रू होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू ड्यूरेशन कितनी है अगर तो काम पंद्रह बीस दिन महीने का है तो ठीके ठेके वाली लेबर भी क्यों लेते हो कैजुअल लेबर ले आओ दिहाड़ी की लेबर अगर काम छह आठ दस महीने का है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लो अगर दस साल के लिए आपको चाहिए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों रख रहे हो रेगुलर लेबर रखो दस साल के लिए तो तो इसका मतलब क्या है सरकार देखेगी कंडीशन है सरकार देखेगी प्रोसेस या आपका प्रोसेस कैसा है हजारडस है नॉन हजारडस है फेटल है नहीं है और दूसरी बात तीसरी बात कि आपका जो काम है वो किस प्रकार की लेबर से कराना चाहिए रेगुलर से या कॉन्ट्रैक्ट लेबर से ये सारी चीजें सरकार देखने वाली है क्लियर है बेटा सबको क्लियर है जी सबको बोलो जी तन बेटा तो यहां पर आई होप कि हम सब लोगों को बहुत बहुत अच्छे से सारी की सारी कहानी समझ आ गई ठीक है जी डन तो अगर अब हम, हम यहां देखें अगर हम अब यहां देखें तो हमें सारे के सारे सेक्शन नंबर्स भी अच्छे से याद हो गए ये फिफ्थ वाला जैसा मैंने कहा हमारे लिए है नहीं और इसके अलावा ये सब हमें याद हो गया एक बार मैं दोबारा बोलू मेरे को बताओगे दोबारा तीन, तीन, या तीन छोड़ो से से आते हैं इंपॉर्टेंट अप्लाई किया आठ रेवोकेशन नो नॉन इफेक्ट दस अबोलिशमेंट ग्यारह एल ओ बारह अप्लाई किया तेरह में लाइसेंस मिल गया चौथा में रेवोकेशन पंद्रह में अपील सोलह में कैंटीन सत्रह में रेस्ट रूम अठारह में अदर फैसिलिटीज धोना कपड़े धोना और पानी पीना उन्नीस के अंदर फर्स्ट एड बीस के अंदर फैसिलिटीज देगा नहीं तो, प्रिंसिपल देगा तो पैसे कर लेगा, 21 में, 22 में पेनल्टी, पेनल्टी बाईस में, में वो ऑब्सट्रक्शन वाली थी चौबीस में पच्चीस में ऑफेंसेस बाय कंपनी छब्बीस में लिमिटेशन पीरियड अट्ठाइस में इंस्पेक्टर के राइट्स और उनतीस के अंदर के अंदर आ आ गया वो और करने वाली बात और फिर गए से लेके सेवेंटी थ्री तक हाँ सर सारे के सारे सेक्शन नंबर्स वन जो हो गया ऑब्जेक्टिविटी का टू हो गया डेफिनेशन का थ्री हो गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का और फोर हो गया स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का यस सर बच्चा कह रहा आर्टिकल 39 वो इस का है आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल वर्क वो लेकिन कॉमेंट डाल देते हैं तो वो दो घंटे पीछे चल रहे लेकिन कॉमेंट उनका प्रेजेंट में आ रहा है ना क्लियर है जी यस सर एब्सोलूटली तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से खत्म हो गया अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद ब्रेक कितनी देर की सर 145 फोर्टी फाइव ख्याल से और मुझे लगता है कि अगर मैं आपको लंच ब्रेक 30 मिनट की दे दूं तो काफी है बोलो जी 30 मिनट की मिनट ब्रेक दे दूं तो काफी है बोलो अगर 30 मिनट्स की लंच ब्रेक दे दूं तो मेरे को लगता नहीं कि इससे ज्यादा आपको चाहिए बोलो जी थर्टी मिनट्स की लंच ब्रेक दे दूं चलेगा बच्चा कह रहा है सर फोर्टी मिनट फोर्टी फाइव मिनट ज्यादातर बच्चे फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स पर गाना गा रहे हैं ज़्यादातर बच्चे फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट पर गाना गा रहे हैं देखो मुझे दो चैप्टर्स और कराने हैं और दो चैप्टर्स में मुझे ढाई से तीन घंटे तीन घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे तो इसका मतलब चलो आप ढाई बजे में मिलते हो तो मैं पाँच साढ़े पाँच बजे तक आपको करा दूंगा ठीक है ठीक है डन तो ठीक है हम वापस मिलते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्लास विल रिज्यूम एट टू थर्टी क्लास विल रिज्यूम एट टू थर्टी दो बजे ब्रेक मिलनी थी आधे घंटे की अब एक्चुअली में टॉपिक खत्म हो गया तो तुमको लालच आ गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कह रहे हैं सर तीस मिनट की दे दो कम कर दू जल्दी बोलो कम कर दू कम कर दू चलेगा जल्दी बोलो सवा दो कर दू यार ऊपर बच्चों ने पैंतालीस मिनट चालीस मिनट किया अब मैंने दे दिया फिर बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कम कर दो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर रहने दो चलो ठीक है टू थर्टी में मिलते हैं थोड़ा मुंह हाथ भी धो लेना क्या दिक्कत है राइट मेन पांच चैप्टर था उसको अच्छे से करना है कर लेते हैं आ जाओ चलो ढाई बजे मिलते हैं टेक केयर थैंक यू हेलो जी क्या हाल है बच्चे वेलकम बैक एम आई विजिबल एंड ऑडिबल जी बताइए क्या मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूं बेटा वापस आ गए हैं सारे सर yes, हाँ जी तो इधर देखने बेटा ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया इक्वल रेमंड्रेशन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर देन कॉन्ट्रैक्ट अब अपना पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट शुरू करने लगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स अब हम इस पे आ रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स सर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की जब हम बात करते हैं तो ये आ गया हाँ जी तो एक बार अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो सो so हम लोग अपने फुल पेस पे आ सके जी बोलो जी एक बार कमेंट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो फिर हम शुरू करें पहले हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े से बड़े टॉपिक्स पेमेंट ऑफ मिनिमम एक्ट करेंगे ठीक है पेमेंट ऑफ विजजेस एक्ट 1936 क्या बोलता है आइए ध्यान से समझते हैं पेमेंट ऑफ विजजेस एक्ट 1936 सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताइए ध्यान से सुनिएगा 1936 की बात है 1936 इसका मतलब आप समझ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले सर जब हम बात करते हैं 1936 की तो उस टाइम पर क्या था उस टाइम पर ना बॉटर सिस्टम बहुत ज्यादा चला करता था उस टाइम पर जमाना किसका था बॉटर सिस्टम का तो वाटर सिस्टम में क्या होता था कि जी आप मेरे यहाँ पर जॉब कर रहे हो मैं आपको कभी चावल दे रहा हूँ कभी कपड़ा दे रहा हूं कभी दाल दे रहा हूं कभी गेहूं दे रहा हूँ तो लेबर को वेजेस नहीं मिलती थी लेबर को वेजेस की जगह पर चीजें मिल जाया करती थी यस सर ये वाली बात हमें अच्छे से समझ आई तो उस टाइम पर हमारी सरकार को ऐसा रियलाइज हुआ यार लेबर को वेजेस भी मिलनी चाहिए तब जाके पेमेंट ऑफ वेजेस आता आया इट इज अट्रल लेन पार्लियामेंट ने बनाई है पेमेंट वेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है जैसे इक्वल रेमेशन एट ऑल क्लासेस ऑफ सर्टन क्लासेस के लिए, था। ये के लिए के भाई कुछ क्लासेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट्स ऐसी है जहां पर आपको वेजेस पे करनी पड़ेगी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों की माल प्रैक्टिसेस को कम करना जो लोग बाटर सिस्टम से ये एक तरीके की माल प्रैक्टिस ही थी ना कि लोग पैसे ही नहीं देते थे तू क्या करेगा पैसे तेरे को जो चाहिए वो सब कुछ मिलता रहा तेरे को जो चाहिए सब कुछ मिलता रहा है लेना ले नहीं तो दूसरे बंदे को रख लेंगे हम तो लोग ना एम्प्लॉयर्स ऐसे किया करते थे और आपको पता है कैश ना सबको पसंद होता है सबको कैश पसंद होता है अभी जब मैं बीच में ऑफिस के काम से ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बोलता था कैश तो वो बोलते थे आई लव कैश तो दो तीन जगह मैंने कैश दिया तो वो बोलते थे आई लव कैश मैं कार्ड यूज करता नहीं रहा तो फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ कैश की बड़ी डिमांड है फिर मैंने कैश डिस्काउंट मांगना शुरू किया जैसे मानो हंड्रेड डॉलर किसी का बिल बना मैंने कहा आई गेट समाउट फाइव डॉलर तो इसका मतलब क्या कैश सबको पसंद है करेंसी सबको पसंद है यही हमारी सरकार को रियलाइज हुआ कि यार लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं उन्हें जो पेमेंट है ना वो उनकी उनकी मर्जी से मिलनी चाहिए ताकि वो जहां चाहे वहां खर्च सके आपने कपड़ा दे दिया आपने उसको खाने की चीजें दे दी भाई हो सकता है उसे वो ना चाहिए हो तो गवर्नमेंट को रियलाइज होगा कि जो मॉल प्रैक्टिस चल रही है बाटर सिस्टम वाली उसे कम करना चाहिए खत्म करना चाहिए और उसकी जगह पेमेंट ऑफ वेजेस का सिस्टम लाना चाहिए तो गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लाया पूरे इंडिया में अप्लाई होता है अब जब आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करते हो तो इसके अंदर ये देखिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे समझिए ऐसे समझिएगा मैं आपको यहाँ इंडेक्स से बताता हूं ये देखिए देखिए कौन देगा कितने टेन्योर की देगा कब देगा कैसे देगा ये बात समझ आ रही है हु विल पे फॉर हाउ लॉन्ग ही विल पे वेन विल बी पेड एंड हाउ विल बी पेड सेक्शन तीन चार पांच छ कौन रिस्पॉन्सिबल है लेबर को वेजेस देने के लिए कितने समय की वेजेस मिलेंगी कौन सी तारीख तक मिल जाएंगी और कैसे मिलेंगी राइट right? अब ये चार चीजें जो है दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इधर देखिएगा मैनेजर देगा आपको पता है फैक्ट्री में मैनेजर और ऑक्यूपायर होता है रेलवे में जो पर्सन नॉमिनेटेड बाई रेलवे रेलवे में जो भी नॉमिनेटेड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में पर्सन इन चार्ज अब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो खुद पर्सन इन चार्ज होता है या वो किसी को ऑथराइज करेगा कॉन्ट्रैक्टर या उसका बंदा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या उसके बंदे के सामने लेबर को वेजेस देता है इंडस्ट्रियल तो फैक्ट्री में ऑक्यूपायर मैनेजर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर में पर्सन इन चार्ज इंडस्ट्रियल में सुपरवाइजर कंट्रोलर अदर केसेस में एम्प्लॉयर इन सब लोगों की ड्यूटी है को पे करना ओके okay, सर ये बात समझ आ गई

यहाँ लिखते थे नॉमिनेटेड पर्सन ऐसे करके ना यहाँ पर लिख दिया जैसे आ, वो मैनेजर एम्प्लॉयर राइट पर्सन इन चार्ज और फिर आप इसको मैथ द फॉलोइंग करो पांच नंबर का ये आता था कभी कभी बड़ा अजीब भी लगता था कि पांच नंबर का ये क्वेश्चन लेकिन एट दी सेम टाइम ये भी लगता था कि भाई इसमें स्कोर करना मुश्किल है मैच द फॉलोइंग मैंने आज तक सिर्फ सीएमए के ही पेपर में देखा है खैर ये समझ आ गया कि ये सब लोग जो हैं

मतलब मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता वेज पीरियड मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयर बोले जी आपकी वेजेस इतनी है हम आपको क्वार्टरली देंगे साल में चार नो दैट इज नॉट अलाउड इंडिया में अलाउड नहीं है इंडिया में जो वेजेस का कल्चर चलता है वो चलता है मंथ का हालांकि अब्रॉड में जो चलता है वो चलता है वीकली अब्रॉड में सारी चीजें वीकली चलती है ई भी वीकली चलती है हर चीज वीकली चलती है यहाँ पर मंथली चलती है तो सेक्शन थ्री क्या बोलता है कि कौन देगा वेजेस और सेक्शन फोर क्या बोलता है कितने समय की वेजेस देगा अब यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन नंबर फाइव सेक्शन नंबर फाइव क्या बोलता है जो भी बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं सर कब मिलेगी वेजेस वेजेस मिलेगी कब कहता है अब ये देखिए दी गई है है सेक्शन की बात करता है। अगर हजार से कम एम्प्लॉइज है तो अगले महीने की सात तारीख को लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर में उल्टा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हजार से कम थे तो अगले महीने की दस तारीख को इसका क्या मतलब हुआ सर अगर हजार से कम एम्प्लॉयज आठ सौ एम्प्लॉइज है ना आठ सौ एम्प्लॉइज है तो अक्टूबर की सैलरी कब तक मिल जाएगी ऑफ नवंबर तक अगले महीने की सात तारीख तक हजार एम्प्लॉय उससे ज्यादा है तो अगले महीने की तक। तो अगर है है तो 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 अगले महीने की तारीख तक अगर हजार अक्टूबर की सैलरी मिलेगी दस नवंबर तक अगर आप डॉक वर्कर हो या माइन वर्कर हो तो आपको प्रोजेक्ट वाइज मिलते हैं जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वहां से सात दिन के अंदर अंदर डॉक होते हैं जो डॉक वर्कर होते हैं जो डॉक पे काम करते हैं जेटी के पास जो सामान चढ़ाने उतारने का काम करते हैं जो शिप से राइट आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हुई है तो वहां से डे मतलब अगर आज आपको बाय कर दिया तो कल परसों परसों तक आपको मिल जाएगी और अगर एस्टेब्लिशमेंट ही क्लोज हो गई है तो अगर एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो गई है तो क्लोजर से सेकंड डे आठ बंद हो गया तो कल कल के बाद परसों परसों तक आपको मिल जाएगी हाँ सर ये वाली बात तो हमको समझ आ गई क्या समझ आ गई एक बार दोबारा से बताओ क्या समझ आ गया सर देखो अगर अगर लेस देन थाउजेंड है तो सात तारीख अगर थाउजेंड और मोर है मोर देन इक्वल टू है तो दस तारीख सर अगर डॉक वर्कर्स है या माइन वाले हैं तो कंप्लीशन से सेवन डेज सर डेज फ्रॉम कंप्लीशन सर अगर हमने उसे टर्मिनेट कर दिया है तो सेकेंड डे और सर अगर क्लोजर हो गया तो वहां से भी सेकेंड डे क्लोजर से कल का दिन या टर्मिनेशन से कल का दिन और फिर परसों का दिन हाँ सर ये वाली बात हमको अच्छे से समझ आ गई

तो मैंने देखा है जो बेजेस वाला दिन होता है ना उसमें दोपहर को तीन बजे के बाद काम नहीं होता फैक्ट्री में मान लो हजार लेबर अब हजार लेबर लाइन लगाएगी तो सौ सौ करके लेबर जाती है तो मतलब तीन से चार सौ लेबर गई फिर चार से पांच सौ लेबर गई फिर पांच से छह सौ लेबर गई ऐसे होता है या दो दो सौ करके जाती है और एक से ज्यादा कैशियर बैठे होते हैं तो मैंने खुद ऐसी फैक्ट्रीज देखी है जहां पर कैश में पेमेंट दी जाती है

आज के टाइम में सिंपल क्या ये अमेंडेड ही बस मैंने ये अब कह रहा आज के टाइम में आप कैसे कर सकते हो आप उनको कैश दे सकते हो आप उनको चेक दे सकते हो आप उनके अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो लेकिन एक चीज याद रखिएगा अगर कैश दे रहे हो तो अप टू टेन थाउजेंड हो सकती है मतलब लेस देन टेन थाउजेंड अगर लेस देन टेन है तो ही आप उसे कैश दे सकते हो अरवाइज आपको उसे चेक में देनी पड़ेगी या उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करानी पड़ेगी समझ आ गई बेटा बेटा ये बात सबको दन सबको डन जी एम आई क्लियर क्लियर विद दिस है राइट अंजलि डागर ने कमेंट किया है एंड आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है कि ये कॉमेंट गलत किया है बच्चे ने क्योंकि बच्चे आप जो एक्ट का नाम ले रहे हो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप लिख रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप शायद लेट आए हो सब लोग को क्लियर है ना ये वाली बात मैंने आपको जब ये वाली बात बताई तो मैंने बड़ा क्लियरली कर दिया कि यहाँ पर सात तारीख है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में में तारीख थी याद है ना सबको यस सर एब्सोल्युटली तो ये वाली बात हमको समझ आ गई कि आप कैश दे सकते हो लेकिन अगर लेस देन टेन थाउजेंड है तो चेक या अकाउंट में अच्छा इसमें चेंज क्या आया है पहले क्या होता था अगर आपको चेक में चेक से पेमेंट करनी है या अकाउंट में डालनी है तो उसका रिटर्न ऑथराइजेशन चाहिए होता था आज के टाइम में कोई रिटर्न ऑथराइजेशन नहीं चाहिए याद रहेगा आपको मैं यहां लिख रहा हूँ स्पेशली नो रिटर्न ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड नो रिटर्न ऑथराइजेशन फॉर पेमेंट थ्रू चेक और नो रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉई फॉर पेमेंट थ्रू चेक और क्रेडिटिंग इनटू अकाउंट क्रेडिटिंग इनटू अकाउंट सर कोई भी रिटर्न ऑथराइजेशन नहीं चाहिए अगर आप इंप्लॉई को चेक से पेमेंट देना चाहते हो या आप उसके अकाउंट में डालना चाहते हो पहले चाहिए होती थी अब नहीं चाहिए हाँ सर ये वाली बात समझ आ गई ठीक है जी यहां तक हमें बात समझ आ गई तो सेक्शन नंबर थ्री क्या कह रहा है कौन देगा अगले महीने की सात अगले महीने की दस तारीख काम पूरा होने के सात दिन टर्मिनेशन या क्लोजर के दो दिन और हमने ये भी पढ़ा कि जो वेजेस है वो छुट्टी वाले दिन नहीं मिलेगी छुट्टी वाले दिन स्पेशली पैसे लेना वैसा नहीं होगा और इसके बाद सेक्शन नंबर सिक्स क्या कह रहा है फाइव क्या कह रहा था हमारा फाइव हो गए टाइम लाइन वाला टाइम कितने किस किस डेट पे मिलेगी और सिक्स हो गया वेजेस जो है वो करेंसी नोट में ले सकते हो कैश में ले सकते हो लेस देन टेन थाउजेंड है अगर टेन थाउजेंड है उससे अब, अब, अब है, तो आपको क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में या चेक मिलेगा और दोनों ही केसेस में एम्प्लॉयर को आज के टाइम में आपसे कोई ऑथोराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है यस yes, सर ये बात हमें बहुत, बहुत 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 अच्छे से समझ आ गई क्लियर है बेटा सबको हाँ जी डन सर अब यहाँ सेक्शन सेवन आता है जो बड़ा ही है और इसका रेफरेंस ना इसका रेफरेंस आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर भी देखा था इसका रेफरेंस आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नाइनटीन के अंदर भी देखा था यस सर देखिए क्या कह रहा है कहता सर आप ये बताइए कि आप है, आप एम्प्लॉय को वेजेस देते हैं आप उसकी वेजेस में से क्या क्या पैसा काट सकते हैं कहते हैं सर अगर उसने कोई गलती की आपने फाइन लगाया है वो आप काट सकते हैं सर क्या फाइन लगा सकते हैं हाँ मान लो उसने हमारे ऑर्डर का

रास्ते में कुछ लगा और वो स्क्रीन पूरी टूट गई पैंसठ हजार रुपए का खर्चा क्या मैं वो नुकसान भर सकता हूँ बिल्कुल भर सकता हूँ भाई सर ऐसे कैसे लगे आप कितने लोग होते हैं संख्या आप क्या करोगे कुछ लोग संख्या होते हैं है। बट पॉइंट ये ना कि बीस हजार रुपए की उसकी रेमेंड्रेशन थी उस टाइम पे पैसठ का नुकसान कर दिया आप क्या करोगे राइट right? आगे कह रहा है, लोन है से काट रहे मेरे में बंदा है, उसने कहा सर मेरे को जरूरत है, है घर पे दस हजार रुपए हर महीने मेरी रेमेंडेशन से काट लेना तो मैं ऐसा कर सकता हूँ प्रोविडेंट फंड का पैसा काटता हूँ आपको है अगर आपकी सैलरी थर्टी है और आप प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर हो तो रुपए आपकी तरफ से तीन हजार्टमेंट तो के पास के के जाएगा अच्छा ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक चीज देखी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ एम्प्लॉयर पे करता है देता है ग्यारह परसेंट एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता पीएफ का सर आप टीडीएस भी काटते हो बिल्कुल जी आपको टीडीएस भी काटना पड़ेगा Employees का contribution काटना पड़ेगा अगर employees Act 1948 के अंदर कवर होते हैं या तो employee में आपको पता है ये भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई को और वो एम्प्लॉय जो है अगर उसको चोट लग जाती है तो या तो उसका इलाज ई एस आई हॉस्पिटल में होगा ई एस आई एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट में या इसी ए के अंदर वो इलाज कराएगा और एम्प्लॉय उसको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे दिलवाएगा दोनों तो में से आप एक जगह कवर होते हो ईएसआई में ना मेटर्निटी इंक्लूड होती है मतलब अगर कोई में होते तो फिर आपको मेटर्निटी बेनिफेटफिट एक्ट अलग से लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ देखिएगा इधर एक एक्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन आप इन दोनों में से किसी एक में कवर होते हो वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर इट इंक्लूड्स एज वेल मतलब अगर कोई इम्प्लॉ है वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको मेटर्निटी में जो भी डिलीवरी वगैरह वो वो सब कराने वो सब कराने इसमें इंक्लूड होता है लेकिन जब हम उसको सारे बेनिफिट लेकिन जब आप एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट में कवर होते हो ई में नहीं होते तो वहां तो मेटर्निटी है यहां मेटर्निटी नहीं है तो फिर आपको मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट नाइनटीन अलग से आप पे एप्लीकेबल होता है आई होप ये बात हमें समझ आ रही है जी बोलो जी यहां तक हमें बात समझ आई कि अगर आप एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट में मेंबल कवर होते हो तो आपको मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में भी बेनिफिट मिलेंगे अगर आप ई में कवर होते हो तो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में नहीं मिलेंगे क्योंकि ई में ऑलरेडी मेटर्निटी के सारे बेनिफिट इंक्लूड किए गए हैं क्लियर है बेटा सबको डन यस सर एप अब हम आते हैं वापस फाइन का पैसा हमने काट लिया छुट्टी का बिना बताए छुट्टी का हमने काट लिया डैमेज का हमने काट लिया लोन एडवांस का हमने काट लिया प्रोविडेंट फंड का काट लिया टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्मी का काटते हैं भी काट लिया इसके अलावा कहता है उसका एल आई सी वगैरह का कई बार वो इंश्योरेंस कराता है बोलता है मेरी सैलरी से करा कई बार ऐसा होता है कि आप इंश्योरेंस कराते हो सी वगैरह से और आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को बोलते हो कि मेरे इंप्लॉयर से ही हर महीने प्रीमियम पैस का पैसा ले लेना तो वो भी वो भी काटता रहता है वो और मंथली प्रीमियम पे कर सकते हो आप हाफ ईयरली करते हो तो इंप्लॉयर काटता रहता है और फिर एक बार इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके पे पे कर देता है इसके अलावा कहता है कोई भी और अदर अमाउंट विद ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय मेरा एक एम्प्लॉय था वो मेरे से लेता था पच्चीस हजार रुपये पर मंथ तो वो क्या करता था पंद्रह हजार रुपये पर मंथ में मेरे पास जोड़ता था कि सर मैं यहाँ गाँव जाऊंगा ना तो गाँव में ना सर वो लेंटल डलवाना छत डलवानी है एक साल बाद जाऊँगा तो सर एक लाख अस्सी हजार रुपये लेके जाऊंगा तो आप मुझे दस हजार ही दोस्त ज्यादा मत दो मेरे से खर्च हो जाता है तो पच्चीस वाला बंदा लेता दस था पंद्रह हर महीने जोड़ता था और वो पंद्रह जोड़ता था तो वो एक साल बाद एक लाख अस्सी हजार हो जाता था फिर मैं उस एक लाख अस्सी हजार में से पच्चीस परसेंट अपनी और डाल देता था क्योंकि उसने पूरा साल पैसा लिया नहीं नॉर्मल व्यवहार क्या बोलता है कि भाई ब्याज तो होता है ना साल का कुछ तो मैं क्या करता था उसको पच्चीस परसेंट उसमें और डाल देता था तो एक लाख अस्सी हजार में पच्चीस परसेंट और डाल के मतलब फोर्टी फाइव था तो सवा दो लाख रुपए वो लेके जाता था और अपने घर में काम करवा लेता था, था तो वाज विद द रिटर्न ऑथराइजेशन ऑफ एम्प्लॉय इसके अलावा कहता है जो भी आप उसको एम्यूनिटीज देते हो आप उसके लिए पैसे काटते हो हाँ कई बार जैसे मैंने कहा कि वो फ्री फूड वगैरह देते हैं कई बार एम्प्लॉई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कुछ रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे काटता है लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप एम्प्लॉयर हो और आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो आप उसके पैसे काटोगे ये वाले पैसे काटने के बाद ऐसा ना हो कि उसके बाद कुछ बचे ही ना पता चला कि उस बेचारे की सैलरी चार हजार थी काटने के बाद का अगर तो सोसाइटी में काम करो तो आपकी फिफ्टी परसेंट सैलरी आफ्टर डिडक्शन उसको देनी पड़ेगी मतलब एक नॉर्मल बिजनेस की अगर हम बात करें एक नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो मैं वहां काम करता हूँ तो आप मेरे आधे से ज्यादा पैसे नहीं काट सकते वो जो मेरा इंप्लॉई कटवाता रहा पच्चीस से पंद्रह रख लो सर दस मेरे को दे दो वो एक्चुअली में गलत है क्यों क्योंकि पचास परसेंट से ज्यादा यानी कि साढ़े बारह से ज्यादा वो मेरे पास रखवा नहीं सकता था लेकिन ठीक है भाई हमारा ओरल था मामला तो कोई दिक्कत थी नहीं तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो तो सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द अमाउंट तक आप डिडक्ट कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज का लेकिन अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप डिडक्शन के बाद पचास परसेंट पैसा तो उनको दोगे ही दोगे यस yes, सर ये वाली बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई एक बार इस चार्ट को देखो इस चार्ट में कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज इस चार्ट में कोई भी डाउट है तो आसमिन आओ Only society में 75 दिया हुआ। क्योंकि societies के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज्यादातर वही लोग काम करते हैं तो उस केस में उन members को फॉर्म ऑफ बोनस इन फॉर्म ऑफ जो जो जैसे एक, एक दूध वालों की कोऑपरेटिव सोसाइटी है मिल्क मैन की कोऑपरेटिव सोसाइटी अब उसमें वो दूध वालों ने दूध दिया और दूध दिया और उस दूध को आगे कॉपरेटिव सोसाइटी भेजती है और पैसा आता उनको दे है तो उसके अंदर ना ऑलरेडी वो अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडीटिव सोसाइटी के थ्रू सेल कर रहे होते हैं जो इम्प्लॉइज होते हैं तो इसलिए रेमेंडेशन कट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका मेन मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेन सोर्स ऑफ इनकम तो वो गुड सेंट सर्विस है वो कॉपरेटिव सोसाइटी के थ्रू किसी और को सप्लाई कर रहे हैं क्लियर है जी डन यस सर यूटली अब देखिए आगे क्या कह रहा है हाँ सर ये वाली बात हमको बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छे से समझ आ गई है क्लियर है समझ आ गई अब देखिए क्या कह रहा है अब यहां पर कह रहा है फाइन फाइन को लेके इंपॉर्टेंट प्रोविजन सुनिएगा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइन को लेके क्या बोल रहा है देखिए कहते हैं सर अभी आपने बड़ा फाइन इज वन ऑफ दी काइंड ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन सेवन हाँ सर फाइन एक तरीके की डिडक्शन है कहते हैं सर देखो सबसे पहली चीज तो पंद्रह साल से छोटे बच्चे पे फाइन नहीं लगेगा सर पंद्रह साल से छोटा बच्चा काम कर सकता है हाँ। भाई लेस देन से आप काम नहीं करा सकते ना प्लस चौदह और मोर देन इक्वल टू फोर्टीन से तो आप काम करा ही सकते हो तो चौदह साल या उससे बड़ा बच्चा जब काम कर रहा होता है तो मान लो आप सोलह साल के हो सत्रह साल के हो तो आप पे फाइन लग सकता है लेकिन अगर आप साढ़े चौदह साल के हो पंद्रह से छोटे हो चौदह से बड़े हो लेकिन पंद्रह से छोटे हो तो उस केस में कहते हैं कि सर आप पे किसी भी प्रकार प्रकार का फाइन नहीं लगाया जा सकता अमन कह रहा सर ऊपर आपने पेमेंट ऑफ एम्यूनिटीज बोला मैंने कहा ना अभी आपको फ्री मील मिलती है अभी ऑफिस की यूनिफॉर्म मिलती है आपको रहने का फ्री में मिलता है राइट तो ऐसी बड़ी सारी चीजें आपको मिलती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई सारे ऑफिस देखता हूँ जहां पर आपको एक रुपए में था, थाली मिलती है तो पूरा महीना आपने काम किया पच्चीस दिन तो आपको पच्चीस रुपए कर जाएंगे आपकी सैलरी से मतलब खाना एक तरीके से फ्री में ही है बस वो एक रुपया चार्ज करते हैं कई जगह पे मैंने देखा वो दस रुपए चार्ज करते हैं खाने की थाली दो रुपए की होती है लेकिन आपको सिर्फ दस रुपए में मिलती है तो महीने बाद टू फिफ्टी आपकी सैलरी से कट जाते हैं तो वो काइंड ऑफ इम्यूनिटीज हो गई राइट काइंड ऑफ इम्यूनिटीज एक बच्चा कह रहा है सर ईएसआई समझ नहीं आया भैया बेटा ईएसआई और ईसीए ना दो अलग अलग कानून है देखो इधर देखो इधर एक मूवी देखी थी बचपन में मैंने जिसका नाम था जिसका नाम था नाम क्या था उस मूवी का अवतार 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 राम अवता हाँ, अवतार उसमें क्या था वो वो होते हैं क्या नाम है आपका राजेश खन्ना साहब होते हैं उनकी वाइफ होती है शबाना आदमी उनके बच्चे होते हैं गुलशन ग्रोवर वगैरह

और इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो मेटर्निटी भी इंक्लूडेड होती है हाँ ई में ऐसा होता है कि आपका कोई हादसा हो गया आप हैंडीकैप हो गए अब आप जा ही नहीं सकते तो सारी जिंदगी आपकी दवाइयाँ चलेगी उस दवाइयों का पैसा आपको मिलेगा तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ In short, moral of the story is, अफनान कह रहा सर, मैंने आपसे पढ़ा था उसमें आपने ये वाली दिखाई थी yes, absolutely correct, सही रहे हो तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर एम्प्लॉई है एम्प्लॉई का एक्सीडेंट ना हो जाए कोई हादसा ना हो जाए ये चीज दो में कवर होती है या ईसीए या ई एस आप दोनों में से एक में कवर होते हो अगर आप ईसीए में कवर हो तो मेटर्निटी बेनिफिट भी अलग से आपको मेटर्निटी बेनिफिट के एक्ट भी लगेगा आप पे क्योंकि

बाद में इंप्लाइज कॉम्पनसेशन हो गया और ई मतलब इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट सर क्या ये दोनों के दोनों कानून हमारे कोर्स में है यस yes, एबसलूटली आपके कोर्स में दोनों के दोनों लॉ है ठीक है चले आगे हमें हाँ, क्या कहता है चौदह साल से छोटा बच्चा जो है मतलब पंद्रह से छोटा बच्चा जो है उस पर आप फाइन नहीं लगाएंगे

50%, 75 बच्चा कहता है, सर वो का था वो सारी डिडक्शंस का, का, तो का? तो का, का सर इसका मतलब फाइन का तो अभी भी सिर्फ तीन परसेंट ही है तीन परसेंट से ज्यादा फाइन जो है वो नहीं लगाया जा सकता तो पहली बात पंद्रह साल से छोटे बच्चे पे कोई फाइन नहीं लगेगा दूसरी बात तीन परसेंट से ज्यादा फाइन

पढ़ेगी आगे कह रहा है कि सर जो भी फाइन आप काट रहे हो उसका रजिस्टर एक अलग मेंटेन करोगे और आपको एक ध्यान से समझना मेरी बात इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इधर देखिएगा इधर इधर सुनिए एक ना एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ने उसको बोला गवर्नमेंट ने कि भाई आप थ्री डेज के लिए राजस्थान आओ राजस्थान बुलाया फ्रॉम दिल्ली ठीक है राजस्थान बुलाया फ्रॉम दिल्ली अब एम्प्लॉय कहता है तुमने बिना बताए तीन दिन की मांग ली एम्प्लॉयर कहता है मैं फाइन लगाऊंगा के नहीं सकता। मतलब जो भी काम ने किया है अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किया है या ऑन दी ऑर्डर जरूरी नहीं है अप्रूवल ऑन दी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट किया है तो उसके लिए भी आप पैसे नहीं काट सकते उसके लिए भी आप कोई फाइन नहीं लगा सकते समझ आ गई जी बात सबको Make sense? Yes, sir, absolutely. तो अगर मैं आपसे कि सेक्शन नंबर पांच क्या था कौन कौन सी डेट को देगा सेक्शन नंबर सिक्स क्या था डिडक्शन का आ, नहीं सेक्शन नंबर गड़बड़ हुई सेक्शन नंबर तीन कौन सा था सेक्शन नंबर तीन था कौन देगा बेजिस सेक्शन नंबर चार क्या था सर सेक्शन नंबर चार था के कितने पीरियड की देगा एक महीने से ऊपर की पीरियडिसिटी नहीं हो सकती सेक्शन फाइव क्या था सर टाइम टाइम पीरियड के कौन कौन सी तारीख को पेमेंट मिलेगी सिक्स था कैश में मिलेगी करेंसी नोट्स में मिलेगी या अकाउंट में भी क्रेडिट हो सकते हैं या चेक मिल सकता है सेवन था डिडक्शन और एट था फाइन यस क्लियर है सबको बोलो जी डन एम्प्लॉयर कौन है सर मंथली वेजेस मिलेंगी मंथली या मैक्सिमम मंथली इससे ज्यादा की नहीं सर डेट्स क्या है सर ये हो गया हमारा करेंसी नोट्स वाला करेंसी नोट्स सर ये हो गया हमारा डिडक्शन वाला और ये हो गया हमारा फाइंस वाला यस yes, सर ये वाली बात हमको समझ आ गई एब्सोल्यूटली चलो आगे तो एक बार अगर हम ऊपर अपने इंडेक्स पे चले जाते हैं तो इंडेक्स पे जाके हमको पता चलता है लो जी इंडेक्स पे जाके हमको पता चलता है तीन कौन देगा चार कितने टाइम पीरियड पीरियडा पांच कौन कौन सी डेट को देगा छठी मीडियम क्या है सातवा डिडक्शन और आठवा फाइन तो जल्दी बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट यहां तक किसी को भी कोई डाउट 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 ले लो डाउट एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी हमें पता चल गया पूरे इंडिया पे अपला इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर नो डाउट सर कोई डाउट नहीं है सर चले आगे यस सर एब्सोल्युटली चलो तो अब देखिए जी क्या कह रहा है अब अब क्या कह रहा है ये अब आते हैं हम सेक्शन नंबर आठ के बाद आगे सर आठ के बाद आता है सेक्शन नंबर हमारा तेरह ए

जब लेबर ऑफिसर आता है तो वो आपसे रजिस्टर ऑफ आप वेजेस जरूर मांगता है आपको फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन में करना पड़ता है और उसका आपकी ब्रांच वही होना चाहिए तो सिंपल है सर 3 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना किसको कितना पैसा दिया किसे कितना पैसा काटा है किससे मतलब एम्प्लॉई से राइट सर एब्सोल्युटली हम अब इसके बाद यहां पर आता है एक आपका सेक्शन नंबर 15

तो सर अगर वो नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ देखिए इधर देखिएगा तो इम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन कमिश्नर होगा या रीजनल लेबर कमिश्नर होगा या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होगा दो साल का एक्सपीरियंस प्रसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट का हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर हो सकता है इसको दो साल का एक्सपीरियंस होगा सिविल कोर्ट का जज हो सकता है सरकार इनमें से किसी को भी एक बंदे को या एक से ज्यादा को अपॉइंट तो दो साल का एक्सपीरियंस नहीं तो सबसे पहली बात क्या है कि ऑफिसर एक सरकार एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसके बाद जाके आप कंप्लेट लॉन्च कर सकते हो कि आपको सैलरी लेट मिल रही है या आपको नहीं मिल रही है आप कहता है वो इम्प्लॉई या लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वो इम्प्लॉई या उसका वकील वो जाएंगे ट्रेड यूनियन के पास सर हर ऑर्गेनाइजेशन में ना ट्रेड यूनियन होती है ट्रेड यूनियन होती है रजिस्टर्ड होती है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स आपकी फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उसमें से दस परसेंट लोग मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं मान लो आठ सौ लेबर है आठ सौ का दस परसेंट कितना हो गया अस्सी तो अस्सी लेबर मिलकर अस्सी लेबर मिलकर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं क्या बात कर रहे हो सर कहा और फिर सर ऐसे तो 800 लेबर है अस्सी दूसरी अस्सी मिलके एक और ट्रेड यूनियन बना सकते हैं तीसरी मिलके एक और हाँ तो सर मतलब एक कंपनी में या एक स्टेब्लिशमेंट में मल्टीपल ट्रेड यूनियन हो सकती है बहुत सारी लेबर अपने अपने ग्रुप बना के अलग अलग आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे प्रेशर डालती है वो, तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर कराती है खुद को तो अगर इम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय को कंप्लेन करनी है एम्प्लॉय परेशान हो रहा है तो वो ट्रेड यूनियन के पास जाएगा और ट्रेड यूनियन जो है वो उस ऑफिसर के पास ये जो सरकारी ऑफिसर है सरकारी बाबू इसके पास जाएगी विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन कि आप कितने में जाओगे, वो नहीं दिया हुआ। लेकिन ट्रेड यूनियन बारह महीने में जाएगी मतलब जिस दिन आपके पैसे काटे, आप वकील के पास गए वकील ट्रेड यूनियन के पास लेके आपको आप सीधा ट्रेड यूनियन के पास गए ट्रेड यूनियन सरकारी बाबू के पास गई इनमें से जो लिस्ट दी गई है और इस सारे प्रोसेस में डिडक्शन से बारह महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए और अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ जी उसने गलत तरीके से पैसे काटे आपके अगर प्रूव हो जाता है उसने गलत तरीके से आपके पैसे काटे हैं बनता ही बनती नहीं था डिडक्शन काम्पनसेशन देगा जो कि पंद्रह से तीन होगा और अगर डिडक्शन है तो वो आपका अमाउंट जो उसने डिडक्ट किया था वो देगा और उसके दस गुना तक आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए लेबर को मतलब ये जो ऑफिसर है एम्प्लॉयज कॉम्पनेशन कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर ये एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है कि आप दस गुना तक इन्हें कॉम्पनसेशन तो डिडक्शन के केस में डिडक्शन का पैसा मिलेगा मिले प्लस दस गुना तक मिलेगा डिले के केस में सैलरी मिलेगी प्लस कॉम्पनसेशन मिलेगा पंद्रह सौ रुपए से लेकर तीन हजार तक कॉम्पनसेशन कब नहीं देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर तब कॉम्पनसेशन नहीं देगा अगर इम्प्लॉय के पार्ट पे गलती है भाई तो बड़ी हुई खुद ही नहीं लेने आ रहा बड़ी हुई है सैलरी आता ही नहीं है लेने एमरजेंसी थी जी कॉम्पनसेशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एमरजेंसी थी एमरजेंसी मतलब एमरजेंसी मतलब एम्प्लॉयर ने सैलरी टाइम पे नहीं दी क्यों क्योंकि भाई एम्प्लॉयर कहीं चला गया था एम्प्लॉयर पे एम्प्लॉयर पे केस हो गया था एम्प्लॉयर मुंबई गया था कोर्ट में और फिर वहां पर पुलिस ने रिमांड ले, ले लिया बारह दिन वो पुलिस रिमांड में था बारह दिन वो पुलिस रिमांड में था आप ये समझो ना शाहरुख खान का बेटा करता कुछ नहीं है चाहिए लेकिन बहुत सारी कंपनीज के अंदर वो भी और बहुत सारी फॉर्म के अंदर पार्टनर है जब वो नार्कोटिक ड्रग्स के केस में फंसा था बहुत साल हो गए तो क्या उस टाइम पर सारी की सारी जो उसकी स्टेब्लिशमेंट है वो स्टेक पे आ गई होंगी क्या सबका अमाउंट अमाउंट सब सबसे गया सैलरी वैलरी सब भाड़ में सारा फोकस किस पे था उस पर तो कई बार ऐसा होता है कि इम्प्लॉयर जो है वो एक एक हैवी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि वो हैवी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो गया इस वजह से पेमेंट नहीं जा पाई एक जनवन रीजन है इस केस में कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा या बोनाफाइड एरर या डिस्प्यूट है

जो डिडक्शन है जो जो पैसे नहीं दे, वो जानबूझ के नहीं दिए क्योंकि इंप्लॉई इससे कले चल रहा कोई फाइन डाले के या फेलियर है इम्प्लॉय के पार्ट पे कई बार बोल दिया ले जाओ वो आके ले ही नहीं था तो हम क्या करें डिडक्शन में क्या है डिडक्शन का पैसा प्लस दस गुना डिले में क्या है सैलरी प्लस पंद्रह से तीन रुपए का कॉम्पनसेशन और कहता है अगर एम्प्लॉय ने झूठी कंप्लेन की तो ऐसा कुछ ही नहीं एम्प्लॉयर बता देता है फिर भी आपने झूठी कम्प्लेन कर दी मैशियस और तो फिर उस एम्प्लॉय थ्री का जुर्माना जा सकता है, सर, बहुत, कम है 1936 में बहुत आ रहे थे 1936 में इतने पैसों में हजार गज जगह आ जाती थी उन्नीस सौ छत्तीस में इतने पैसों में हजार गज जगह आ जाया करती थी क्या बात कर रहे हो सर यस एब्सोल्युटली यस कहता है, सर जो भी क्लेम इसके अंदर बनेगा, वो आपको मतलब, जिस भी दिन आप जाओगे ना इस ऑफिसर के पास तीन महीने में वो अपना फैसला सुना देगा कि कॉम्पन वगैरह बनता या नहीं बनता ठीक है जी तो सेक्शन थर्टीन ए कौन सा आ गया सेक्शन थर्टीन ए सर थर्टीन आ गया थर्टीन आ गया तीन साल के लिए फिफ्टीन कौन सा आ गया फिफ्टीन सबसेक्शन वन क्या कह रहा है ऑफिस और है बारह महीने में जाएंगे उसके बाद डिले में कम्पनसेशन कितना मिलेगा 4 रहा? कि अगर ही गलत निकला उसकी फेक कम्प्लेट निकली कम्प्लेट निकली ये fake, fake तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा सर उस केस के अंदर तो एम्प्लॉय थ्री सेवन रुपीज का फाइन लगेगा यस सर ये बात हमको बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छे से समझ आ गई तो अगर हम ध्यान से देखें इधर ये देखिए आ जाओ भाई ये देखो जी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये बात भी समझ आ गई ये बात भी समझ आ गई और इंस्पेक्टर वाली चीज आपके कोर्स में नहीं दी गई लेकिन अगेन मैंने डाल रखी है कि इंस्पेक्टर जो है वो आ सकता है आके वही इंफॉर्मेशन मांगेगा रजिस्टर चेक करेगा इंप्लॉइज से बात करेगा वो तो जो कुछ भी मांगेगा आपको उसे देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और वो चाहे तो फोटो करा के या किताबों को सीज करके जा सकता है सेम वही वाली बात है लेकिन ये आपके कोर्स में है नहीं ये आपके कोर्स में है नहीं और ये गलत तरीके से लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखा होता इट्स ए थर्डीन ए यस सर एब्सोलूटली तो अगर एक बार हम यहाँ दोबारा से आ जाए जरा दोबारा से सर वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थर्टीन ए

थर्टीन ए आ गया आपका रजिस्टर तीन साल के लिए और पंद्रह आ गया कि आपने क्लेम किया फॉल्ट डिले या आपका क्लेम झूठा निकला तो विक्सेशियस कंप्लेन में क्या एक्शन लिए जाएंगे क्या यहां तक सबको बात क्लियर हो गई बेटा सर yes, चले आगे चलते हैं जी बस डेफिनेशन रह गए फ्यू देखिए बेटा अब हमारे हैं डेफिनेशंस पे आपको मैं एक चीज बता दूं जब कभी एग्जामिनर आपकी लगाने के मूड में होता ना

तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं तो देखो जी ध्यान से यहाँ पर क्या बात चल रही है देखो कहते हैं सर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है पहले बताइए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं सर इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जहाँ होती है राइट मोटर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज मतलब जहां पर जहाँ पर बेसिकली हम गाड़ियों गाड़ियों से रिलेटेड जह, जहाँ गाड़ियाँ जो है वो सर्विस होती है गाड़िया जहाँ बनती है वो सब चीजें एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस जहाँ होती है कमर्शियल वाली कमर्शियल वाली एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वो भी होती हैं जिनके थ्रू हमारे कुरियर वगैरह जाते हैं जिनके थ्रू हमारे कुरियर जाते हैं पैसेंजर्स जाते हैं राइट पैसेंजर्स जाते हैं माइन और ऑयल फील्ड प्लांटेशन जेटी।, जेटी, क्या होती है? जेटी मतलब एक ऐसी जगह शिप लैंड करती है शिप चलती है अब कोई तो जगह होगी ना जहां शिप रुकती होगी और जहां से शिप चलती होगी लोग चढ़ते होंगे उतरते होंगे उसको जेटी बोला जाता है inland लैंड वैसे जो बेसिकली सब की तरह होती है जो पानी के अंदर काम करते हैं वर्कशॉप टू प्रोड्यूस आर्टिकल कोई भी जगह जहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह बनाते हो मैन्युफैक्चरिंग करते हो वर्कशॉप्स होती है जैसे वो हाथों से सामान बनाया जाता है आपने देखा वो बचपन में स्कूल वाले हैंडीक्राफ्ट वगैरह वो सब या कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जहां पर रोड से रिलेटेड काम हो रहा है ब्रिजेस से रिलेटेड कैनाल से रिलेटेड इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी इन शॉर्ट इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो ये सब कौन सा आ गया इंफ्रा रिलेटेड काम आ गया इंफ्रा रिलेटेड काम तो जो इंफ्रा रिलेटेड काम है वो भी सारा का सारा सर आपका इंडस्ट्री में ही आता है यस सर इतनी बात हमको समझ आ गई अब सर ये याद कैसे करेंगे ये पेपर में डेफिनेशन आ सकती है देखो तो जितने भी लेबर लॉज है ना आपके पेपर में 40 नंबर के लेबर लॉज है और प्रोफेशनल में 80 नंबर 100 नंबर के है मैं 80 का करा रहा हूँ और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओल्ड कोर्स के अंदर भी है डेफिनेशन आ सकती है आपको सर कितनी सर देखो आप ये चीज मान के चलिए दो दो नंबर की पांच में से याद तो करनी पड़ेगी करनी आवाज में, और अपनी में को बार बार सुनो कहता है सर एम्प्लॉयड पर्सन का मतलब क्या है इस एक्ट में इंप्लॉय की डेफिनेशन नहीं है एम्प्लॉयड पर्सन मतलब या वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर का मतलब क्या है एम्प्लॉयर या वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव

ठीक है जी अगर आपकी सैलरी अठारह हजार तक है तो आप इस एक्ट में इम्प्लॉयड पर्सन यानी कि वर्ना नहीं हो अच्छा एक बार बताओ ध्यान से संबंध में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं employer, आप इम्प्लॉई हम दोनों कहीं जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ दोनों मर गए

कोई भी रेमेंड्रेशन जो एक्सप्रेस एंड नॉट इंक्लूड सुनो अब क्या इंक्लूड होता है यार बहुत बढ़िया काम किया यार ये पांच सौ रुपए का इनाम देगा वो भी रेमेंड्रेशन में आएगा इसके अलावा कोई और रेमंड्रेशन जो एज पर लॉ बोलता है देनी है वो भी आएगा मतलब रेमंड्रेशन आएगा जो मंथली बेसिस पे दी जाती है ना मंथली बेसिस पे आपकी बेसिक आएगी Additional ID, overtime आएगा, आएगा, अच्छा overtime में मैं आपको एक बड़ा important law बता दू, सुन लो।, लो for example, आपका ना जो टाइम है आपका जो मान लो टाइम है ऑफिस का नौ से छ है ठीक है अब नौ से छ आपका टाइम है आप गए बीस पे, वो छो बीसाइम नहीं है आप गए छह चालीस पे वो चालीस मिनट भी ओवर टाइम नहीं है

एक एम्प्लॉई है वो चालीस मिनट लेट जा रहा है बीस मिनट लेट जा रहा है पंद्रह मिनट लेट जा रहा है फिर वो कह रहे थे मैं इतने घंटे टोटल हो गए एक भी पैसा नहीं मिलेगा एस पर लॉ राइट बोनस आपको साल में एक बार मिलता है ग्रेचुअटी पांच साल काम कर लो उसके बाद मिलती है एच आर एस रेंट अलाउंस होता है लेकिन ये पर्क्यू में आता है बिजली पानी का बिल ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब आपकी रेमेशन का पार्ट नहीं है मतलब ये सब आपकी वेजेस का पार्ट नहीं है बेसिकली ये सब आपकी वेजेस का पार्ट नहीं है ये सब आपकी वेजेस का पार्ट नहीं है और ये सब आपकी वेजेस का पार्ट है एक बंदा है वो एक महीने के लिए ऑफिस वालों ने उसको भेजा तू जा एक महीने के लिए लंदन जा वो लंदन गया और वहां पर उसको ऑफिस यहाँ उसको दो लाख रुपए मिलते थे तो लंदन जाने के आने का उसको एक लाख फालतू भी मिला वहां रहेगा होटल बुकिंग ये वो तो वो जो एक लाख रुपए उसको मिला

पाँच हजार रुपये पर रूम मिलता था कि पांच हजार रुपए का कमरा आप ले लेना वो क्या करते थे हॉस्टल में रहते थे चार सौ वाले पाँच सौ वाले हॉस्टल होते हैं जो यूथ के हॉस्टल होते हैं और फिर वो पैसे बचाते थे और फिर दस दिन इस तरीके से वो रोज का चार हजार बचा के दस दिन का चालीस हजार रुपए लाते थे ऐसे खाने पीने का उनको पैसा मिलता था खाना पीना लेके नहीं जाते थे हल्दीराम का खाना यहाँ से ले जाते थे उसको वहीं गर्म करके खाते थे और पर पर मील के जो दस डॉलर बारह डॉलर मिलते थे वो भी बचाते थे ऐसे करके एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते थे तो एक डेढ़ लाख रुपए की टोटल सेविंग कर लेते थे

ये तीनों हमारे कोर्स में नहीं है ये तीनों की तीनों डेफिनेशन नॉट इन कोर्स ठीक है जी ये तीनों हमारे कोर्स में नहीं है तो यस सर ये बात हमको समझ आ गई अब इसी के साथ एक बार वही वाली गेम दोबारा से खेल लो भाई इधर आके इधर 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 सर सेक्शन तीन क्या बोल रहा है सेक्शन तीन क्या बोल रहा है कौन देगा पैसा सेक्शन चार क्या बोल रहा है कितने समय का देगा सेक्शन पांच क्या बोल रहा है कब देगा सेक्शन छ क्या बोल रहा है कैसे देगा सेक्शन सात क्या बोल रहा है कितना काटेगा सेक्शन आठ क्या बोलता है फाइन कितना काटेगा सेक्शन थर्टीन क्या बोलता है रजिस्टर तीन साल का मेंटेन करेगा सेक्शन फोर्टीन इंस्पेक्टर का है जो कोर्स में नहीं है ये भी हमारे कोर्स में नहीं है और सेक्शन 15 क्या बोलता है तुमको पैसा नहीं मिल रहा लेट मिल रहा है उसकी कंप्लेन करो और अगर तुमने झूठी कंप्लेन की तो तुम पे ही 375 रुपीस की पेनल्टी लग जाएगी कितने लोग कहते हैं हाँ सर बहुत अच्छे से सारी कहानी समझ आ गई बोलो जी हाँ सर बहुत अच्छे से इसको काट दो ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं इसको काट दो डन चलें जी आगे चलें डन 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 यस सर ओके सर तो अब हमें किस पे आना है अब हमें आना है सर मिनिमम वेजेस एक्ट पे सर अब हमको आना है मिनिमम वेजेस एक्ट पे तो आज हमारा जो टारगेट है एक दो तीन चार सर चार टारगेट हमारे पूरे हो चुके हैं तो हमारा एक लास्ट टारगेट रह गया है पांचवा टारगेट पांचवा टारगेट है हमारा मिनिमम एक्ट का और फिर उसके बाद आप इन पांचों चैप्टर्स को अच्छे से आज रिवाइज करोगे आप इसके वॉइस नोट्स वगैरह बनाओगे और बहुत बहुत अच्छे से इसको रीड करोगे समझ आ रही है बात इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताओ मैंने आपके लिए चार्ट्स बना रखे हैं मैंने आपके लिए थियोरी के नोट्स बना रखे हैं मैंने आप लोगों को पूरा कोर्स करा रखा है मैंने आप लोगों को भी इसके करा रखे हैं फिर मैं आप इसको इसके मैराथन के रिवीजन भी करा रहा हूं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते इसके बाद सिर्फ तुम्हारा रोल है अगर अभी भी तुम नहीं रीड करते तो भाई फिर इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है तुम्हारी जगह हम इसे रीड करके पेपर थोड़ी देके आ सकते यार है ना आ जाओ सर चैप्टर पे यस देखो जी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 फोर्टी एट अब हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट पानी पी एट फिर शुरू करते हैं एक सक्षम कह रहा है इसके बाद भी बच्चे कुछ मांगेंगे तो मैं रस्सी लेके मैं पंखे से लटक जाऊंगा नहीं ऐसे मत कर सक्षम यार ऐसे मत कर बच्चे कुछ मांगेंगे दैट इज ओके इसमें तू खुदकुशी क्यों करेगा ऐसे थोड़ी होता है गलत बात नो नो लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है बेटा इज्जत कर उसकी ऐसे मैं लटक जाऊँगा ऐसे थोड़ी होता मत लटकना वो देखो रोती रोती इमोजी बना रहा है कि सर मैं लटकने जा रहा हूं बेटा अभी तो मना किया फिर तू रोती इमोजी बना रहा ऐसे मत कर नहीं बेटा नहीं नहीं इतना मान लिया दुख है तेरी जिंदगी में बहुत दुख है बहुत दुख है लेकिन जीना तो पड़ता है ना बेटा ऐसे नहीं करते गलत बात गलत बात तो फिर रो रहा है बेचारा रोते रोते ऐसा लग रहा है ये सच्ची में फंदा गले में डाल रहा नहीं बेटा नहीं मां बाप है उनके लिए जीना होता है हौसला रख हौसला रख हौसला हाँ जी बहुत हो गया दो मिनट की बात हो गई डेढ़ मिनट की वो बैटरी चेंज कर दी थी इसलिए बात कर रहा था तुमसे अब वो बात अलग है कि इस बैटरी चेंज के प्रोसेस में सक्षम गया ना? आ जाओ हां जी अब देखिए बेटा अब हम बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आज का हमारा पांचवा कानून बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट कानून है मिनिमम वेजेस वेजेस एक्ट एक्ट ये ना एक्चुअली में सरकार ने पेमेंट ऑफ बनाया था तो सरकार को पता नहीं था कि एम्प्लॉयर इतने गंदे हैं और फिर सरकार को हार के मिनिमम वेजेस एक्ट बनाना पड़ा सरकार ने बोला आप एम्प्लॉयज को वेजेस दोगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स आप एम्प्लॉय को वेजेस दोगे ये थोड़ी बोला कितनी दोगे तो एम्प्लॉयर्स ने क्या करना शुरू कर दिया एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉय को पे करनी है सौ रुपए की वेज तो वो क्या करने लगा वो दस रुपए कैश देने लगा और नब्बे रुपए अभी भी वही वही दाल ले जा चावल ले जा आटा ले जा वही चल रहा था अभी तो सरकार ने बोला था कि कैश देना है वेजेस है ये थोड़ी था कितनी देनी है मेरी बात समझ आ रही है एम्प्लॉयर किस लेवल के लोग हैं कि सरकार ने कहा था वेजेस देनी है ये थोड़ी कहा था कितनी देनी है तो सरकार को लगा यार तुम बड़ी कम दे रहे हो सर आपने कम ज्यादा को कोई पैरामीटर ही नहीं, नहीं बताया कोई मापदंड ही नहीं, नहीं बताया तब जाके सरकार को एक नया कानून निकालना पड़ा मिनिमम वेजेस एक्ट एट कितने लोगों को लॉजिक समझ आया इस कानून का कितने लोगों को इस कानून की कहानी समझ आई कि लोग जो है वो अलग लेवल पे निकले और लोगों ने वेजेस तो दी लेकिन उतनी नहीं दी जितनी जस्टिफाइड होती है तो सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया अब तो मेरी बात को सुनेगा ध्यान से पहले क्या होता था पहले याद करो पहले क्या होता था कि आपके पापा की फैक्ट्री में लेबर होती थी बिहार से आती थी और आपकी मम्मी के घर में काम वाली भी आती थी जो डोमेस्टिक हेल्प काम करके साफ सफाई करके जाती थी फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि घर में मम्मी बोलने लगी यार कोई ढंग की नहीं मिल रही है कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिल रही है कोई आंटी नहीं मिल रही है और पापा कहते थे यार लेबर की बड़ी किल्लत है ऐसा क्या हो गया अचानक से कि पापा को फैक्ट्री में लेबर और मम्मी को घर में डोमेस्टिक हेल्प मिलना बंद हो गई लॉजिक क्या है लॉजिक ये है कि भाई पहले दिल्ली और बिहार की मिनिमम वेजेस में बड़ा गैप होता था तो लोग ना दिल्ली आते थे रहते थे हस्बैंड वाइफ आते थे और हस्बैंड काम करता था फैक्ट्रियों में जो वाइफ है वो काम करती थी घरों में और पैसे कमाते थे और अच्छा पैसे जोड़ते थे लेकिन जब दिल्ली और बिहार में मिनिमम वेजेस में गैप ही को ज्यादा नहीं

बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसको लेके देखिए सबसे पहली बात सबसे पहली बात कहता है सर इस लॉ का पर्पस क्या था इस लॉ का पर्पस था टू तो प्रिवेंट एक्सपोर्टेशन ऑफ लेबर बाय प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम वेज रेट मिनिमम बताई गई लेकिन सारी इंप्लॉयमेंट्स में नहीं ओनली इन स्केड्यूल्ड इंप्लॉयमेंट याद रहेगा स्केड्यूल्ड इंप्लॉयमेंट्स में स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में मिनिमम वेजेस बताई गई

जितनी महंगाई मुंबई में है उतनी दिल्ली में नहीं है जितनी दिल्ली में है गुड़गांव में ज्यादा है दिल्ली में दिल्ली में महंगाई अलग है गुड़गांव में अलग है करनाल पंजाब में अलग है हर जगह महंगाई अलग अलग होती है हाँ सर ये वाली बात तो हमें अच्छे से समझ आ गई कि हर जगह महंगाई का जो हद है हर जगह जो महंगाई की लिमिट है वो अलग अलग होती है हाँ सर ये बात हमें समझ आ गई कि हर जगह महंगाई की लिमिट अलग अलग होती है अब इसके बाद आगे क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा आगे क्या बोलता है कहता है सर क्या एक ही शहर में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग मतलब दिल्ली में वेस्ट दिल्ली में अलग है मिनिमम वेजेस और साउथ दिल्ली में अलग है हाँ बिल्कुल है अब यार अगर साउथ दिल्ली की बात करो आप अगर आप सैनिक फार्म्स की बात करो छतरपुर की बात करो तो जितनी महंगाई वहाँ है वहाँ उतनी नाजफगढ़ में थोड़ी है या जितनी साउथ दिल्ली में है मान लो फॉर एग्जाम्पल डिफेंस कॉलोनी वगैरह में है लुटियंस लुटियंस एरिया में है उतनी कोई तिलक नगर या रजौरी गार्डन में थोड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम वेजेस है वो एक शहर में भी अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि एक शहर में भी एक सिटी में भी अलग अलग जगह की अलग अलग महंगाई हो सकती है ये बात समझ आई सबको बताओ जी बोलो बोलो बेटा दिल्ली में अलग है मिनिमम हरियाणा में अलग है ऐसा हो सकता है है क्या? अलग अठारह हजार हरियाणा में है रुपीस बारह हजार ऐसा हो सकता है अच्छा फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में वेस्ट दिल्ली में दिल्ली में वेस्ट दिल्ली में है चौदह हजार हरियाणा में गुड़गांव में है उन्नीस हजार ऐसा भी हो सकता है इसका मतलब क्या है वन स्टेट टू अनदर में मिनिमम वेजेस अलग अलग हो सकती है और एक ही स्टेट में हो सकता है हमारे यहाँ साउथ दिल्ली के अंदर अठारह है आपको पता है गुड़गांव में रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है साउथ दिल्ली में अलग है वेस्ट दिल्ली में अलग है तो अलग अलग एरियाज के हिसाब से सरकार जो है जो राज्य सरकार है स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग मिनिमम वेजेस को प्रिस्क्राइब कर सकती है यस सर एब्सोल्युटली ये बात हमको समझ आ गई देखिएगा ध्यान से ये इस चैप्टर का सबसे मेन डायग्राम है ये ये डायग्राम अगर आपने कर लिया तो आपका ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट मेन डायग्राम ये है इसको बहुत 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 ध्यान से देखिएगा ठीक है जी जोन वाइज नहीं बोलते जोन जोन इज नॉट द राइट वर्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल सकते हो जोन कोई वर्ड नहीं है इधर देखिए कहता है सरकार मिनिमम वेजेस बताती है हाँ जी कहता है सरकार मिनिमम वेजेसूल्ड एम्प्लॉइज के लिए भी बता सकती है वो एम्प्लॉयमेंट जो स्केड के अंदर गिवन है और उसके अलावा जो एडल्टाइज है एडोल्सेंट्स इसके लिए भी बता सकते हैं एडल्ट कौन है अठारह प्लस एडोल्सेंट कौन है पंद्रह से अठारह पंद्रह से अठारह अप्रेंटाइज कौन है जो इंटर्नशिप कर रहा है जो आर्टिकलशिप कर रहा है सबके लिए बता सकते हैं जैसे आईसीएसआई ने मिनिमम पांच हजार रुपये प्रिस्क्राइब करे हुए हैं कहता है सर पर आर पर डे पर वीक पर मंथ या टाइम इसकी लाट होती है पर डे कम से कम इतना दोगे पर पीस कम से कम इतना दोगे देखो टाइम रेट पीस रेट मिनिमम ओवर टाइम रेट सब बताती है सरकार के जी पर डे कितना दोगे पर आर कितना दोगे पर मंथ कितना दोगे पर वीक कितना दोगे पर पीस कितना दोगे दोगे ओवर टाइम के कितने पैसे ये सारी के सारी की सरकार बताती है सरकार ना गारंटी रेट भी बताती है टाइम रेट मतलब मतलब आपको ना रोज के चार घंटे की हम पेमेंट करेंगे चाहे चार घंटे का काम हो या ना तो हो तुम रोज चार घंटे आओ काम चाहे एक ही घंटे का तीन घंटे खाली बैठे रहो लेकिन हम तुम्हें चार घंटे की पेमेंट देंगे ही देंगे राइट इसके बाद कहता है कि सर सरकार ने ना बता रखे हैं पार्ट वन के अंदर पार्ट के पार्ट वन में बारह इम्प्लॉयमेंट हैं जिसके लिए मिनिमम वेजेस सरकार ने बता रखी है और पार्ट टू के अंदर एग्रीकल्चर आता है अब ये ना आपको याद रखना है पार्ट टू के अंदर एग्रीकल्चर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के एक के, के पार्ट में क्या आता है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्या आता है तो आंसर इज एग्रीकल्चर आई रिपीट मिनिमम वेजेस एक्ट का जो स्केड है स्केडूल का जो पार्ट टू के अंदर एग्रीकल्चर आता है यस सर आपसे

सेक्शन थ्री रीजनेबल है सरकार हर उस राज्य के लिए बिजो कॉटन मिल्स स्टेट ऑफ अजमेर में हुआ क्या था सुनो अजमेर में ही एक फैक्ट्री थी सुनिएगा एक बंदे की फैक्ट्री थी ये क्या करता था एक बंदे की फैक्ट्री थी इसको कॉस्ट पड़ती थी चौदह रुपए की और ये गुड्स बेचता था बीस रुपए के एडवर्ड सॉरी ये कॉटन मिल और इसका एक राइवल था वो बेच रहा था बारह रुपए का प्राइस वो बारह रुपए के प्राइस बेच रहा था तो इसने कहा ये बारह रुपए में बेच कैसे सकता है मेरे को चीज 14 की तो घर पे बट रही है ये 12 की कैसे बेच रहा तो इसने ना जब भी कोई बंदा प्राइस से भी कम बेचता है ना प्राइस से मतलब जो कॉस्ट बढ़ रही है कॉस्ट प्राइस उससे भी सस्ती बेचता है इसे बोलता है प्रीडेटरी प्राइसिंग याद रहेगा अगर आपका सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है ना तो इसे बोलता है कि भाई आप मार्केट खराब कर रहे हो और प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए केस हो सकता है तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए चला गया बिजॉल कॉटन मिल सरकार के पास के भाई ये क्या हो रहा है ये प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है सामने वाले ने बोला कि नहीं जी मैं तो कर ही नहीं रहा पहले उसने सामने वाले पे केस किया उसने कहा ये प्रोडक्ट ही मेरे को आठ रुपए का बढ़ता मैं बारह का बेचता हूँ उन्होंने कहा तेरे को आठ का कैसे बढ़ता है मेरे को तो चौदह का है उसने कहा जी मेरी फैक्ट्री यहाँ वेजेस देता हूँ अच्छा, मैं तो वेजेस इतनी देता हूं। वो डिफरेंस आ रहा था वेजेस का इससे कमाला और हम दोनों की फैक्ट्री अजमेर में है उसकी वेजेस कम है मेरी ज्यादा ये क्या चक्कर है तो तब तब बोला गया कि भाई अलग अलग लोकेलिटीज में अलग अलग वेजेस हो सकती है और ये सेक्शन थ्री से गए तो सेक्शन थ्री गलत है कोर्ट ने कहा नहीं जी संवैधानिक है वैलिड माना जाएगा इतनी बात समझ आई सबको बस्ती राम स्टेट ऑफ एपी एंड विजय कॉटन में क्या बात आई कि सेक्शन थ्री संविधानिक है कॉन्स्टिट्यूशनल है वैलिड है और अलग अलग सोसाइटीज के लिए अलग अलग लोकेलिटीज के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही सिटी में एक ही शहर में एक ही राज्य में एक ही स्टेट में ऐसा हो सकता है अब आप नागपुर और मुंबई को कंपेयर नहीं कर सकते दो बोथ ऑफ बोथ ऑफ द्लेसेज आर इन महाराष्ट्र ओनली राइट तो यस ऐसा हो सकता है ये वाली बात हमको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेज़ स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयज के लिए हो सकती है एडल्ट अप्रेंटाइज और जो आपके एडल्ट है अप्रेंटाइज है और जो आपके वो है क्या नाम है आपके एडोलसेंट है उनके लिए हो सकती है इसके अलावा वीकली आर्ली मंथली हर तरीके से हो सकती है डेली

साल से पहले भी कर सकते हैं लेकिन पांच साल से लेट नहीं कर सकते मतलब सरकार पे भी डंडा है कि सरकार को हर पांच साल में मिनिमम वेज को रिवाइज करते रहना पड़ेगा वेजेस वेजेस कैन बी अर्लियर अर्लियर एज वेल राइट को भी रिवाइज किया जा सकता है तो सबसे पहले तो एक बार इस डायग्राम को देख लो और इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार इस डायग्राम को देखो और कोई भी डाउट है पूछो प्लीज एनी डाउट इन दिस डायग्राम प्लीज आस्क मी नाउ देखो एक बार इसको डाउट नो डाउट सर चलो आगे चलो जी और इसके नीचे ये याद रहेगा पहला पहला बस्ती राम वर्सिल स्टेट ऑफ एपी दूसरा विजय कॉटन मिल्स वर्स स्टेट ऑफ बदमेर और तीसरा सरकार को हर 5 साल में रिवाइज करनी पड़ती है 5 साल से दो रिवीजंस में 5 साल का से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता हाँ सरकार को लगता है महंगाई अचानक से बढ़ गई टमाटर बहुत महंगा हो गया सरकार मिनिमम वेजेस को है वो 5 साल से पहले भी रिवाइज कर सकती है यस सर एब्सोल्युटली अब देखिए अब यहां पर आता है सरकार मिनिमम वेजेस को फिक्स कैसे करती है या मिनिमम वेजेस को रिवाइज uh, कैसे करती है ध्यान से देखिएगा दो तरीके होते हैं पहली बात ना सरकार ने एक तरीका क्या बनाया हुआ है कमिटीज एंड सब कमिटीज का मेथड सरकार ने एक तरीका बनाया हुआ है कमिटीज एंड सब कमिटीज इसका क्या मतलब होता है बेटा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में इशू किया ध्यान से समझिएगा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझो देखो Appropriate government क्या करती है 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 अपनी अपनी कमेटी 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 को 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 देती है, सब को देती सब सब फिर फिर बोलती बताती अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में डाल देती है ये बात समझ आई पहले बताओ कमेटी को डेलीगेट किया उसने सब कमेटी को किया उसने आगे कमेटी को बताया उसने हुआ क्या सुनिएगा सब कमेटी ने कमेटी को एक अमाउंट प्रिस्क्राइब किया

कमेटी और सब कमेटी जूनियर है वो सरकार को राय देगी कि कितनी मिनिमम वेजेस रखनी चाहिए अगर सरकार उससे ज्यादा रखना चाहती है तो रख सकती है दे आर एडवाइजरी नॉट मैंडेटरी डिसाइजिव बॉडी कितने लोगों को ये बात समझ आई बेटा दे आर एडवाइजरी बॉडीज भाई कमेटी और सब कमेटी जूनियर है सरकार की मर्जी है सरकार कमेटी और सब कमेटी की बात माने या ना माने ठीक है जी तो आपके दोस्त ने आपको इन्फॉर्मली बताया हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है हम तो कमेटी या हम, हम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और सुनेगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक मेथड क्या हुआ है कमेटी वाला दूसरा मेथड है कमेटी सब कमेटी कुछ नहीं है सब क्या भार में सरकार सीधा नोटिफाई कर देती है न्यूज़पेपर में

फाइव सबसे सेक्शन फाइव सब सेक्शन वन क्लास वी के अंदर सरकार सीधा नोटिफिकेशन इशू करती है क्लियर है बेटा सबको बोलो जी डन नोटिफिकेशन इशू करती है लोगों को बोलते हैं दो महीने का टाइम है सजेशंस दो फिर दो महीने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन निकाल देती है अच्छा चाहे चाहे इस मेथड से आओ चाहे इस मेथड से आओ दोनों में एक चीज है सरकार जो भी फाइनल नोटिफिकेशन निकालेगी वो पब्लिश होने के तीन महीने के बाद वैलिड होगी सरकार जो भी फाइनल नोटिफिकेशन निकालेगी वो तीन महीने के बाद वैलिड होगी और मिनिमम वेज रेट बैक डेट से भी रिवाइज हो सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से भी रिवाइज हो सकती है अगर सरकार ने बोल दिया ना कि भाई हम अक्टूबर में मिनिमम वेज रिवाइज कर रहे हैं और ये पिछले साल मतलब हम अक्टूबर में रिवाइज कर रहे हैं और ये इसी साल एक जनवरी से अपलीकेबल है तो आपको विदिश देनी पड़ेगी आपने ना कभी ऐसा सुना होगा कि आपके अगर पेरेंट्स वगैरह हैं कहीं जॉब करते हैं तो वो पे कमीशन वगैरह बढ़ती है सरकार में तो वो बोलते हैं मतलब पे कमीशन आती है तो वेजेस बढ़ जाती है सेवन पे कमीशन एट पे कमीशन तो वो बोलते हैं ऐसा कि हाँ इस बार हमारी सैलरी बढ़ गई और पिछले छह महीने की बड़ी हुई सैलरी आएगी कितने लोगों ने ऐसा सुना है कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि हमारी सैलरी बढ़ गई है और छह महीने की बड़ी हुई सैलरी आएगी बोलो जी चले आगे डन बोलो डन सर एब्सोल्युटली डन सर एब्सोल्युटली अब देखिए क्या कह रहा है हां सर तो ये वाली बात हमें समझ आ गई सेक्शन थ्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वाला सेक्शन थ्री वाज सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर फाइव इज आल्सो सुपर इंपॉर्टेंट पहला मेथड कमेटी सब कमिटी दूसरा नोटिफिकेशन आप देखिए सेक्शन 11 कहता है कि वेजेस जो है वो आप कैश में दोगे लेकिन अगर कस्टम ऑफ ट्रेड है कि आप उसे काइंड में देते हो तो आप उसे काइंड में भी दे सकते हो कस्टम ऑफ ट्रेड जैसे मैंने मैकडोनल्ड की बात की थी कि मैकडोनल्ड में वो कस्टम है सत्तर रुपए का खाना तो काइंड में दिया जाता है कहता है सर नो पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन द मिनिमम रेट नोटिफाइड बाय देफाइड सरकार ने जो मिनिमम वेजेस बोली है, वो तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी आप उससे कम नहीं दे सकते हाँ सर ये बात पता है राइट right. जो सरकार ने मिनिमम वेजेस बोली है उससे कम आप नहीं दे सकते हाँ वो आपने देनी कैश में है लेकिन वो काइंड में दे सकते हो अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है तो जैसे आपको पता है आप जो ट्रेन वाले होते हैं ट्रेन जो ट्रेन चलाते हैं ड्राइवर होते हैं ना जो ट्रेन के उनको ना जो जो उनकी बेसिक सैलरी होती है बड़ी कम होती है जैसे उनकी बेसिक सैलरी होती है तीस हजार रुपये बीस हजार रुपए पच्चीस हजार रुपए ऐसे होते हैं इसके अलावा ना उनको कुछ मिलता है पचास पैसे पर किलोमीटर तो मतलब वो जितने किलोमीटर ट्रेन चलाएंगे एक महीने में उसको उनके उनको उसके हिसाब से पचास पैसे पर किलोमीटर मिलेगा तो इस तरीके से उनके इंसेंटिव उनकी जो रेमेंडेशन है वो इंसेंटिव के साथ भी हो सकती है तो सेक्शन नंबर थ्री क्या कह रहा था पूरे मिनिमम वेज रेट कैसे मतलब मिनिमम वेज रेट किस किस इंप्लॉय के लिए होगी फाइव क्या कह रहा था कैसे होगी एक कमिटी मेथड और एक नोटिफिकेशन मेथड इलेवन क्या कह रहा था कैश होगी काइंड में भी हो सकती है अगर कस्टम ऑफ ट्रेड बोलता है बारह कह रहा है मिनिमम वेज से कम आप दे ही नहीं सकते यस सर आपसे अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ सेक्शन सेवन और एट है बड़ा इंपॉर्टेंट है सुनेगा सेक्शन सेवन और एट है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनेगा क्या कह रहे हैं देखिए कहते सर स्टेट गवर्नमेंट ने ना एडवाइजरी बोर्ड बना रखी है ठीक है एडवाइजरी बोर्ड जो कमेटी और सब कमेटी की हेल्प करती है जो कमेटी डिसाइड करती है ना कमेटी सब कमेटी इनकी हेल्प करती है ठीक है जी डन

इसके बाद तू कह रहा है बच्चे आठ हाँ आठ में से कहता इक्वल होंगे चार और चार तो भाई साफ ही बोलना कि वन 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 ले रहा है बाकी कितने बच गए दस हाँ उन दस में से इक्वल कर लो साफ बोल दे यार वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड मजे क्यों ले रहा है तो इसका मतलब क्या है वन थर्ड एम्प्लॉय के वन थर्ड एम्प्लॉयर के वन थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे हाँ एक चीज याद रखिएगा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई कोई भी बंदा है क्योंकि तो सरकारी सरकार ने किसी बंदे को चेयरपर्सन अपॉइंट किया है जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो सरकार अपॉइंट करेगी और अधिक चीज समझना मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे को चेयरपर्सन बनाया गया तो मैं इंडिपेंडेंट ही माना जाऊंगा मुझे ये नहीं कह सकते एम्प्लॉयर ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉज है ये तो इंप्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव होगा ना 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 सरकारी एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा जब वो चेयरपर्सन बनेगा वो इंप्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना

अब एडवाइजरी एडवा बोर्ड में मान लो नौ लोग हैं तीन इंडिपेंडेंट तीन इंप्लॉयर के तीन इंप्लॉयज के, के अब इम्प्लॉयर की तरफ से तीन लोग आ जाए क्या पॉसिबल है हर इंडस्ट्री से आ जाए स्टील इंडस्ट्री से भी आ जाए टायर इंडस्ट्री से भी आ जाए उसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री से भी आ जाए ज्वेलर इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है यार तो बोला इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक इंडस्ट्री से हर एक सेक्टर से बंदे उठाए जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है हाँ ये जरूरी है कि जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो इम्प्लॉय या इंप्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए और अगर वो सरकारी इम्प्लॉ है तो वो इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा अगर वो सरकारी की है तो वो इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा समझ आ रही है बात अगर सरकार ने अगर सरकार ने एक न, सरकार ने एक बना दी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर बिठा दिया नौ लोग तो नौ में से तीन होगा इंडिपेंडेंट तीन इम्प्लॉय के पॉसिबल नहीं है कि जितने भी तरीके की इंडस्ट्रीज है हर एक इंडस्ट्री से इंप्लॉय उठाया जाए हर एक इंडस्ट्री से इम्प्लॉय पॉसिबल ही नहीं है बंदे ही टोटल तीन तीन चाहिए दोनों में तो इसका मतलब क्या है कि हर एक इंडस्ट्री से बंदा उठाओ जरूरी नहीं है लेकिन हाँ जो जिसको भी चेयरपर्सन बना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंप्लायर एम्पॉय का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए और अगर वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माना ही नहीं जाएगा वो इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन ही माना जाएगा क्या कहते हो जी बोलो वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही माना जाएगा क्या बोलते हो बेटा समझ आई सारी बात सबको डन 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 सारी बात क्लियर है बोलो जी सारी बात क्लियर है यस सर

बोलो जी वन इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो चेयर पर्सन बनेगा तो सर इसका मतलब सेक्शन आठ में जो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी दी गई है सेक्शन सेवन में स्टेट एडवाइजरी दोनों देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक ही बात कर रही है लेकिन उसमें केसेस के नाम आपको याद रखने हैं वो के वाई क्षत्रिय वर्सेज एस ए डी बी डी कामगंज यूनियन वो आपको याद रखना है तो अभी हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर थ्री हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर फाइव हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर सेवन हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर एट सेक्शन नंबर इलेवन सेक्शन नंबर ट्वेल्व कि मिनिमम वेजेस से कम दोगे तो गलत माना जाएगा क्या कहते हो देखो ये सारे सेक्शंस पढ़ लिए बोलो जल्दी बोलिए कि ये सारे के सारे सेक्शन पढ़ लिए हैं बोलिए बेटा फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस हाँ सर अभी हमने पढ़ा जिसमें हमने

चलते चलो सर चलते चलो थकना नहीं है जी रुकना नहीं है जी चलते चलो जी धक्का मुकी ना करो जी जोर से बोलो जय माता दी चलते चले जी धक्का मुक्खी ना करें जी सबको दर्शन मिलेंगे जी चले आगे हाँ जी आ जाओ जी अब देखिए क्या कह रहा है गायब हो गई दोबारा लानी पड़ेगी वेरी गुड चलो जी अब देखो जी क्या कह रहा है हसनैन कह रहे घर से ही दर्शन हो रहा है हसनैन आवाज कर तेरा हम उमरा करा देते आवाज कर देखो बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे ऑल ऑफ यू जी आप कहते हैं सर फिक्सिंग ऑफ नॉर्मल वर्किंग डे ये तो वही वाली बात पुरानी बात जो आपने हर लो में पढ़ी है भाई सात दिनों में एक छुट्टी दोगे हाँ जी देंगे ड्यूरेशन ऑफ डे विद एन इंटरवल जी देंगे मतलब लंच ब्रेक भी दोगे आप हाँ जी देंगे 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 देंगे, देंगे। सात दिन में एक छुट्टी भी दोगे हाँ जी देंगे हाँ जी देंगे तो हम आपको वीकली ऑफ भी देंगे और हम आपको लंच ब्रेक भी देंगे डन 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 ओवर टाइम देंगे हाँ जी इस एक्ट में अदर एक्ट में विज हायर लो, इस में दी गई है, अगर आप चार घंटे काम करेंगे तो आपको आठ घंटे के पैसे मिलेंगे भाई आप एक बार बताओ मेरा एक एम्प्लॉई है वो आया काम ही नहीं है मेरे पास ही काम नहीं है उसके देने के लिए लेकिन वो आठ घंटे बैठा हुआ है तो मैं तो उससे पूरी वेजेस दूंगा हाँ सर एबसली अगर आपके एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है एम्प्लॉय के लिए वो आके बैठा हुआ तो इसमें आपकी गलती है लेकिन काम बहुत है वो करके राजी नहीं है काम तो बहुत है वो करके राजी ही नहीं है तो फिर उसके पैसे काटूंगा मैं काम चोरी करिएगा उसने आउटपुट नहीं आया राइट ठीक है जी

अगर आपने मिनिमम वेजेस अगर आपने मिनिमम वेजेस जो है उससे कहता अगर आपने सेक्शन थर्टीन वायलेट किया सेक्शन थर्टीन का मतलब क्या है आपने उसको नो रेस्ट रेस्ट नहीं दिया या नो वीकली ऑफ आपने उसे नहीं दिया या आपने मिनिमम वेजेस से कम दिया यानी कि आपने सेक्शन बारह को वायलेट किया सेक्शन बारह को तो पांच सौ रुपए छह महीने दोनों और कोई और हुआ तो खाली पांच सौ रुपए जेल नहीं है सिंपल सी बात है बोलो जी सेक्शन तेरह क्या कह रहा था आपने उसको रेस्ट नहीं दिया वो पांच घंटे के बाद आधे घंटे का ये रहा पांच घंटे के बाद आधे घंटे की लंच ब्रेक नहीं दी या आपने उसको वीकली ऑफ नहीं दिया और मिनिमम रेट से कम दिया ये सेक्शन बारह में लिखा था तो पांच सौ रुपए का फाइन या छह महीने की जेल या दोनों इम्प्लॉयर को हो सकता है और अगर इसके अलावा कुछ और तोड़ा दो तो पाँच सौ रुपए की फाइन लग सकता है तो यस सर ये वाली बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई तो अगर हम यहाँ पर आ जाए जरा अपने अपने फर्स्ट पेज पे आ जाए येलो जी आ गए हम तो यहाँ पर अगर हम आ गए तो देखिए सर फिक्सिंग आर्ट फॉर नॉर्मल वर्किंग डे एक दिन में आपको लंच ब्रेक मिलेगा वीकली एक ऑफ मिलेगा ओवर टाइम दिस एक्ट और अदर एक्ट मिचर इज हायर सर इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका अथॉरिटीज अभी हमने बड़ी इम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन कमिश्नर या सी जी एस डी और कोर्ट का बंदा पेनल्टीज हमने पढ़ ली सर ये पंद्रह सत्रह और अट्ठारह ये तीनों के तीनों आपके कोर्स में ये अठारह ये तो रिकॉर्ड वाला है तो मैंने आपको बता दिया ये दोनों के दोनों आपके कोर्स में नहीं है लेकिन ये वाला भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप दिन में कम काम करते हो अगर आप कम काम करते हो कम काम करते हो मतलब दिन में काम ही नहीं होता जितनी आपकी जॉब है तो मैं पूरे पैसे दूंगा लेकिन काम में आप खुद काम चोरी कर रहे हो तो मैं आपके पैसे काटूंगा और ये वाला आपके कोर्स में नहीं है।, है तो ये वाला भी नहीं बट ठीक है चलो जो भी है हाँ ये आपके कोर्स में नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ना आपके कोर्स में नहीं है मॉड्यूल चेक कर लेना नहीं होगा तो यस सर ये वाली बात हमें पूरी समझ आ गई ये भी हम कर चुके हैं अब रह रहेगी सर हमारी डेफिनेशन और रह गया सेक्शन नंबर यस सर से तो मेरे को एक मिनट का सांस लेने का टाइम दे दो सांस चढ़ गया बस मेरे को एक मिनट दे दो सांस लेने का ये कराता हूं और फिर इसके बाद आपको क्या कराना है मेरे को इसके बाद सेक्शन फोर बस खत्म हो जाएगा मैक्सिमम पंद्रह से बीस मिनट और लगेंगे लेकिन मेरे को एक मिनट सांस लेने दो मॉड्यूल में रेफरेंस है सर जी है मॉड्यूल में दोनों का रेफरेंस इसका हाँ ये वाला जो है सेक्शन नंबर सेवेंटीन है ये मॉड्यूल में नहीं होगा और अगर मॉड्यूल में है मॉड्यूल में है ये वाला मॉड्यूल में है सेक्शन नंबर सत्रह एक मिनट मैम स्टाफ से मॉड्यूल लेता हूँ एक मिनट रुको वो उतना ही दिया होगा यार वो उतना ही दिया होगा कि जो पीस रेट वाला वर्कर है उसके लिए भी टाइम रेट बताना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि पीस रेट वाला जो वर्कर है उसने दिन में दो पीस बनाए तो आप उसको उतने ही पैसे दोगे पीस रेट वाले के वर्कर के लिए आपको पीस रेट और टाइम रेट दोनों बताना पड़ेगा वो वाली बात होगी कि कितने कि टाइम में उसको कितने पीस बनाने हैं कितने टाइम में उसको कितने पीस बनाने हैं वो वाली बात है वो तो नकली सी बात है वो नकली सी बात है बच्चा कह रहा है सर मॉड्यूल टू की केस स्टडी वाली क्लास है आज साढ़े चार बजे इतना तो तेल ही नहीं है मेरे में बक्स रहम तरस मेरी क्लास है लेकिन रात को है सवा दस बजे आपकी सी सीट वालों की है उनके पेपर आ रहे हैं बच्चा कह रहा है सर बस ये खत्म होती फटाफट से केस स्टडी वाले पे आ जाओ स्ट्रेचर पे लेट जाऊंगा स्ट्रेचर पे चले आगे चले चले जी डन हां देखिए बेटा क्या कह रहा है सबसे पहले कहता है सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या मतलब है अब appropriate government में तो आपको पता ही है कि यार हर एक लॉ में अलग अलग मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब होगी रेलवे माइन ऑयल फील्ड मेजर पोर्ट या कोई भी कॉर्पोरेशन कोई भी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में बनी है स्टेट गवर्नमेंट में अदर स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट इसके अलावा कोई भी स्केड एम्प्लॉयमेंट जो स्केड्यूल में दी गई है जो स्केड में दी गई है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट राइट तो सर स्टेट गवर्नमेंट रेलवे देखो रेलवे माइन ऑयल फील्ड पोर्ट प्लांटेशन ये सब ना आप बिना सोचे समझे सेंट्रल गवर्नमेंट में स्किल्ड हो, 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 हो।, हो, हो चाहे आप क्लीनिंग करते हो वॉशिंग करते हो ऑल्टरिंग करते हो रिपेयरिंग करते हो, करते हो और अप्रोप्रिएट ने अगर किसी को एम्प्लॉय बोल रखा है तो वो भी एम्प्लॉय है लेकिन इसमें आर्म्ड फोर्सेज वाले लोग नहीं आते आर्म्ड फोर्सेज वाले लोग नहीं आते

आउट वर्कर नहीं आएगा मैंने कहा नहीं आएगा नहीं आएगा लेकिन सर आप कह रहे हो कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आउट वर्कर आएगा मैंने कहा आएगा सर ये तो बड़ा मुश्किल है रटना कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा भाई कॉमन सेंस सोचो चाहे आप मेरे घर से काम चाहे मेरे ऑफिस से काम कर रहे अपने घर से काम कर रहे हो मिनिमम वेजेस तो बनती है ना यार चाहे आप मेरे ऑफिस से काम करो चाहे अपने घर से काम करो मिनिमम वेजेस लेबर हो अपने घर से काम कर रहे हो तो मैं वहां थोड़ी रेस्ट रूम देने या कैंटीन देने आऊंगा यार तो इसका मतलब कॉमन सेंस से चलो सर कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आउट वर्कर नहीं आना चाहिए सेंसिबल है और मिनिमम वेजेस में आउटवर्कर आना चाहिए क्योंकि मिनिमम वेजेस का राइट है जो मेरे लिए काम कर रहा है चाहे फिर मेरे प्रवाइस से कर रहा है या अपने घर से कर रहा है कितने लोगों को बात समझ आई बेटा लोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी भी है फिर चाहे वो अपने घर से ही क्यों ना कर रहा हो मिनिमम वेजेस का राइट तो उसको भी ना एब्सोल्युटली तो एम्प्लॉयर yes, कौन है फैक्ट्री में मैनेजर एस्टेबलिशमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अदर केसेज में ऑक्यूपायर लोकल अथॉरिटीज जैसे होती है एम सी इसमें जो सीईओ होते हैं जैसे एम में सीईओ होता है या जो आपका डी हो गया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी

अगर हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करते हैं हम प्रिंसिपल इंप्लायर है तो भी हम मिनिमम वेजेस तो देंगे यहाँ देंगे इसके बाद कहता हैं सर आप बार बार बोल रहे हो रहेमेंट स्ट्यूल डॉप्लॉयमेंट स्क्यूल इंप्लॉयमेंट का मतलब क्या कहता है स्ट्यूल्ड इंप्लॉयट का मतलब जो स्केड्यूल के पार्ट वन और पार्ट टू में आती है कहता है पार्ट वन में बारह एंट्रीज है पार्ट टू में एग्रीकल्चर है और इसको लेके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पार्ट टू में कौन सी एंट्री आती है सर वेजेस का क्या मतलब है कहते हैं हर वो चीज जो मनी के फॉर्म में दी जाती है प्लस इसके अलावा और कुछ नहीं आता ट्रैवलिंग अलाउंस का बात नहीं है वो भी पार्ट नहीं है मेडिकल एक्सपेंसिस भी नहीं है ग्रेचुअटी भी नहीं है और बिजली पानी का जो यूटिलिटी बिल्स होता है वो भी नहीं है ये कुछ भी आपकी वेजेस का बात नहीं है आपकी वेजेस में सर बात है मनी की फॉर्म में मिला है प्लस एच अच्छा इसी के अलावा जब आप उधर बात कर रहे थे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जब आपने वेजेस पढ़ा तो वहाँ बड़ा कुछ दे रखा था याद करो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ओवर टाइम वेजेस कैश वाली वेजेस रिवॉर्डेड रिवॉर्डेड वेजेस याद आ रहा है आपको यही देखो जब हम इंक्लूड कर रहे थे वेजेस एक्ट में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में ये देखो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है भाई इसके बाद तो नहीं दिया हुआ ये रहा ये देखो जब हम यहाँ वेजिस की बात कर रहे थे तो ये देखो ये देखो इसमें ये सब आ रहा था और उसमें सिर्फ क्या आ रहा है बेसिक बेसिक प्लस बेशिक प्लस और इसमें देखो एच नहीं आ रहा पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर देखो एच नहीं आ रहा मिनिमम वेजेस के अंदर एच आ रहा है तो आपको ये ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी पेमेंट ऑफ वेजेस में एच नहीं आ रहा था मिनिमम वेजेस में देखो एच आ रहा है क्या बात कर रहे हो सर ये देखो ये देखो तो याद रखिएगा ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट नाइनटीन थर्टी सिक्स वेजेस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट और दूसरा क्वेश्चन कौन सा डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स वर्सेज मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राइट स्केडूल्ड इंप्लाई हुई स्केड्यूल्ड इम्प्लॉय हुई जो स्केड्लॉय जो में स्केड इम्प्लॉयमेंट कौन सी और इन में से आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आप कौन हो और आप लिए क्या है? सरकार ने हर सेक्टर के लिए मिनिमम वेजेस ही बताई सिर्फ्यूल सेक्टर के लिए जो इस आपके स्केड्यूल में दिए गए हैं डन सर एब्सोल्यूटली ये बात हमें समझ आ गई बस एक सेक्शन रह गया यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर चार देखो

तो मिनिमम रेट ऑफ वेट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बताते हुए सरकार क्या देखती है सरकार ना तीन चीजें देखती है कभी कभी सरकार क्या बोलती है कभी कभी सरकार कहती है कि बेसिक वेज आएगा सिर्फ सिर्फ बेसिक वेज बेसिक वेज आएगा और कुछ नहीं आएगा कभी कभी सरकार बोलती है बेसिक वेज प्लस स्पेशल अलाउंसेज आएंगे कभी कभी सरकार बोलती है बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेज Plus cash value of cash value of वो सौ रुपए वाली थाली आपको दस रुपए में मिलती है सौ रुपए वाली थाली आपको दस रुपए में मिलती है तो नाइन्टी रुपीज का आपको रोज कंसेशन मिलता है तो नाइनटी रुपीज का आपको रोज कंसेन मिलता है इन टू पच्चीस दिन की आपकी जॉब है जी पच्चीस दिन की जॉब है तो ये कितना हो गया नौ सौ नौ सौ अठारह साढ़े बाईस सौ रुपए ये भी सरकार मिनिमम वेजेस में ऐड कर सकती है ये क्या है कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन तो इसका मतलब क्या हुआ हाँ इसमें आपको तीन चीजें देखनी है मैं सिंपली बोलता हूँ सरकार मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है ना वो अलग अलग स्केड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग तरीके से बताती है कई जगह सरकार बोलती है मैं मिनिमम वेजेस बताऊंगी मिनिमम वेजेस का मतलब खाली बेसिक वेज रेट होगा कई जगह सरकार बोलती है मैं मिनिमम वेजेस बताऊंगी मिनिमम का मतलब बेसिक वेज प्लस स्पेशल अलाउंस जैसे डीएलएस अलाउंस है वो होगा डीएलएस अलाउंस महंगाई बता कई कई -कही सरकार बोलते हैं कि मैं मिनिमम वेजेस बताऊंगी जिसमें बेसिक भी होगा डीएलएस अलाउंस भी होगा लिविंग अलाउंस भी होगा अलाउंस भी, भी होंगे मतलब कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन भी होगा मतलब कई कई जगह पे सरकार जो है वो सस्ता खाना जो है सरकार जो है वो सस्ते खाने को भी कई जगह पे मिनिमम वेजेस में डाल देती है कि वो भी आपकी वेजेस का पार्ट माना जाएगा जैसे कि अगर मैं बात करूं बैंगलोर की तो जो मिड डे मील मिलती है ना ऑफिस में तो बैंगलोर में वो आपकी रेमट्रेशन का पार्ट माना जाता है मिनिमम वेज का का पार्ट माना जाता है 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 दिल्ली में मिड डे मील ही नहीं है और अगर कोई देता भी है तो आपके मिनिमम वेजेस का पार्ट नहीं माना जाता केरला में माना जाता है साउथ इंडिया में जनरली ये वाला कल्चर है कि आपको मिड डे मील ऑफिस में मिलती है और मिड डे मील जो ऑफिस में मिलती है वो आपका पार्ट माना जाता है लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ मिड डे मील नहीं मिलती इसलिए आपकी मिनिमम वेजेस का पार्ट नहीं माना जाता तो इन शॉर्ट सरकार के पास तीन ऑप्शन है खाली बेसिक वेज को मिनिमम वेज मान ले बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंस यानी कि डीएलएस अलाउंस को मान ले या बेसिक प्लस स्पेशल प्लस जो लिविंग अलाउंस है ये लिविंग अलाउंस यही वाला हो गया ना बेसिकली ये वही हो गया लिविंग अलाउंस वही हो गया स्पेशल अलाउंस वाला ये दिस लिविंग अलाउंस डीएलएस अलाउंस इज लिविंग अलाउंस ओनली तो खाली बेसिक बेसिक प्लस डीए

हमारी एवरेज अच्छी आई है बता हमने दस बजे शुरू किया चार बज सवा गएक्सी आप देखोगे तो सवा घंटे सवा घंटे से लगातार बोल रहा हूं। बीच में हमने दो ब्रेक ली एक, की। और एक हमने ब्रेक ली मिनट की घंटे की ब्रेक तो आवर्स में हमने फाइव चैप्टर्स रिवाइज किया और इस तरीके से अगर आप करो ना तो सुबह से शाम तक बैठो तो पूरा लेबर लॉ चालीस नंबर का रिवाइज हो जाता है अगर आप खुद करो तो यहाँ तो आप मुझे सुन रहे हो वहां तो आपको खुद रीड करना राइट ठीक है जी तो कल फिर मिलेंगे एक नए एंथम के साथ अगर आप लोग कल तक रहो जनरली बच्चे थक जाते हैं नेक्स्ट डे थर्ड डे थकना नहीं है करना है और शुरू किया है पूरा करना है ठीक है दन जी सर आपकी आईपी की क्लास शो हो रही है सवा दस बजे वो तो मैंने बोला ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉपीराइट वाली क्लास है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉपीराइट वाली क्लास सवा दस बजे है ठीक है ओके डन, ठीक है जी सर पूरी डिटेल में हो गई रिवीजन, यस yes, सर तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में दस बजे इसी बैच के लिए टिल देन दिस इज सी एस हमें दौरा साइनिंग ऑफ टेक केयर बाय थैंक यू शुक्रिया